यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जो वीडियो देख रहे हैं हम सबके लिए, कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 1, जो हमारा जनरल पेपर है, उसकी यूनिट नंबर 9, जिसका नाम है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। ये जो हमारी यूनिट है, यूनिट नंबर 9, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट, इस पूरी यूनिट को आज हम हमारी क्लास में करने वाले हैं रिवाइज। टोटल मिला के अगर मैं बात करता हूँ पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट का, तो देखो एक बार पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट की जो यूनिट 9 थी, इसके पूरे टॉपिक्स को, इसके पूरे सिलेबस को हम लोगों ने जो है वो 7 चैप्टर्स के में जो है वो बाइफर्केट किया था, और इसके ऊपर अभी तक हम लोग जो है वो 30 लेक्चर जो है वो हम लोगों ने जो है वो लगाए थे। किसके ऊपर? हमारे पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट की यूनिट पे। अगर हम बात करते हैं, हमने इसके अंदर जो है वो बाइफर्केशन कुछ ऐसे किया था। फर्स्ट चैप्टर था हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का, इसके ऊपर 4 लेक्चर हम लोगों ने लगाए थे, ठीक है, जिसके अंदर हमारे MDG और जो हमारे SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हमने कंप्लीट किया। फिर है जी आपका ह्यूमन एंड एनवायरमेंट का इंटरेक्शन, सबसे बड़ा चैप्टर यही है 30 पेज का, इसके अंदर सब कुछ आ गया। एनवायरमेंट क्या है, इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, बायोस्फीयर क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, ओजोन डिप्लीशन हो गया और ग्रीन हाउस गैसेस हो गया, ये सारा का सारा टॉपिक हमने जो है वो डाला था। किसके अंदर? हमारा ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शन। इनफैक्ट हमने सबसे पहले स्टार्टिंग इसी की थी कि पहले चैप्टर नंबर 2 करेंगे, वहां से एनवायरमेंट का पता चलेगा, फिर आगे चैप्टर नंबर 3 एनवायरमेंटल इशू का, ये तो बिल्कुल सिंपल सही था। फिर चैप्टर नंबर 4 पोल्यूशन का, पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं और उनका ह्यूमन लाइफ पे इंपैक्ट क्या पड़ता है, ये चैप्टर नंबर 4 में था। चैप्टर नंबर 5 जो है वो है आपका नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का, जिसके अंदर हम लोगों ने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल टोटल मिला के 9 तरह की जो है वो एनर्जी रिसोर्स की बात की थी। फिर है जी 6ठा चैप्टर आपका नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर का, ये वाला टॉपिक हमने जो है वो कंप्लीट किया था। और फिर है आपका एनवायरमेंट के एग्रीमेंट, जिसके अंदर आपके क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अर्थ समिट, ये सब टॉपिक जो है हमने इसमें डाले थे, और जिसमें NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये सारे टॉपिक जो है वो आए थे अपने किसमें, चैप्टर नंबर 7। तो टोटल मिला के कोई 80-90 पेज के अपने जो है वो नोट्स थे। ये बुक आपको जो है मैंने आपको आपके होम एड्रेस पे भेजी थी, जिससे मुझसे कोर्स लिया था, तो इसके अंदर हमने ये कलर्ड बुक्स थी हमारी, इसमें सब कुछ टॉपिक हमने इसमें डाला हुआ था। आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले, इस पूरे के पूरे यूनिट को, बोले तो इस 7 चैप्टर को हम लोग जो है वो आज की क्लास में करेंगे क्या रिवाइज। आपको सिंपली क्या करना है, बस आप फोन जो है वो लेके बैठे, ओके, और उसके बाद में जो है नोट्स खोल के बैठे, मैं जल्दी जल्दी बताते रहूंगा, तो आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा पूरे के पूरे यूनिट को, फिर आप रीडिंग मार देना एक बार, पूरा का पूरा टॉपिक आपका जो है आपको लर्न हो जाएगा। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, उसकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जैसे डिजीज का टॉपिक हो गया, कुछ और चीजें और भी हैं, तो वो अलग से मैं आपको करवा दूंगा। तो अभी फिलहाल जो है 3 लेक्चर पीपल के ऊपर हम लगाने वाले हैं, 1 लेक्चर में तो पूरा रिवाइज करेंगे, दूसरे लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो पीपल के सारे क्वेश्चन करेंगे, लगभग कोई 150 से 200 क्वेश्चन मैंने बनाए, और 1 लेक्चर हम लगाएंगे इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजों के लिए, ओके जी सर। चलो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम लोग कैसे करने वाले हैं, इसकी रिवीजन हम कुछ इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 बेसिक एनवायरनमेंट का, फिर 3, फिर 4, फिर करेंगे चैप्टर 1, फिर 5, 6 और 7। तो चैप्टर 1 हम करेंगे 4th नंबर पे, ओके जी सर। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूँ, चैप्टर नंबर 2 का नाम जो है वो क्या है जी, वो है आपका ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन। इसके अंदर सारा बेसिक आ गया। तो अब इसके अंदर टोटल मिला के 22 टॉपिक थे जो हमने इसके अंदर जो है वो क्या किए थे, कवर किए थे। मैं हर टॉपिक को जो है वो ब्रीफली एक बार ऊपर से सारा एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके पॉइंट्स आपको बता दूंगा, जनरली पेपर के लिए वही चीज रेलिवेंट है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एनवायरनमेंट अगर बात करें, पहले तो ये बताओ कि आपके टॉपिक का नाम क्या। टॉपिक का नाम है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो पहली बात अगर बात करते हो पीपल का, एनवायरनमेंट की बात ही नहीं कर रहा मैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं हम किसका, पीपल का। तो पीपल क्या है, पीपल को हम एक सिंगुलर टर्म के अंदर यूज नहीं करते। पीपल जो है वो एक सिंगुलर पर्सन नहीं है। पीपल का मतलब क्या होता है, जो एक, जब हम ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, तो जब हम बात करते हैं किसका, कि इकट्ठे कुछ लोगों का जो बंच होता है उसको बोलते हैं बेसिकली क्या, पीपल। तो पीपल जो है वो क्या, प्लुरैलिटी है किसका, पर्सन का, कंसिडर एज ए होल, एज इन द केस विद एन एथनिक ग्रुप या नेशन या पब्लिक ऑफ ए पॉलिटी, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पीपल। फिर बात आएगा किसका, डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंट का मतलब जो है बेसिकली क्या, डेवलपमेंट एक प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है, ग्रोथ का प्रोसेस है। जब अगर मान लो किसी भी रिस्पेक्ट में अगर ग्रोथ हो रही है एनवायरमेंट के अंदर, अगर ग्रोथ हो रही है इनकम के अंदर, अगर ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डेवलपमेंट। ये बेसिक सी बात है। तो डेवलपमेंट जो है वो क्या है, डेवलपमेंट एक प्रोसेस था जो क्रिएट करता है ग्रोथ,
क्रिएट करता है प्रोग्रेस, जो क्रिएट करता है पॉजिटिव चेंज, और द एडिशन करता है किसके अंदर, फिजिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, सोशल एंड डेमोग्राफिक कंपोनेंट में। तो अगर मान लो इन कंपोनेंट्स के अंदर जो है वो कोई ग्रोथ होती है तो इसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली क्या, डेवलपमेंट। अब सबसे मेन जो है दैट इज द एनवायरमेंट, यहां से हमारा टॉपिक जो स्टार्ट हुआ था। एनवायरमेंट की बात करें तो एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट दो वर्ड से मिलकर बना था, एक था एनवायर और एक था क्या, मेंट। एनवायर का मतलब जो है वो क्या होता है, हमारी सराउंडिंग, और मेंट का जो मतलब होता है वो क्या होता है, एक्शन। तो एनवायरमेंट का मतलब जो है वो बेसिकली क्या हो गया, इंटरेक्शन हो गया बिटवीन द मैन एंड दी नेचर। तो मैन और नेचर के बीच का जो ये जो इंटरेक्शन है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एनवायरमेंट। बात खत्म हो गया। अब एनवायरमेंट की अगर हम बात करें तो एनवायरमेंट के कंपोनेंट के अंदर बेसिकली चार चीजें जो है वो आती हैं। सबसे पहला आएगा लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर को बोलते हैं हम लोग हिंदी के अंदर क्या, स्थलमंडल। स्थलमंडल लिथोस्फीयर जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना, एक है लिथोस और एक है स्फीयर। लिथोस का मतलब जो है वो क्या होता है, रॉक, और स्फीयर का मतलब क्या होता है, रीजन। तो एक ऐसा एरिया जहां पे बेसिकली जैसे जो आपका माउंटेन्स हो गए हैं, ठीक है, ये सब एरिया जो है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लिथोस्फीयर। तो एक कंपोनेंट जो है एनवायरमेंट का वो क्या है जी, आपका लिथोस्फीयर है। दूसरा जो है मतलब ये जो रॉक लाइक क्रस्ट जो होता है ना, रॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लिथोस्फीयर। और आपको मैं बता दूं अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो अर्थ की जो सबसे आउटर मोस्ट जो हमारी जो जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्रस्ट बोलते हैं। उसके अंदर आता है क्या, मेंटल, और उसके अंदर जो है वो क्या आती है, कोर आती है। ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो जो अर्थ की जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, जैसे भूकंप आता है तो भूकंप, आपको मैंने बताया था कि क्या होता है कि अर्थ की जो जो आपका ये जो क्रस्ट होती है और जो ये मेंटल होता है, ये आपकी जो है टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बना होता है। जब इन टेक्टोनिक प्लेट्स में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, मतलब ये जो प्लेट्स जो ऐसे बनी हुई है, मान लो जब भी थोड़ा डिस्प्लेस होगा ना, तो फिर उससे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो है वो क्या होता है कि आपका अर्थ क्वेक आता है। ओके जी सर। तो सबसे पहला जो है वो क्या है जी, आपका लिथोस्फीयर कंपोनेंट पहला। दूसरा कंपोनेंट जो है वो है क्या, हाइड्रोस्फीयर, जिसको बोलते हैं क्या, जलमंडल। इसके अंदर जो है हाइड्रो का मतलब क्या होता है, पानी, वाटर, ठीक है। तो अर्थ का वो प्लेस जहां पे पानी पाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली क्या, हाइड्रोस्फीयर। पूरे अर्थ की अगर हम बात करें तो 71% एरिया जो है वो कवर है किससे, आपके हाइड्रोस्फीयर जो है वो अर्थ सरफेस का लगभग 71% जो है वो क्या करता है जी, कवर करता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। और 97.5% पानी जो अर्थ से पाया जाता है वो कौन सा है, सोल्ट वाटर है, और सिर्फ 2.5% जो है वो क्या है, आपके फ्रेश वाटर है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो है एनवायरमेंट के कंपोनेंट में वो आएगा जी क्या, आपका एटमोस्फीयर। एटमोस्फीयर बोले तो आपका क्या, वातावरण। आप लोगों को मालूम है कि एटमोस्फीयर जो है वो एक वर्ड है, एटोम से बना है। तो एटोम्स, एटमोस जो है, एटमोस से बना, सॉरी, एटमोस का मतलब जो है वो क्या होता है, वेपर या फिर क्या होता है, गैसेस। तो गैसेस, पूरा जो अर्थ है वो ढका हुआ है किससे, वो एक ब्लैंकेट से ढका हुआ है, और ब्लैंकेट के अंदर बेसिकली जो है वो क्या है, गैसेस है। तो ये बात ध्यान रखना कि एटमोस्फेयर के अंदर बेसिकली क्या आएगा, गैसेस आएगा, और ये कंपोनेंट किसका, आपके एनवायरमेंट का। तो आप जो एटमोस्फेयर में जो आपको वेरियस गैसेस का जो कंपोजिशन देखने को मिलेगा उसके अंदर मेन सबसे ज्यादा जो मात्रा में पाई जाती है वो है कौन सा, आपका नाइट्रोजन, फिर है जी ऑक्सीजन, फिर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, मीथेन, क्रिप्टोन एंड ज़ीनन। ये सब आपको जो है वो गैसेस आपको अपने एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेगी। अब जो एटमॉस्फेयर है उसका हमने किया होता बाइफरकेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग का स्ट्रेटिफिकेशन। बोलो तो एटमॉस्फेयर को जो है अलग अलग पार्ट्स में, पहली बात तो पूरा एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के अंदर आता है एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर के हमने जो है वो क्या बना रखे थे, पार्ट्स बना रखे थे। जो एटमॉस्फेयर के पार्ट है बेसिकली जो उसका स्ट्रेटिफिकेशन था, तो उसमें बना रखे हमने लेयर्स। ओके, लेयर में सबसे पहले नंबर पर जो है वो आएगी कौन सा, आपका ट्रोपोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर जो है वो आपके 16 किलोमीटर तक का एरिया जो है, 16 किलोमीटर एट द इक्वेटर तक का एरिया जो है वो क्या करती है, कवर करती है। इसके बाद अगली जो आपकी जो लेयर आती है दैट इज द स्ट्रेटोस्फीयर, ये 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड है। इसके अंदर आपके ओजोन लेयर आती है। तो ओजोन लेयर क्या है वो वैसे आगे चर्चा करने वाले, एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। जो सन की जो रेज जब हमारी अर्थ के ऊपर पड़ती है, तो सन से जो रेज आती है उसको बोलते हैं यूवी रेज। ओके, अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी बी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो क्या करती है, उनको जो है वो रोकने का काम करती है। तो डायरेक्टली अगर वो आएगा तो उससे जो है वो यहां पे क्या होगा, सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा अपना अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और प्लस में यहां पे बहुत सारी डिसीज हो जाएंगी। जैसे कई बार बोलते हैं ना कि कोई पर्सन अगर डायरेक्टली सनलाइट के कॉन्टेक्ट में आ गया, ठीक है, तो उसकी वजह से उसको सनबर्न हो गया या स्किन कैंसर हो गया। तो ओजोन लेयर जो है उसको क्या करती है, उसको रोकती है, मतलब छान के भेजती है उसको बेसिकली, ठीक है। तो ओजोन लेयर आपको सेकंड लेयर जो है आपकी दैट इज द स्ट्रेटोस्फीयर, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। थर्ड लेयर आएगा कौन सा, आपका मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर जो है जो बेसिकली मीटियोर से होते हैं, ठीक है, वो बम अप करते हैं कहां पे, मीजोस्फीयर में। चौथे नंबर पे आएगा कौन सा, थर्मोस्फीयर। पांचवे पे आएगा जी आपका कौन सा, एक्सोस्फीयर। और सबसे लास्ट में जो है वो है जी कौन सा, मैग्नेटोस्फीयर। ओके जी सर। इसके बाद चौथे नंबर का जो कंपोनेंट है आपके पूरे एनवायरमेंट का, दैट इज द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब जो है वो क्या, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। तो मतलब अर्थ में जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वहां पे आपको बेसिकली जो है वो बायोस्फीयर देखने को मिलेगा। और बायोस्फीयर जो है वो क्या है अगर हम बात करते हैं,
मतलब अर्थ में, अर्थ पे जहां लाइफ सर्वाइव करती है, जहां पे लोग जीते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बायोस्फीयर। और इसके अंदर आपके दोनों के दोनों आएंगे, इसके अंदर जो है आपके जीव जंतु भी आएंगे और इसके अंदर जो है वो आपका ह्यूमन भी आएगा। तो बायोस्फीयर हो गया आपका, बायोस्फीयर रेफर टू द सम टोटल ऑफ ऑल द लिविंग मैटर, जो भी लिविंग मैटर है या जो भी बायोटा है। बायोटा बेसिकली जो है वो क्या होता है कि एक टाइम पर अर्थ के ऊपर जितने भी आपके लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबका जो कॉम्बिनेशन है उसको बेसिकली बोलते हैं हम लोग क्या, बायोटा। तो बायोस्फीयर बेसिकली क्या है, जीव मंडल, जहां पे अर्थ का वो प्लेस जहां पे आपकी लाइफ है, मतलब जहां पे लोग जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं, उसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग क्या, बायोस्फीयर। ओके जी सर, तो बेसिकली कंपोनेंट के नाम पे जो है वो कितने हो गए, चार हो गए हैं। चलो जी आगे, इसके बाद अब अगला टॉपिक आया ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शन। जब ह्यूमन का एनवायरमेंट के साथ में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, तो ह्यूमन कोई ऐसी एक्टिविटीज जनरेट करता है उनको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। तो ये बेसिकली एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, मैन मेड एक्टिविटी, ह्यूमन के द्वारा जो मैन मेड एक्टिविटी किया गया उनका हमारे एनवायरनमेंट पे जो इंपैक्ट पड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन। ओके, तो इसको अगर बात करते हैं हम लोग ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन की, तो इस इंटरेक्शन के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा। अब ह्यूमन एक्टिविटी का जो है एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, ठीक है, तो उसके नाम पे आप अपने यहां पे जो है वो कई सारे क्या आते हैं, इश्यूज आते हैं, वो इश्यूज जो है वो देखते हैं एक बार। देखिए अगर मैं बात करता हूं हमारे वेरियस इश्यूज की, तो ये देखो क्या क्या है, एक मिनट रुकिएगा, ये आ गए जी हमारे एनवायरमेंटल इश्यू। सबसे पहला है एक्सप्लोडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है, और उस ह्यूमन बढ़ती हुई ह्यूमन पॉपुलेशन को अगर आपने क्या करना है, फीड करना है, तो उसके लिए आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर और ज्यादा एक्टिविटीज है वो जनरेट करनी पड़ेगी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डिफोरेस्टेशन होता है। तो हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, जंगलों को काटते जा रहे हैं और अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो उसका हमारे ऊपर बैड इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो इश्यूज जो आ रहे हैं, डेट इज द सबसे पहला हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। जंगलों के अंदर जो बेचारे वो रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, तो जब हम उस जंगलों को काट देंगे तो उनकी वजह से उनका जो है डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, लैंड डिग्रेड हो रही है। तीसरा, रिसोर्स भी लगातार क्या होते जा रहे हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं। चौथा, एक्सेसिव बर्निंग हो रही है किसका, फॉसिल फ्यूल्स का। और पांचवा जो है वो क्या, रैपिड अर्बनाइजेशन। दूसरा जो इशू हमारा आ रहा है, डेट इज द इंक्रीजिंग पोल्यूशन। लगातार पोल्यूशन जो है वो बढ़ते जा रहा है। आप जानते ही हैं कि ह्यूमन जो है वो सबसे ज्यादा क्रिएट करते हैं ट्रैश को, ठीक है, और बहुत ही कम स्पेस जो है वो अर्थ के ऊपर बचा है उसको क्या करने का, डंप करने का। तो उसकी वजह से हमारे पॉल्यूशन की वजह से जो है वो बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट के ऊपर क्या पड़ रहा है, बैड इंपैक्ट। थर्ड जो है वो क्या है, डिफोरेस्टेशन। इसका भी बहुत बड़ा बैड इंपैक्ट हमारे ऊपर जो है वो पड़ रहा है, क्योंकि वनों की लगातार कटाई होती जा रही है और जो फॉरेस्ट है उनको बेसिकली कार्बन सिंक बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वो ज्यादा जो है वो कार्बन को जो है वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। और जब वो नहीं रहेंगे तो नेचुरल बात है कि एनवायरनमेंट के अंदर ही जब कार्बन का अमाउंट अगर ज्यादा रहेगा तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और फिर सांस लेने की बीमारी ज्यादा हो जाएंगी। फिर है क्लाइमेट चेंज, इसको भी आगे देखेंगे, लेकिन शॉर्ट में बता दूं क्लाइमेट चेंज का बेसिक मीनिंग जो है वो क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो प्रेजेंस है, उनकी वजह से जो है अर्थ के ऊपर जब यूवी रेस आई, जब यहां पे वो टकरा के वापस जाती है, इंफ्रारेड रेस बोलते हैं फिर उनको, जब वो टकरा के वापस जा रही है, ठीक है, तो वो रेस जो है वो आपके लोअर एनवायरनमेंट के अंदर ही रह गई, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेस है उन्होंने उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और उसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है लगातार क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो अर्थ का टेम्परेचर जो लगातार बढ़ते जा रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज की अगर डेफिनेशन कभी आ जाए एग्जाम में तो बस आप ये ध्यान रखिएगा कि जो ग्लोबल एनवायरनमेंट जो लगातार बढ़ते जा रहा है किसकी वजह से, ड्यू टू द जो हीट हमारी एब्जॉर्ब कर रही है, कौन, ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से अर्थ का जो एनवायरनमेंट लगातार बढ़ते जा रहा है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट, या उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, क्लाइमेट चेंज। फिर है पब्लिक हेल्थ, कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका जो है हमारे क्लाइमेट सिस्टम का हमारे पब्लिक हेल्थ के ऊपर भी जो है वो क्या पड़ रहा है, बैड इंपैक्ट पड़ रहा है। फिर आपका वाटर एंड सैनिटेशन का स्टेटस, ये बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, वाटर की जो है वो क्या हो रही है, स्कार्सिटी है, पीने का पानी जो है बहुत ही कम अमाउंट में अवेलेबल है और कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा उसके अंदर देखने को मिल रहा है। फिर है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारी वैरायटी ऑफ लाइफ जो है अर्थ के ऊपर सर्वाइव करती है, लेकिन क्योंकि हम जब से डिफोरेस्टेशन करते जा रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी प्रजातियां वो क्या हो गई है, खत्म हो गई है। अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत सारी प्रजाति जो है वो क्या, खत्म हो गई है। जैसे आपने देखा होगा चिड़िया जो है पहले कितने आपको देखने को मिलती थी, अब अर्बनाइजेशन इतना हो गया कि जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो बेचारी वो सर्वाइव कैसे कर पाएगी, ये दिक्कत है। फिर जेनेटिक कंटामिनेशन जो है वो भी बहुत ज्यादा हो रही है, रिसोर्स लगातार क्या हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी का सबसे बड़ा इशू हो रहा है, पहला क्वेश्चन तो ये, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है आप अपने प्रेजेंट रिसोर्स को इस तरीके से क्या करेंगे, खर्च करेंगे कि उन रिसोर्स को फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचाकर रखेंगे, मतलब सब कुछ आज ही जो है वो खत्म नहीं करना, अपने को जो हमारे जो मदर नेचर ने हम लोगों को रिसोर्स प्रोवाइड जो करवाए हैं उसको इस तरीके से हम लोग खर्च करेंगे कि अगली जनरेशन के लिए भी हम लोग जो है उसको सेव करके रख सके, उसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग क्या,
सस्टेनेबिलिटी। तो ये बहुत बड़ा इश्यू आ रहा है और सस्टेनेबिलिटी के लिए जो है वो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 के अंदर आए भी थे। फिर सॉलिड वेस्ट एंड इन द सिलिकन एज, सिलिकन एज बेसिकली क्या है, जो आपका IT एज जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो सिलिकन एज के अंदर जो है इंसान अब लग्जरी की तरफ चला गया और हम लगातार नई नई टेक्निकल या पुराने वाले टेक्निक को छोड़ते जा रहे हैं, तो उनको डंप करना एक बहुत बड़ी जो समस्या हमारी हो गई है। जैसे पुराने फोन हैं उनका आप क्या करोगे, कोई परचेज नहीं करना चाहेगा उसको, तो उसको डंप करना एक बहुत बड़ा जो है वो क्या आ गया, इशू आ गया, क्योंकि लोग आज की डेट में क्या कर रहे हैं, यूज एंड थ्रो कर रहे हैं, यू इस्तेमाल करते हैं फिर फेंक देते हैं। फिर इसके बाद में एनवायरमेंट एंड माइनिंग, इसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। हम लगातार क्या खदान का काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, जब आप लोग जो है वो क्या करें, जब माइनिंग का काम बहुत ज्यादा करेंगे, एक्सेक्शन करेंगे मिनरल्स को, अगर आप निकालने का काम करेंगे, तो उससे कई बार जो है एक तो जमीन की जो उर्वरता है वो भी खत्म हो जाएगी और दूसरा कई बार जो है उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो जाती है जमीन की, लैंडस्लाइड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो एक इशू आ गया है। इसके बाद में जो है वो क्या, एनर्जी और एनवायरमेंटल टसल, ये भी बहुत बड़ा जो है वो मैटर आ गया है, कि क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन आज की डेट में एनवायरनमेंट बन गया और वहां पे अगर आपको उसको क्या करना है, ड्राइव करना है मान लीजिए, ठीक है, तो आपको जो है वो क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी जो है अगर आप रिन्यूएबल रिसोर्स से करें तो बहुत बढ़िया, लेकिन नॉन रिन्यूएबल सोर्स से अगर आप एनर्जी को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करने का काम करेंगे, तो रिसोर्स भी आपके क्या हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं, तो ये भी एक इशू है। इसके बाद है ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट का इंट्रैक्शन, आपको अभी मैंने बताया भी है, जब ह्यूमन का एनवायरनमेंट के साथ में इंट्रैक्शन होगा तो फिर क्या होगा, तो फिर तीन बातें जो है अराइज होगी। सबसे पहला तो है डिपेंड, हम बोलते हैं ह्यूमन बींग जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एनवायरनमेंट पे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करवाता है क्या, रिसोर्सेज को, और ह्यूमन जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एनवायरनमेंट पे, ड्यू टू द रिसोर्स। लिखा भी है ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं एनवायरनमेंट पे फॉर द नीड ऑफ फूड क्लॉथिंग एंड शेल्टर। दूसरा जो है वो है क्या जी, मॉडिफाई, एंड ह्यूमन जो है वो क्या करता है, एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करता है ताकि वो वहां पे सर्वाइव कर सके। तो लिखा भी है ह्यूमन ट्राई टू मॉडिफाई द एनवायरनमेंट एज पर देयर रिक्वायरमेंट। जब डिफिकल्ट हो जाता है सर्वाइव करना, तो जब नेचुरल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना हमारे लिए मुश्किल हो जाए, तो हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर लेते हैं। और तीसरा जो है अडेप्ट, जब हम मॉडिफाई ना कर पाए, जब डिफिकल्टी आ जाए मॉडिफिकेशन के अंदर, तो हमारी मजबूरी है, वहां पे हमको जो है वो क्या करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट को ऐसे ही जैसा वो है वैसे ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली ह्यूमन का एनवायरनमेंट का जो इंट्रैक्शन था, तो इंट्रैक्शन तीन तरीके से, एक है डिपेंड, एक है मॉडिफाई, और तीसरा जो है वो क्या, अडॉप्ट। इसके बाद आएगा जी इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी बेसिकली एक पढ़ाई है। इकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना था, एक था आपका क्या, ओइकोस, जिसका मतलब है हाउस और या फिर ड्वेलिंग प्लेस, और एक होता है लॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, ठीक है। तो इकोलॉजी जो है वो क्या है, स्टडी है, मतलब रिलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द एनवायरनमेंट। इसकी पढ़ाई जो है, इसकी जो स्टडी हम करते हैं, ठीक है, मतलब इट इज ए स्टडी कि एनिमल या ह्यूमन जो है उनका अपने ऑर्गेनिक या नॉन ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट के साथ में जो इंट्रैक्शन होता है, उस इंट्रैक्शन की जो स्टडी होती है, उस स्टडी को बोलते हैं हम लोग क्या, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या हो गया, परिस्थिति विज्ञान, परिस्थिति विज्ञान। तो इकोलॉजी बेसिकली क्या है, एक स्टडी है, ठीक है। डेफिनेशन क्या बोलती है, इकोलॉजी रेफर टू द स्टडी ऑफ द रिलेशन। इकोलॉजी का मतलब एक स्टडी है, जो स्टडी में आप क्या करोगे, आप रिलेशन देखोगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का विद देयर एनवायरनमेंट। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट के साथ में जब आप क्या करते हो, बेसिकली यहां पे उनका क्या रिलेशन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट के साथ में या अपने हैबिटेट के साथ में जो रिलेशन है, उस रिलेशन की स्टडी करना, दैट इज नोन एज द इकोलॉजी। फिर आएगा जी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो टर्म है वो एजी टेंसले ने जो है वो क्या किया, डिराइव किया था 1935 के अंदर, उसने जो है बताया था। और इकोसिस्टम बेसिकली क्या है, इकोसिस्टम जो है वो क्या, इंटीग्रेशन। जब आप लिविंग और नॉन लिविंग जितने भी आपके ऑब्जेक्ट हैं, जो भी आपके फैक्टर हैं, उनको क्या कर दो, कंबाइन कर देते हो, उस पूरे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम लोग क्या, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम वैसे इसने जो एजे टेंसले ने जो डिफाइन किया था इकोसिस्टम को, उन्होंने बोला इट इज अ सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन। एक ये एक ऐसा सिस्टम है जो कैसे बनता है, जब हम इंटीग्रेट कर देते हैं किसको, ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर ऑफ एनवायरमेंट, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इकोसिस्टम, ठीक है जी। फिर आएगा प्रॉपर्टी। इकोसिस्टम की दो चार प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ। इकोसिस्टम ऑफ एनी गिवन स्पेस और टाइम यूनिट रिप्रेजेंट करता है क्या, इकोसिस्टम का मतलब क्या, इट इज द सम ऑफ द ऑल द लिविंग एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट। दूसरा, इट कंसिस्ट तीन बेसिक एनवायरनमेंट है, एनर्जी, बायोम और हैबिटेट। ये ऑक्यूपाई करता है वेल डिफाइंड एरिया। इकोसिस्टम का मतलब अर्थ के ऊपर वो सर्फेस जहां पर ये सब आपको तीनों एक साथ देखने को मिलेंगे, तो उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। इट इज व्यू इन टर्म्स ऑफ द टाइम यूनिट। ये एक टेम्पोरल डायरेक्शन होती है, मतलब एक वक्त के ऊपर ही हम इसको जो है वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। देयर इज अ कॉम्प्लेक्स set of interaction between the biotic and the abiotic component on one hand and among the organism on the other hand. तो ये सब, ये एक open system है, ये सब चीजें जो है वो यहाँ पे दी हुई है। लेकिन main ecosystem के अंदर जो main source of energy है, that is the sun.
अभी आप ट्रॉपिक लेयर भी पढ़ते हैं, तो ट्रॉपिक लेयर में सबसे शुरुआत जो है वो किससे होती है, सन से ही है। चलो अभी एक बार देख लेंगे हम लोग। और दो टर्म होती है, एक होता है बायोटिक एनवायरनमेंट और एक है आपका बायोटिक कंपोनेंट, और एक होता है कौन सा, अबायोटिक। तो बायोटिक कंपोनेंट जो है उसके अंदर बेसिकली क्या आएगा, जो भी आपके लिविंग ऑब्जेक्ट है वो सब किसका पार्ट है आपके, बायोटिक का। जो नॉन लिविंग है वो किसका पार्ट है आपके, अबायोटिक का। तो लिविंग के अंदर बेसिकली प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया, ह्यूमन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब पार्ट है किसका, बायोटिक। और अबायोटिक के अंदर आपके आएंगे कौन सा, फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, अबायोटिक, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन आएगा जी आपका काइंड ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अगर मैं काइंड की बात करता हूं तो इकोसिस्टम दो तरीके का होता है, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम और एक होता है कौन सा, आर्टिफिशियल मैनमेड। नेचुरल इकोसिस्टम की अगर मैं बात करता हूं तो नेचुरल इकोसिस्टम वो है जहां पे मैन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, मतलब मैन का कोई भी इंटरफेयर नहीं है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, नेचुरल इकोसिस्टम। जो नेचुरल कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा उसको बोलेंगे नेचुरल इकोसिस्टम। जैसे समुद्र की अगर मैं बात करता हूं तो समुद्र जैसे है वैसे ही आपको देखने को मिलता है, मतलब ह्यूमन ने उसके उसमें कोई भी अपना इंटरफेयर नहीं किया, तो उसको बोलते हैं आप लोग नेचुरल इकोसिस्टम। और अगर ह्यूमन जो है वो क्या करता है, समुद्र के बाइफरकेशन कर देता है, मान लीजिए अगर वो जो है उसका पानी जो है वो दूसरा फ्लो बढ़ा दे, कहीं और कर दे मान लो, और वहां पे जो है वो आर्टिफिशियल कुछ बना ले, तो उसको बोलेंगे आप लोग क्या, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ओके, अब जो आपका नेचुरल इकोसिस्टम है वो आपके बेसिकली दो तरीके का है, एक है टेरेस्ट्रियल, ठीक है, जमीन, और एक है पानी। दो ही चीज तो आपको देखने को मिलेगी, एक जमीन मिलेगा और एक क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। तो टेरेस्ट्रियल के अंदर आएंगे फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, ये सर ये सब चीजें। और एक्वेटिक के अंदर बेसिकली जो है वो क्या आएगा आपका, दो तरीके से, एक होता है फ्रेश वाटर, ठीक है। फ्रेश वाटर जो है वो दो तरीके का होगा, एक होगा आपका लोटिक और एक होगा क्या, लेंटिक। लोटिक का मतलब क्या होता है, जो रनिंग वाटर होता है, जैसे आपको रिवर्स में स्ट्रीम्स में देखने को मिलेगा। और लेंटिक जो है वो क्या होता है, स्टैंडिंग वाटर। और एक होगा कौन सा, मरीन। मरीन के अंदर बेसिकली जो है वो क्या आएगा, डीप बॉडीज जो होती है ओशियन की या शेलो बॉडीज, ये सब किसका पार्ट है आपके, एक्वेटिक का। इसके बाद आएगा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब जब द इकोसिस्टम जो मेंटेन करता है मैन, इन विच जहां पे नेचुरल बैलेंस जो है वो क्या होता है, बिगड़ जाता है, नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब बात आएगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम के अंदर बेसिकली हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक होता है अबायोटिक और एक आएगा क्या, बायोटिक। तो अबायोटिक के अंदर बेसिकली क्या, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है, जहां पे एब्सेंट ऑफ लाइफ होती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अबायोटिक। ओके, नॉन लिविंग जो कंपोनेंट है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक के अंदर बेसिकली जो है वो एक आएगा क्लाइमेट फैक्टर, जैसे आपका रेन, विंड, ये सब। और एक आएगा ये एडेफिक फैक्टर, जिसमें सोयल, मिनरल, एनर्जी, ये सब हो गया, ठीक है जी। बायोटिक की अगर मैं बात करूं तो बायोटिक के अंदर दो तरह से होता है, एक होता है आपका ऑटोट्रॉफ्स और एक होता है कौन सा, हेट्रो। हेट्रोट्रॉफ्स की फिर आगे दो कैटेगरी हमने पढ़ी थी, एक माइक्रो और एक कौन सा, मैक्रो। पहले बात करता हूं किसका, बायोटिक। बायोटिक मतलब जहां पे लाइफ सर्वाइव करती है, मतलब जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, लिविंग कंपोनेंट, उनको बोलते हैं हम लोग क्या, बायोटिक। बायोटिक दो तरीके का, ऑटोट्रॉफ्स इनको बोलते हैं प्रोड्यूसर और हेट्रोट्रॉफ्स इनको बोलते हैं कंज्यूमर। तो ऑटोट्रॉफ्स में वो सब लोग, वो सब ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। अब ऑटोट्रॉप्स जो है ये भी आगे दो तरीके का है, एक होता है आपका प्रोटोट्रॉप्स और एक होता है कौन सा, केमोट्रॉप। लेकिन ये दोनों के दोनों कौन है, प्रोड्यूसर है, मतलब ये अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो प्रोटोट्रॉप्स के अंदर बेसिकली जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये सब, और केमोट्रॉप्स के अंदर जो है वो क्या आएगा, जो ऑर्गेनिक केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो उसको कन्वर्ट करता है एनर्जी में, वो सब, जैसे आपका बैक्टीरिया, ये सब हो गया। फिर आएगा हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स की अगर बात करें तो इनको बोलते हैं हम लोग क्या, कंज्यूमर। ये लोग जो है वो क्या करते हैं, ऑटोट्रॉप्स ने जो खाना बनाया तो ये उसको जो है वो क्या करते हैं, कंज्यूम करने का काम करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग क्या, कंज्यूमर। अब ये जो हेट्रोट्रॉप्स हैं, ठीक है, ये कंज्यूम करते हैं ऑटोट्रॉप्स को या प्रोड्यूसर्स को, जो उन्होंने मैटर बिल्डअप किया उसको ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब ये बेसिकली दो तरह के हैं, एक होता है मैक्रो और एक होता है कौन सा, माइक्रो। माइक्रो की बात करो तो उसमें तो डीकंपोजर आ जाएगा बेसिकली, जो ये बैक्टीरिया और ये सब इसमें आ जाएगा, जो उसको वेस्ट जो प्रोडक्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको ये क्या करते हैं, खत्म करने का काम होता है ये, मतलब उनकी फीडिंग होती है, ठीक है। अब मैक्रो के अंदर क्या आएगा, मैक्रो के अंदर सबसे पहले आता है हर्बीवर। हर्बीवर वो है जो जीते हैं किसके ऊपर, ग्रीन प्लांट्स को अपने फूड के तौर पे आप उसको कंज्यूम करते हैं, उसको बोलते हैं हर्बीवर, मतलब जो शाकाहारी बेसिकली, ठीक है। इसके बाद आएगा कार्निवर। कार्निवर जो है वो उसमें कौन हो गया, जो ये दे फीड ऑन द हर्बीवर, ये हर्बीवर को खा के अपने जो है वो क्या, भूख को मिटाने का काम करेंगे। ये इनडायरेक्टली जो है वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, इसलिए इसको सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। फिर आएगा ओमनीवर, जो दोनों चीजें खाते हैं, मतलब वो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं। फिर आएगा स्केवेंजर। स्केवेंजर जो है वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म को, मरे हुई चीजों को जो है वो खाने का काम करते हैं, जैसे वल्चर्स हो गया, हायनाज हो गए हैं, ठीक है, लकड़ बग्गा, या फिर ये जो आपके वल्चर्स है, गिद्ध हो गए, ये सब। इसके बाद आएगा आपका क्या, डेट्रीवोर। डेट्रीवोर के अंदर जैसे अर्थ वर्म्स या फिर आपका श्रिम्प्स हो गया, जैसे कीड़े हो गए ना, जो इंसेक्टिसाइड्स हो गया, वो सब जो है वो इसके अंदर आते हैं। माइक्रो में आपको मैंने बता दिया, माइक्रो को बोलते हैं हम लोग क्या, डीकंपोजर, ठीक है। इसके बाद आएगा ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल के अगर हम बात करें तो ट्रॉपिक लेवल जो है वो चार लेवल के ऊपर होता है, मैं सीधा यहां पे दिखा देता हूं आपको।
देखो फर्स्ट लेवल पे आएगा आपके ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स जो है आपको मैंने बताया भी, ऑटोट्रोफ्स कौन? प्रोड्यूसर, ठीक है। और ये खाना बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब ऑटोट्रोफ्स लेवल वन पे आ गया। लेवल टू के ऊपर जो आएगा वो क्या आएंगे? आपके हर्बीवर्स, ठीक है, जो जो अपनी फीडिंग जो है वो कहां से करेंगे? ऑटोट्रोफ से। फिर हर्बीवर से फीडिंग जो है वो कौन करेगा? कार्निवर्स। ये आएगा आपके लेवल नंबर थ्री पे। और फिर उसके बाद में कौन आएगा? मैन आएगा। ये आएगा आपके लेवल नंबर फोर पे। तो ये जो आपका हायरार्की जो बना, इसी को बोलते हैं आप लोग बेसिकली क्या, ये है आपके ट्रॉपिक लेवल। तो ट्रॉपिक लेवल के नाम पे टोटल मिला के यहां पे हम पढ़ते कितने? चार ट्रॉपिक लेवल, वन ट्रॉपिक लेवल, टू ट्रॉपिक लेवल, थ्री और ट्रॉपिक लेवल फोर। ट्रॉपिक लेवल वन के अंदर जो है वो कौन आएगा? आपके ऑटोट्रोफ्स। ये अपना खाना कैसे बनाएंगे? ये खाना अपना बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों को मिला करके अपना खाना। इसके लिए फिर वो फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस होता है, ऊपर दे रखा है, एक बार रीडिंग कर लेना। फिर आएगा आपका, उनके ऊपर डिपेंड करता है हर्बीवर, फिर उसके बाद आएगा कार्निवर, और फिर आएगा कौन? ओमनिवर। एक बात ध्यान रखना, जब जैसे जैसे आप नेक्स्ट लेवल ऑफ नेक्स्ट टॉपिक लेवल पर जाएंगे, वैसे वैसे जो है वो एनर्जी जो है वो आपकी कम होती जाएगी। मतलब जैसे अगर मान लो ऑटोट्रोफ्स पे 10 है, 1000 है मान लो, तो आगे अगले लेवल पे सिर्फ 10 गुना ही जाएगी, मतलब 10% ही जाएगी, बोले तो 100 ही जाएगी हर्बीवर्स पे। हर्बीवर्स से कार्निवर पे जाएगी तो 100 का 10% बोले तो 10 ही जाएगी, और कार्निवर से जब ओमनिवर पे जाएगी तो 10 का 10% बोले तो 1 ही जाएगी। तो जैसे आप नेक्स्ट स्टेज पे आप लोग जाते रहेंगे तो वैसे वैसे जो है वो आपकी एनर्जी और आपका जो मास है वो क्या होता रहेगा? डिप्लीट होता रहेगा। इस बात का आप ध्यान रखना, ये बात यहां लिखी हुई थी। एक मिनट रुको, ये थी अपने यहाँ पे, आगे दिखा देता हूँ मैं आपको, ये इकोलॉजिकल पिरामिड जो हम बोलते हैं ना, तो इकोलॉजिकल पिरामिड भी वही ग्राफिकल जो आपके ट्रॉपिक लेवल्स है, इनका जो ग्राफिकली अगर आप इनको प्रेजेंटेशन करते हो उसका बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था एन इकोसिस्टम है द सेवरल ट्रॉपिक लेवल, जैसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर ये सब, देर इज अ सक्सेसिव डिक्रीज इन द बायोमास। अब ये बात देखना, जैसे जैसे आप अगले स्टेज पे जाएंगे वैसे वैसे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा क्या? बायोमास भी और साथ में क्या? एनर्जी भी एट ईच ट्रॉपिक लेवल, ये बात ध्यान रखना। तो सबसे ज्यादा आपको ट्रॉपिक लोन पे मिलेगी जब आप 2 पे जाओगे तो दोनों चीजों का लॉस ही होगा, 3 पे जाओगे फिर और भी उसे डिग्रेड होता रहेगा, 4 पे जाओगे तो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? डिग्रेड हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स एट ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन द बायोमास इज अबाउट 1/10। बायोमास जो वो कितना रहता है? 1/10। अब क्वेश्चन अगला ये है कि बायोमास क्या? बायोमास जो वो क्या? इट इज अ टोटल क्वांटिटी। जो टोटल क्वांटिटी होती है किसका? वेट ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल इन ए पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी पौधे हैं, जितने भी पक्षी हैं, जितने भी आपके एनिमल्स हैं, उन सबका जो टोटल वेट जो है उसको बोलते हैं बेसिकली क्या? बायोमास। तो जैसे जैसे आप अगली स्टेज पे जाओगे तो वैसे वैसे जो है वो बायोमास क्या होता रहेगा? आपका कम होता रहेगा, ठीक है जी। अब ये आपको बता रखे थे पिरामिड ऑफ नंबर और ये, लेकिन बस आपको ज्यादा मत्था नहीं मारना, बस अब ये ध्यान रखना कि ये जो पिरामिड है ये बेसिकली है क्या? तो इकोलॉजिकल पिरामिड वो है जो बेसिकली क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जब आप लोग जो है वो क्या करते हो, अलग अलग लेवल्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आप लोग का इकोलॉजिकल पिरामिड। बस एक बात ध्यान रखना, इकोलॉजिकल पिरामिड के हर सक्सेसिव स्टेज पर जब आप लोग जाएंगे तो आपका जो है वो बायोमास और आपकी एनर्जी दोनों में क्या होता रहेगा? लॉस होता रहेगा, ठीक है जी। इसके बाद आएगा जी आपका ये पिरामिड से, पिरामिड के बाद में आएंगे नेक्स्ट टॉपिक, एक मिनट रुकिएगा, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को बोलते हैं हम लोग क्या? जीवमंडल बेसिकली। तो बायोस्फीयर वो है, इट इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ, अभी हमने पढ़ा भी था, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर तीन चीजों का जो है वो क्या है? कॉम्बिनेशन। देखो यहां पे लिखा भी हुआ है, इट इज अ इंटरेक्टिव एंड द इंटीग्रेटेड जोन है, इट कंबाइंस एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड लिथोस्फियर। तो एटमोस्फियर, लिथोस्फियर और हाइड्रोस्फियर तीनों को जो है हमने क्या लिया? कंबाइन कर लिया, तो क्या बना? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर वो है जहां पे लाइफ जो है वो क्या करती है? सर्वाइव करती है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या? बायोस्फीयर, ठीक है जी। बायोस्फीयर के बाद में अब अगला जो आएगा वो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की अगर मैं बात करता हूं, ये क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी किस वर्ड से बना? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो क्या? अब बायो का मतलब जो है वो क्या? लाइफ। और डाइवर्सिटी का मतलब जो है वो क्या? वैरायटी है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया? अर्थ के ऊपर जो वैरायटी ऑफ लाइफ जो है वो सर्वाइव करती है, जितने भी अलग अलग तरह के जो एनिमल्स, अलग अलग तरह के पक्षी जो आपके अर्थ पे सर्वाइव करते हैं, अलग अलग तरह के लोग, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? बायोडाइवर्सिटी। तो हम बोलते हैं कि बहुत सारा जो है वो क्या है? डाइवर्सिटी है अपने इंडिया के अंदर या फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो क्या है? डाइवर्सिटी है। किसके अंदर? ह्यूमंस के अंदर भी, ह्यूमन बींग में भी, और अलग अलग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट के अंदर। तो
वो जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो आपको पक्षी जो आपको बेसिकली जानवर जो आपको इंसान देखने को मिलेंगे उनको बोलते हैं हम लोग क्या बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी द वर्ड बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ द लाइफ अर्थ के ऊपर जो अलग अलग तरह की जो वैरायटी ऑफ लाइफ जो सर्वाइव करती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी रेफर टू ऑल वैरायटी बायोडाइवर्सिटी में आएगा ऑल वैरायटी एंड द वेरिएबल ऑफ द लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ फ्रॉम vertebrates and invertebrates to plant and the microbes on the earth the sum total of all the life form har tarah ki jo bhi jeevit jo prani hai un sabko agar unka un sabka jo sum total hai on the earth it consists the natural capital of the earth ye kya hai natural capital earth ki aur isi ko bolte hai aap log kya biodiversity। to biodiversity ka simply meaning jo hai wo kya it is the sum total of the richness of the species apne earth ke upar jo alag alag tarah ki species jo aapko dekhne ko milenge un sabhi species ko agar main kya combine kar dun that is known as the biodiversity। बायोडाइवर्सिटी की बात आएगा अब हॉटस्पॉट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी उसको पहली बात तो थ्रेट है आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे जो है वो जो ब्लैक बर्ड्स की अगर मैं बात करूं काला हिरन हो गया या फिर अगर हम लेपर्ड्स की बात करते हैं या शेर की बात करते हैं तो पहले उनकी आबादी बहुत ज्यादा और अब क्या हो गई है कम हो गई है तो उनको जो है वो क्या है थ्रेट है और थ्रेट मालूम एक ही फैक्टर के कारण है डेट इज द ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो है वो क्या हो रहा है आर द सिंगल लार्जेस्ट कॉज फॉर द लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। मैंने क्लासेस के अंदर ही बताया था कि अब जो है वो क्या अर्बनाइजेशन हो रहा है अर्बनाइजेशन की वजह से जो है वो जो जंगल थे उसको काटते जा रहे हैं जैसे फरीदाबाद के में आप चले जाओ वहां ठीक है या मोरनी चले जाओ ठीक है अगर फरीदाबाद की बात करते हैं ठीक है तो फरीदाबाद में अरावली हिल्स हैं और वहां पे अरावली जो है उसको वो काट रहे हैं और वहां से बहुत बार ऐसा होता है कि वहां से लेपर्ड्स जो है वो अर्बन एरिया में आते हैं शहरों में आ जाते हैं वो बहुत बार देखने को मिलता है तो वो है क्या बेसिकली जब वहां से उनका हैबिटेट जो उनका नेचुरल जो एनवायरनमेंट था जब वो खत्म होता जाएगा तो वो कहां जाएंगे या तो वो मर ही जाएंगे कुछ समय में नहीं तो वो इधर उधर भटकेंगे तो उसको बोलते हैं थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को जो है वो क्या है नुकसान है किस वजह से ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इसलिए उसको जो है वो क्या करना है प्रिजर्व करना है। तो अगले टॉपिक जो होता है पहली बार थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी का मतलब जो है वो क्या कि ह्यूमन एक्टिविटी आर द सिंगल लार्जेस्ट कॉज ये एक अकेला सबसे बड़ा जो है वो कारण है किसका फॉर लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। इन द नेम ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैन हैज रेकलेसली मतलब डेवलपमेंट के चक्कर में इंसान जो है उसने क्या किया रेकलेसली बिना सोचे समझे डिस्ट्रॉय कर दिया वट एवर केम इन द वे जो उसके रस्ते में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया इंक्लूडिंग द प्रीशियस बायोटा और बल्कि उसने नेचर के अंदर रहने वाले जो प्रीशियस बायोटा उनको भी क्या कर दिया खत्म कर दिया है। और बायोटा का मतलब आपको मैंने बताया भी था पहले किसी विशेष स्थान में एक अलग से प्लेस के ऊपर रहने वाले जो सभी जीवित प्राणी उनको बोलते हैं हम लोग क्या बायोटा। ओके जी सर तो ये नुकसान है ह्यूमन एक्टिविटी का जो है नुकसान पड़ता है किसके ऊपर बायोडाइवर्सिटी इसलिए बायोडाइवर्सिटी को जो है वो कंजर्व करना क्या है जरूरी है। और तो कंजर्व करने के लिए जो है वो हम दो तरीके हैं हमारे पास में तो यहां पे लिखा है व्हाट इज कंजर्वेशन कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है इट इज अ एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग जब हम जो है वो क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं गार्ड करते हैं प्रिजर्व करते हैं किसको नेचुरल रिसोर्स को ठीक है तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन दो तरीके से मेथड इसके एक होता है इन साइटू और एक होता है कौन सा एक्स साइटू। इन साइटू का मतलब क्या होता है जहां पे बायोडाइवर्सिटी है वहीं पे उसको जो है कंजर्व करना उसको बोलते हैं हम लोग क्या इन साइटू कंजर्वेशन। और अगर मान लो एक्स साइटू की बात करें तो हम क्या करेंगे वहां पे जो अलग अलग स्पीसीज है उनको हम उठा के अपने दूसरी जगह पे ले आएंगे एक आर्टिफिशियल एनवायरमेंट में और वहां पे उनको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे उसको बोलते हैं आप लोग क्या एक्स साइट हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं मान लो आपने शेरों को जो है वो क्या करना है कंजर्व करना है। अगर आपने शेरों को कंजर्व करना है तो दो तरीके हैं या तो इन साइट हो एक्स साइट हो। एक्स साइट में तो आप क्या करोगे शेरों को उठा के ले आए आप कहां पे आप ले आए मान लो जू के अंदर और वहां पे उनको प्रॉपर खाना खुना आप प्रोवाइड करा रहे हो वो तो क्या हो गया एक्स साइट मतलब उनका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो आपका क्या हो गया हट गया। और इन साइट में आप जो है वो क्या करते हो आप कुछ रिजर्व्स जो है वो बना लेते हो जैसे हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ये एक नेशनल पार्क आपने बना लिया तो वहां पे क्या होगा वो उनका नेचुरल हैबिटेट ही है वो उनका नेचुरल आवास ही है और वहां पे बस आप क्या करोगे कि वहां पे कुछ ऐसी एक्टिविटी करोगे कि उनको कोई भी हार्म ना हो मतलब वहां पे जो है शिकारियों को आप नहीं जाने दोगे वहां पे शिकार करना आप क्या कर दोगे बंद कर दोगे ठीक है तो वो उसको बोलते हैं आप लोग क्या इन साइट। तो इन साइट का मतलब क्या होता है द फ्लोरा एंड फौना लिव इन द नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं विद लिटिल और नो बायोटिक इंटरफेरेंस ठीक है तो इसको बोलते हैं क्या इन साइट। और एक्स साइट के अंदर बेसिकली क्या आएगा इट इज यूजफुल फॉर चेकिंग द डिक्लाइन पॉपुलेशन ऑफ द पर्टिकुलर स्पीसीज ऑन ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम एंडेंजर्ड एनिमल ऐसे एनिमल जिनको बहुत ज्यादा खतरा कैन बी सक्सेसफुली ब्रॉट आउट ऑफ एक्सटिंक्शन तो उनको विलुप्त होने से हम लोग क्या करेंगे बचाने का काम करेंगे और उनको बचा के हम लोग जैसे मान लो कोई जू मिलेगा और वहां पे जाकर उनको क्या करेंगे प्रिजर्व करेंगे तो ये है आपका कंजर्वेशन। तो अगर आपने जो लॉसेस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का उसको क्या करना है बचाना है बचाने के दो वे एक है इन साइटू और एक कौन सा एक्स साइटू ठीक है जी। इसके बाद आएगा हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें तो हॉटस्पॉट
एक ऐसा एरिया जिस एरिया को मनुष्य से बहुत ज्यादा क्या है खतरा है, जिसको मनुष्य से खतरा होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, हॉटस्पॉट। ओके, और अपने इंडिया के अंदर जो है वो हॉटस्पॉट की बात करें तो टोटली मिला के कितने, 4 हॉटस्पॉट है। एक है आपका ईस्टर्न हिमालय, एक है आपका वेस्टर्न हिमालय, एक है आपका वेस्टर्न घाट, और एक है आपका कौन सा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो बस ये बात ध्यान रखना, इंडिया में हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी जो है वो कितने है टोटल मिला के, 4। और हॉटस्पॉट का मतलब जो है वो क्या, एक ऐसा एरिया कि जिसको ह्यूमन से जो है वो क्या है खतरा है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, हॉटस्पॉट। कॉन्सेप्ट जो है हॉटस्पॉट का वो क्या बोलते हैं, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो ऐसे एरिया को और द क्रूशियल बायोडायवर्सिटी डिग्रेडेशन, जहां पे बायोडायवर्सिटी का डिग्रेडेशन हो रहा है। दूसरा, डिस्टिंग्विश करेंगे ऐसे एरिया को अपने प्लेनेट के ऊपर हैविंग द क्रिटिकल थ्रेटन्ड बायोडायवर्सिटी एंड रिक्वायर द इमीडिएट अटेंशन, और फिर उसको उसको कैसे बचाना है वो एक्शन लेंगे, एंड फैसिलिटेट करेंगे द कंजर्वेशनिस्ट को एंड पॉलिसी मेकर को कि वो यूटिलाइज करें देयर मीगर इकोनॉमिक रिसोर्स फॉर द ग्रेटर इंपैक्ट, ताकि वो जो है बायोडायवर्सिटी का जो लॉस है उसको वो क्या कर पाए, सेव कर पाए। ठीक है जी, क्राइटेरिया एक बार रीडिंग कर लीजिएगा आप अपने नोट्स में से। फिर आएगा बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। अगर बात करूंगा बायोडायवर्सिटी के बाद बायोस्फीयर रिजर्व, पहली बात तो इंडिया के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो टोटल लगे कितने हैं जी आपके, 18। ठीक है जी, अब ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो क्या, बायोस्फीयर रिजर्व एक विशेष पारिस्थितिक तंत्र है या वनस्पति और जीवों का एक विशेष वातावरण होता है जिसे मनुष्य व पोषण की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, बायोस्फीयर रिजर्व। तो टोटल मिला के अपने इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कितने हैं जी आपके आज की डेट में, 18 है। ठीक है जी, इसके बाद आएगा क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का मतलब जो है वो क्या हो रहा है, जब चेंज होता है ग्लोबल वेदर कंडीशन में, पूरे ग्लोबल मतलब पूरे की पूरे अर्थ का जो क्लाइमेट जो है, जो आपका बेसिकली जो उसका क्लाइमेट जो कंडीशन था उसमें जब चेंज होता है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के अंदर बेसिकली हम ये देखते हैं कि लगातार अर्थ का जो टेम्परेचर जो लगातार बढ़ते जा रहा है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जनरली रेफर टू द चेंज इन द ग्लोबल वेदर कंडीशन, मतलब चेंज होना किसमें, ग्लोबल वेदर कंडीशन स्पेशली इन द टेम्परेचर। जब टेम्परेचर के अंदर लगातार जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्लाइमेट चेंज। और ये बात ध्यान है ये लॉन्ग टर्म सिनेरियो होता है। ओके जी सर, तो यहां पे इंटर गवर्नमेंटल पैनल जो है ऑन द क्लाइमेट चेंज, उसने डिफाइन किया क्लाइमेट चेंज को, इट इज अ चेंज। क्लाइमेट चेंज जो है वो क्या, चेंज है इन द स्टेट ऑफ द क्लाइमेट डेट कैन बी आइडेंटिफाई बाय चेंज इन द मीन और द वेरिएबिलिटी ऑफ इट्स प्रॉपर्टी एंड परसिस्ट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड टिपिकली डिकेड और लॉन्गर, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज यहां पर अगर हम बात करते हैं तो हम जनरली यही बोलेंगे कि अपने जो अर्थ का जो टेम्परेचर लगातार लगातार क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्लाइमेट चेंज। और वो किस कारण से हो रहा है, वो हो रहा है ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है जी, तो क्लाइमेट चेंज हमने देख लिया, क्लाइमेट चेंज का मतलब हमने पढ़ लिया, इसके एविडेंस क्या वो एक बार रीडिंग कर लेना। और क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का पंगा क्या है, तो पहले उस पंगे को हम पढ़ते हैं। पहली बात तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये टर्म दिया था 1827 के अंदर, ये फिनोमेना दिया था किसने, जीन बैप्टिस्ट ने। ठीक है, और इसने जो है वो क्या बोला, अब ये समझो एक बार मैकेनिज्म इसको देखो। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है, रिटेंशन ऑफ द हीट, जब हम हीट को जो है वो क्या करते हैं, रिटेन करते हैं कहां पे, लोअर एटमॉस्फेयर में ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन एंड रीरेडिएशन ऑफ द क्लाउड एंड द सर्टेन गैसेस, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसका मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले अर्थ को हीट करता है, अर्थ जो है वो गर्म होती है किसकी वजह से, सनलाइट की वजह से। तो सनलाइट जो है वो वहां, सनलाइट जब आती है, सन से जो सनलाइट आती है, ठीक है, जो सोलर रेडिएशन आती है, ओके, तो वो आएंगी यहां पे और यहां से टकरा के वो वापस जाते हैं ताकि एनर्जी का जो है एक बैलेंस बना रहे। तो क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू कीप द एनर्जी बजट ऑफ द एटमॉस्फेयर इन द बैलेंस, द वार्म्ड अर्थ, जो वार्म्ड अर्थ होता है वो एमिट करता है हीट एनर्जी बैक, वो वापस एनर्जी को क्या करता है, वापस करता है। लेकिन जब वो उसको वापस करता है, जैसे मान लो जो यूवी रेज से आई, आके अर्थ के, अर्थ को उसने गर्म किया और फिर अर्थ जो है गर्म हो गई और वहां से वो रेज को क्या करेगी, वापस करेगी। तो जब यहां से वापस जा रही है तो एटमॉस्फेयर में जाने से पहले एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जो उनको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो वो जो गर्म, जो यहां से जो रेस जा रही थी वो बेसिकली बाहर जा ही नहीं पाती हैं, वो यही अटक के रह गई और वो जो जिसने उसको रोक लिया वो बेसिकली ब्लैंकेट बन गया ग्रीन हाउस गैसेस का, जो उन रेस को रोक लेती है। और जब वो यही रुक जाएंगी तो नेचुरल बात है क्या होगा, गर्मी ज्यादा बढ़ेगी और गर्मी एक जगह पर बढ़ेगी, पूरे अर्थ पर बढ़ेगी, सर पूरे अर्थ पर बढ़ेगी, उसी की वजह से उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लोबल वार्मिंग। तो बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है क्या आपका, ग्लोबल वार्मिंग। हमने पढ़ा भी था ये, द अमाउंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमोस्फियर इन्फ्लुएंस करता है ग्लोबल टेम्परेचर को, इफ दीज गैसेज वर टू इंक्रीज, अगर ये गैसेज जितना ज्यादा बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा ये क्या करेंगे, उन रेस को जाने देंगे, उनको रोक के रख लेंगे, और जितना उनको ज्यादा, जितना वो गैसेज ज्यादा होंगी उतना ही रेस कम बाहर जा पाएंगी और अर्थ का जो टेम्परेचर लगातार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये लिखा भी है, द अमाउंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इन द एटमोस्फियर इन्फ्लुएंस करता है ग्लोबल टेम्परेचर को, इफ दीज गैसेज वर टू इंक्रीज, अगर ये गैसेज बढ़ गई टेम्परेचर जो है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इफ दे वर टू डिक्रीज, अगर ये कम
वार्म होगी तो अर्थ का जो टेम्परेचर है ग्लोबल टेम्परेचर वो भी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब टाइप जो है ग्रीन हाउस गैसेस की, वो दो है, एक नेचुरल होता है और एक कौन सा होता है, एनहांस। एनहांस वो है जो मैनमेड एक्टिविटी के कारण होती है, ठीक है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या नेगेटिव भी है, क्या बेकार चीज है? नहीं सर, बेकार नहीं है, उसके दोनों इफेक्ट है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। पॉजिटिव इंपैक्ट ये है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो है वो अर्थ के ऊपर सर्वाइवल पॉसिबल हो पाया। अगर मान लो ग्रीन हाउस गैसेस ना होती तो अर्थ का टेम्परेचर दिन के अंदर जो है वो 1340 डिग्री होता और रात के अंदर जो है वो -153 डिग्री हो जाता, जो जहां जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट वही है कि जब ग्रीन हाउस गैसेस जितनी ज्यादा होती है तो वो क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, और होने से जो है वो क्या होगा, जब उसके एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो अर्थ का टेम्परेचर जो है लगातार बढ़ते जाएगा। बिकॉज ऑफ द एनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनहांस एक्यूमुलेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोसफेयर कॉजिंग द ग्लोबल वार्मिंग। तो नेगेटिव इंपैक्ट ये कि उसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सब्सिक्वेंट जो है वो डिलीट्रियस एंड द लॉन्ग टर्म इरिवर्सिबल इंपैक्ट हो जाएंगे किस पे, क्लाइमेट पे, जो कि फिर वापस नहीं हो पाएंगे। एंड सब्सिक्वेंटली कॉजिंग रेज इन द टेम्परेचर, मेल्टिंग ऑफ द आइस जो है वो ग्लेशियर्स आपके लगातार पिघलने हो जाएंगे, सी लेवल बढ़ जाएगा, एंड एसोसिएट प्रॉब्लम जो है बायोस्फीयर के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये इसकी क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट है, क्योंकि जब अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ते रहेगा तो जो ग्लेशियर्स पिघलना शुरू होंगे, जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो सी लेवल बढ़ेगा और उसकी वजह से जो है वो बहुत सारे डिजास्टर्स जो है वो भी आ सकते हैं। फिर है जी आपकी कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज जो आपको देखने को मिलती हैं, तो 6-7 तरह की हैं। एक है आपका सबसे पहले वाटर वेपर, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और फिर आपका क्या एफ गैसेज। एफ गैसेज के अंदर टोटल मिला के जो है वो कितनी है आपकी, ये 5, जिसके अंदर सीएफसी हो गया, एचसीएफसी हो गया, एचएफसी हो गया, पीएफसी हो गया, और एक कौन सा एसएफसी हो गया, ठीक है। तो ये क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो है सीएफसी, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है, इसलिए जो है फिर इसको क्या कर दिया, 1987 के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ और वहां पे ये बोला गया कि हम सीएफसी के एमिशन के ऊपर जो है वो क्या लगा रहे हैं, रोक लगा रहे हैं, और टोटल इसको पूरी तरह से बंद कर दिया, इसको जो है रिप्लेस कर दिया किससे, एचएफसी, एससीएफसी ने या फिर हेलोकार्बन्स ने। एचसीएफसी जो है ये कोपेनहेगन मीटिंग और वहां पर डिसाइड किया गया कि ये भी खतरनाक है तो इनके भी हम 2030 तक क्या कर देंगे, फेज आउट कर देंगे, मतलब इसके यूज को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। फिर है एचएफसी वो है, इसके अंदर ना तो क्लोरीन होता ना ही ब्रोमाइन होता, और ये ओजोन लेयर को जो है वो डिप्लीट नहीं करता, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इस जो है गैस को वो कवर भी नहीं किया गया, और इसका जो टाइम स्पैन है वो भी क्या होता है, शॉर्टर होता है, ठीक है। और इसका बहुत ही कम इंपैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग पे, तो आजकल जो आपके एसीज हैं और जो आपके फ्रिज है उनके अंदर जनरली ये गैस देखने को मिलेगा। फिर है पीएफसी जो है वो हाई पोटेंशियल है ग्रीन हाउस गैसेस का, तो इसके भी एमिशन के ऊपर रोक लगाई है। फिर आपका हो गया कौन सा, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, तो ठीक है, इसका जो टाइम स्पैन है वो लॉन्गर है, तो इसके भी एमिशन के ऊपर रोक लगा रखी है। फिर है जी आपका छठी जो आपको देखने को मिलेगा, दैट इज द टोपोस्फेरिक ओजोन, और फिर जो है वो है कौन सा, हेलोन्स बेसिकली, ठीक है। तो टोटल मिला के जो है 7 तरह की ये गैसेस जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि कवर करती हैं किसको, जो कंपोनेंट है किसका, ग्रीन हाउस इफेक्ट का। तो ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर ये सारी गैसेस आती है। अब इसकी वजह से जो है वो क्या होगा, ओजोन एंड क्लाइमेट चेंज। अब ओजोन जो है वो एक पेल ब्लू कलर की जो है वो गैस है बेसिकली, ये भी एक ब्लैंकेट है, ठीक है, जो क्या करता है, सन से आने वाले जो रेज है उनको रोकने का काम करता है। तो यूवी रेज जो आती है उनको रोकने का जो काम करेगा वो कौन करता है जी, आपका ओजोन लेयर कर दिया। अगर ओजोन लेयर ना हो तो डायरेक्टली वो यहां पे आएंगी, जिसकी वजह से स्किन बर्न जो है या फिर आपके स्किन कैंसर होने की बीमारियां जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो पहली बात तो ये ओजोन जो है, ये वर्ड जो है डिस्कवर किया था किसने, ये किया था सीएफ स्कोनबियन ने, ठीक है, ये इन्होंने जो है उसको डिफाइन किया। और ओजोन जो है ये ट्राइटोमिक ऑक्सीजन है, जिसका जो आपका मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, O3, O3 से इसको जो है वो क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है जी। अब ओजोन के बारे में पहले हम पढ़ते हैं एक बार, ऊपर वाला एक बार रीडिंग करना। पहली बात, ओजोन लेयर को मेजर जो है वो किस में करते हैं, ओजोन लेयर को मेजर करने की अलग से एक यूनिट है जिसको बोलते हैं डोप्सन यूनिट। क्या बोलते हैं, डोप्सन यूनिट, ठीक है, ये मेजर करती है किसको, ओजोन को। और एक डोप्सन यूनिट जो है वो बराबर है किसके, 0.01 mm ऑफ द ओजोन, ठीक है। ओजोन डे बनाते हैं कब, 16 सितंबर को, ठीक है जी। ओजोन का फॉर्मेशन, ओजोन का जो फॉर्मेशन है वो होता है क्या, फोटो एयर में एक फोटोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है, जो अकर करता है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन ऑफ द सनलाइट। रोल क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ओजोन का ड्यूअल रोल है, दोनों पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। सबसे पहला, ओजोन लेयर जो है वो एक नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है एटमॉस्फेयर के अंदर, ये एब्जॉर्ब करती है हार्मफुल यूवी रेज, जो सन से जो डायरेक्टली यूवी रेज आती है ये उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है और लाइफ को प्रोटेक्ट करती है। यूवीबी रेज कैन पेनिट्रेट करती है स्किन को एंड द अल्टर करती है डीएनए मॉलिक्यूल इन द प्लांट एंड द एनिमल। ह्यूमंस के अंदर जो है ये इनकी वजह से जो है वो क्या आती है, सनबर्न होता है, अपार्ट फ्रॉम द बेसल सेल एंड द स्क्वैमस सेल कैंसर,
ठीक है, और ये रिड्यूस कर दिया क्रोपिल एंड द ओशन प्लैंकटन को। और अब जो है वो क्या है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस जो है उसकी वजह से जो है वो क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर बढ़ रहा है, तो ये आपका जो ओजोन लेयर है वो लगातार क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है, क्योंकि सीएफसी जो है वो क्या करती है, ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का काम करती है, ये उसमें खड्डे कर देगी, छेद कर देगी, ठीक है। तो डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर तीन चार वजह से है। सबसे पहला जो है वो है यूज ऑफ द इंक्रीजिंग यूज ऑफ द सीएफसी, जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका यूज हम बहुत ही क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ओजोन लेयर जो है लगातार क्या हो रही है, डिप्लीट। सेकंड जो है वो क्या है जी, आपका जो रॉकेट्स, जो बेसिकली हम लोग जो है वो साइंस में जो साइंस या रिसर्च के अंदर लगे हुए हैं, तो हम लोग जो है वो रॉकेट भेजते हैं स्पेस के अंदर, तो वो उसको चीरते हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट होने का चांस बढ़ जाता है। और तीसरा जो है वो क्या है, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट हो गया या ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया, तो उसकी वजह से भी जो है वो ओजोन लगातार क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है। इफेक्ट जो है ओजोन लेयर डिप्लीशन का वो क्या पड़ेगा, बहुत ही एडवर्स इंपैक्ट है क्लाइमेट के ऊपर, मैन पे, ह्यूमन पे, लाइफ पे और इकोलॉजी के ऊपर, बहुत ही क्या है, बैड इंपैक्ट है। उसी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो राइज होती है, बहुत सारी डिसीज जो है वो हो रही है, ठीक है। इसके बाद फिर आएगा कार्बन सिंक। कार्बन सिंक आपको मैंने बताया नेचुरल रिजर्वायर, जो बेसिकली ज्यादा से ज्यादा CO2 को एब्जॉर्ब करता है और कम CO2 जो है वो क्या करते हैं, एमिट करने का काम करते हैं। तो कार्बन सिंक विल एब्जॉर्ब मोर कार्बन देन एमिटेड, मतलब जो कार्बन को एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं और एमिट कम करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कार्बन सिंक। तो ये नेचुरल रिजर्वायर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है जी। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या होती है, तो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जो है वो बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग जो है वो क्या करते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो हमने प्रोड्यूस करी है विद द हेल्प ऑफ द किससे, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स से, तो उसको बोलते हैं ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। इसके बाद आएगा रिस्पॉन्स टू द क्लाइमेट चेंज चलें। अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ते जा रहा है, तो आप उसके प्रति क्या करेंगे, दो काम आप कर सकते हैं। सबसे पहला तो क्या है, अडेप्शन, और दूसरा जो है वो क्या, मिटिगेशन का काम भी, उसको दूर करने का भी काम करेंगे। अडेप्शन के अंदर हम जो है वो क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे और लिव एंड लर्न टू लिव, जो एनवायरमेंट है उसी के अंदर जीने का प्रयास करेंगे, ठीक है जी। दूसरा जो है इसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहला अडेप्ट करें सोसाइटी को टू विदस्टैंड हार्शर वेदर कंडीशन, ठीक है। दूसरा डिस्करेज करेंगे लोगों को कि वो वल्नरेबल एरिया के अंदर ना रहें, मतलब जहां पर नुकसान होने के चांस ज्यादा है। तीसरा फोकस करेंगे किसके ऊपर, साइंटिफिक रिसर्च पे, ठीक है जी। इसके बाद उसको मिटिगेट करने का भी काम, मिटिगेट का मतलब जो है वो क्या हो रहा है, उसके प्रभाव को क्या करना, कम करने का काम करेंगे, इट मींस लेसनिंग और एलिवेट और लिमिटिंग, ठीक है। तो यहां पे हम प्रिवेंट करते हैं, मिनिमाइज करते हैं वर्स्ट कॉन्सिक्वेंस, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वर्स्ट कॉन्सिक्वेंस है, तो उसको हम लिमिट करने का यहां पे क्या करते हैं, काम करते हैं। इसमें हम क्या क्या करते हैं, जैसे कंजर्वेशन और फ्यूल एफिशिएंसी को जो है इंक्रीज करने का काम करेंगे, साइंटिफिक रिसर्च डेवलपमेंट करेंगे, इंटरनेशनल एफर्ट्स लगाएंगे, जिसकी वजह से जो है ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट ना हो, ठीक है जी। अब क्लाइमेट चेंज व्हाट यू कैन डू टू काउंटर, सबसे पहला एफिशिएंट लाइटिंग का आप जो है वो क्या करें, इस्तेमाल करें, पुराने वाले बल्ब की जगह जो है CFL के बल्ब लगाएं, पीले बल्ब की जगह। दूसरा यूज करें एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का इस्तेमाल करें, जो कम से कम बिजली की जो है वो खपत करता हो। तीसरा एनर्जी एफिशिएंट कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करें, जो है जितना हो सके लेस ड्राइव करें, जिससे पोल्यूशन जो है ज्यादा ना बढ़े। चौथा पांचवा आप अपने टायर्स को जो है वो चेक करें, जितने आपके टायर्स में हवा जितनी ज्यादा रहेगी, मतलब अच्छी रहेगी, अगर प्रॉपर रहेगी तो आपकी जो है इफेक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, और कम जो है वो फ्यूल कंज्यूम होगा। और फिर वाटर को जो है वो केयरफुली आप क्या करें, यूज करें। प्लास्टिक बैग्स को जितना हो सके कम से कम आप इस्तेमाल करें, क्योंकि उसका उसको डीकंपोज करना बहुत ही क्या होता है, मुश्किल होता है। मूव योर एसी क्लीन, ठीक है, और जितना आप जो अपना नॉर्मल अगर 22 का टेम्परेचर रखते हो, ठीक है, तो 24 का रखो। फिर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा जो है वो पेड़ लगाएं, टर्न ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब आप उसको यूज नहीं कर रहे, एंड लास्ट रीयूज एंड रिसाइकल। इसके बाद है कार्बन क्रेडिट जो है वो क्या होता है, इसको अगले चैप्टर में देखते हैं। ये हो गया जी चैप्टर नंबर 2 अपना कंप्लीट, ये सब टॉपिक थे, टोटल मिला के 22 टॉपिक हमने इसके अंदर जो है वो कवर करे हैं, ठीक है जी। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर 3 में तो बेसिक सी बात है कि एनवायरमेंटल इशू क्या है। एनवायरमेंटल इशू का मतलब है जब नेचुरल एनवायरमेंट के इशू, ठीक है, तो एनवायरमेंटल इशू का मतलब ये तब होगा जब नेचुरल एनवायरमेंट जो है वो क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाता है मैन मेड एक्टिविटीज के कारण बेसिकली, ठीक है, क्वांटिटी में या क्वालिटी में, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, एनवायरमेंटल इशू। एनवायरमेंटल इशू अकर व्हेन द नेचुरल बैलेंस जो है एनवायरमेंट का वो डिस्टर्ब हो जाए, इधर इन क्वांटिटी और क्वालिटी। इट कैन बी द चेंज इन द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन एक्सेट्रा, जैसे इम्बैलेंस हो गया इन द प्रोपोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस, एक्सपोर्टेशन रिसोर्स एक्सेट्रा, इनको बोलते हैं एनवायरमेंटल चेंज। एनवायरमेंटल इशू जो है वो तीन तरीके से, एक आपका लोकल लेवल पे, एक रीजनल और एक कौन सा, ग्लोबल। सबसे मेन जो है वो है कौन सा, ग्लोबल। ग्लोबल के अंदर जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, ग्लोबली पूरे अर्थ के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ेगा, मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ओशियन एसिडिफिकेशन हो रही है, ओजोन लेयर लगातार डिप्लीट हो रही है, ये जो है वो हमारे क्या है, ग्लोबल इश्यूज हैं, ठीक है। और इसका हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर भी जो है वो क्या पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है।
क्योंकि आगे वाली जो जनरेशन उसके लिए कुछ बचेगा नहीं अगर सब कुछ अभी हम खत्म कर देंगे तो, ठीक है ना। तो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, वैसे लोकल इश्यूज भी हैं जैसे पानी की कमी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो है वो ऐसा कुछ हो गया, रीजनल के अंदर हम ये सब पढ़ते हैं जैसे डेसर्टिफिकेशन या ड्रोट, सूखा पड़ गया, ठीक है, फ्लड आ गया है, सी लेवल बढ़ गया, ये। और ग्लोबल इशू में आएगा जैसे क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, सबसे मेन यही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से क्या फैल रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, मतलब पूरे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है। तो ये सब जो है, तो दूसरा नॉर्थ साउथ डिवाइड, जो नॉर्थ वर्ल्ड है वो ओनली 20% है किसका, वर्ल्ड पॉपुलेशन का, लेकिन वो 80% एनर्जी को जो है वो क्या करता है, कंज्यूम करता है। ऑन द अदर एंड साउथ जो है वो उसमें सारे डेवलपिंग नेशन से आते हैं, तो मेन जो पूरे वर्ल्ड में एनर्जी कंजम्पशन जो है वो कौन कर रहा है जी, आपका नॉर्थ वर्ल्ड कर रहा है बेसिकली, जो आपके डेवलप कंट्रीज है। और तीसरा जो है वो क्या, बायोडाइवर्सिटी, इस प्रकार लगातार जो है वो क्या होता जा रहा है, नुकसान होता जा रहा है। फिर आपका जियोपॉलिटिक्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज, डेवलप नेशन जो है वो क्या है, वो सबसे बड़े एमिटर है किसका, CO2 के, ये बात ध्यान रखना। और जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो भी अब जो फॉसिल फ्यूल्स हैं या जो एनर्जी है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो इनएफिशिएंट वे के अंदर कर रहे हैं, तो इनकी वजह से जो है वो क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज लगातार बढ़ते जा रहा है। तो ये हमारे कुछ आपके इश्यूज थे। फिर गवर्नमेंट ने क्या क्या चला रखा है, जैसे ग्रीन हाईवे पॉलिसी चलाया, नमामि गंगे प्लान चलाया हुआ है, ठीक है, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी जो है ये काम शुरू किया हुआ है, रेड प्लस का काम किया, और फाइनेंस कमीशन के अंदर जो है वो इंसेंटिव जो है कार्बन सिंक अगर आप क्रिएट करते हैं तो उसका इंसेंटिव जो है उसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया। तो ये जो है वो है आपके इश्यूज। इसके बाद आएगा जी अब आपका चैप्टर नंबर 4, थर्ड के बाद चैप्टर 4 जो है वो है आपका पोल्यूशन, पोल्यूटेंट और उसका इंपैक्ट ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या पड़ रहा है वो सब हम देखने वाले हैं। पहले आप पोल्यूशन जो है वो क्या, जब आपके एनवायरमेंट के अंदर जो है वो अनडिजायरेबल मटेरियल का एडिशन हो जाए, मतलब अनडिजायरेबल मटेरियल जो है वो आ गया या कंटेमिनेंट जो है वो आ गया, मतलब दूषित हो जाना बेसिकली। प्रदूषण का मतलब क्या, जब आपका जो वातावरण है वो क्या हो जाए, दूषित हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रदूषण। ओके, तो जो ये दूषित होता है वो क्या होता है, वो डिजायरेबल नहीं है, वो हम नहीं चाहते थे, फिर भी वो अनडिजायरेबल मटेरियल या कंपोनेंट हमारे एनवायरमेंट के अंदर प्रेजेंस हो गया, उसकी वजह से ये सब काम हुआ। तो पोल्यूशन जो है उसको डिफाइन करेंगे, इट इज एन एडिशन ऑफ द अनडिजायरेबल मटेरियल इनटू द एनवायरमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। जो ये जो अनडिजायरेबल एलिमेंट जो होता है इसको बोलते हैं पोल्यूटेंट, और पोल्यूटेंट की वजह से जब एनवायरमेंट में पोल्यूटेंट आपको देखने को मिलेगा तो उसकी मतलब एनवायरमेंट में पोल्यूटेंट्स के प्रेजेंस की वजह से होता क्या है, पोल्यूशन। अब पोल्यूशन कई तरह के हैं, सबसे पहले नंबर पे जो है वो क्या आएगा, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का मतलब जो है वो क्या होता है, इट इज अ प्रेजेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ किसी भी तरह का सॉलिड, लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस जब आपके एटमोस्फेयर के अंदर आ जाएगा और वो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, हार्म करता है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जो है वो होगा प्रेजेंस ऑफ द पार्टिकल मैटर ऑफ द गैसेस, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है वो क्या हो जाएगा, डिटेरियरेट्स हो जाएगा विद द प्रेजेंस ऑफ सच पोल्यूटेंट। इट कैन लेड टू द प्रॉब्लम स्पेशली ऑफ द आई, स्किन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब प्रॉब्लम जो है वो होंगी। अब ये जो पोल्यूटेंट है वो दो तरीके का, एक है पार्टिकुलेट मैटर और एक होता है कौन सा आपका, गैसियस। पार्टिकुलेट के अंदर आएगा जैसे फ्लाई एशिज, बेसिकली कुछ मटीरियल टाइप हो गया फिजिकल, ठीक है ना, तो इसके अंदर जैसे फ्लाई एशिज हो गया, ठीक है, ये बाय प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग कोल, ये टेथ्राइल लेड एमिट फ्रॉम द व्हीकल यूजिंग द पेट्रोल मिक्स एंड द लेड ऑक्साइड ऑफ द आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम या मैंगनीज हो गया या अदर मेटल। और गैशियस के अंदर बेसिकली क्या आएगा, जैसे कार्बन कंपाउंड हो गया, सल्फर कंपाउंड हो गया, नाइट्रोजन कंपाउंड हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, CFC हो गया, फाइबर्स हो गया, सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर्स हो गया। जब ये सब चीजें आपके एनवायरमेंट के अंदर आ जाए, आपके एटमोस्फेयर में आ गया, जिसकी वजह से सांस लेने संबंधी प्रॉब्लम जो अराइज हो रही है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन के अंदर एक वर्ड आता है स्मोग। स्मोग जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका, दो चीजों का, एक है स्मोक का और एक किसका, फोग का, ठीक है ना। ये टर्म जो है वो कॉइन किया था डॉक्टर H.A. डेक्स वोक्स ने 1905 के अंदर, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। तो स्मोक जो है वो क्या है, इट इज ए फोग, ये बेसिकली जो है वो फोग है, ठीक है, धुआं या फिर हम इसको बोल सकते हैं बेसिकली धुंध जो है, ठीक है, लेकिन इसका ड्यू टू किसकी वजह से, स्मोक की वजह से या सूट की वजह, जो कालिक होती है उसकी वजह से जो ये धुआं फैल गया या फिर जो बेसिकली धुंध सी हो गई है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्मोक बोलते हैं। इट इज मोस्टली फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ सनलाइट विद द सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द एटमोसफेयर रिजल्टिंग फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द व्हीकल एमिशन, पेंट्स, प्रिंटिंग इंक्स एंड द पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब कैसे आप एयर पोल्यूशन को प्रोटेक्ट कर प्रिवेंट कर सकते हो, तो सबसे पहले तो आप जो है वो इस्तेमाल करेंगे इसको, बायोगैस को, LPG को, CNG को एंड द इलेक्ट्रिक स्टोव को, इंस्टेड ऑफ कुकिंग फूड और वुड एंड द काउडंग केक। दूसरा, कंडक्ट करें वेल वेंटिलेट बिल्डिंग्स बनाए, ताकि जो है वो प्रॉपरली जो है उसमें क्या हो, वेंटिलेशन का पूरा प्रावधान हो। डस्टबिन्स को इस्तेमाल करें विद द लीड। आगे यूज करें इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इन द इंडस्ट्री, यूजिंग द चिमनी, फिल्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट
प्रेसिपिटेटर्स इनका आप इस्तेमाल करें, स्ट्रिक्ट एक्शन लें इंडस्ट्री के ऊपर जो एयर पोल्यूशन कर रही है और कंट्रोल करें पोल्यूशन को ड्यू टू एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम द व्हीकल एंड टेकिंग एक्शन अगेंस्ट इट, और प्रमोट करें यूज ऑफ द क्लीन फ्यूल इन व्हीकल, जिसकी वजह से अब जो है वो BS6 आ गया है। तो 1 जून 2020 से गवर्नमेंट ने जो है वो क्या किया, BS4 व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर रोक लगाई और अब उसको रिफाइन कर दिया, अब इंजन रिफाइन है जो पोल्यूशन कम से कम करेंगे। तो अब जो आ रही है अपने यहाँ पे टेक्निक जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, चाहे वो गाड़ी है, ठीक है, फोर व्हीलर्स है, चाहे टू व्हीलर्स है, चाहे आपके आगे जो और बड़े बड़े जो आपके व्हीकल्स हैं, तो उन सब के अंदर जो अब टेक्नोलॉजी जो आ रही है डेट इज अब BS6 आ रही है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद है जी वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का मतलब क्या है, जब कोई अनडिजायरेबल एलिमेंट जो है वो आपके साफ पानी के अंदर जो है वो मिक्स हो जाता है और आपके वाटर को क्या पोल्यूट कर दे, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन इज कॉज बाय द प्रेजेंस, वाटर पोल्यूशन होता है जब प्रेजेंस होता है क्या, अनडिजायरेबल एलिमेंट, मतलब अनडिजायरेबल एलिमेंट का प्रेजेंस होना किसमें, वाटर में, विच कैन हैव हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस, जिसका हार्मफुल प्रभाव पड़ता है ऑन द हेल्थ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। वन ऑफ द मेजर वाटर पोल्यूटेंट इज द इंडस्ट्रियल वेस्ट, सबसे मेजर जो वाटर पोल्यूटेंट है वो क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है रिलीज इन टू द वाटर, जो पानी के अंदर जो है वो क्या किया गया, रिलीज किया गया। द वेस्ट एक्सपेल फ्रॉम द इंडस्ट्री इज लेडन विद द केमिकल, जो वेस्ट आता है इंडस्ट्री से वो क्या होता है, उसके अंदर होता है केमिकल्स, मोस्ट इंडस्ट्री रिलीज इट इन द नियर बाय वाटर बॉडी, और बहुत सारी इंडस्ट्री क्या करती है उसको उनके आसपास जो नदी जा रही है, जो नहर जा रही है, उसके अंदर क्या करते हैं, रिलीज करती हैं विदाउट फिल्टरिंग इट। तो केमिकल कंटेमिनेट फ्रेश वाटर, और जो केमिकल है वो फ्रेश पानी में कंटेमिनेट हो जाएगा, उसको दूषित कर देगा और उसके वजह से बहुत सारी क्या होती है, बीमारियां होती है। तो अदर पोल्यूटेंट जो है वो क्या है, अनट्रीटेड या पार्शियली ट्रीटेड सीवेज वाटर, ये भी वो साफ पानी में हम इसको बहा देते हैं कई बार, पेस्टिसाइड हो गया या प्रेजेंस ऑफ मरकरी, लेड, आर्सेनिक, ये कैडमियम, ये सब पानी में जो प्रेजेंट होते हैं, ऑयल स्पिल्स की वजह, जैसे समुद्र से या फिर मान लो किसी नदी से जो है वो क्या किया, तेल निकाला, तो जब वो तेल को निकालते हैं तो वो ऑयल स्पिल्स की वजह से जो है वो क्या होगा कि तेल आपने एक्सेप्ट किया, उसके बाद जो मशीन को निकालते हैं तो वहां से कुछ चीजें वहां पे फैल जाती हैं, जो जब आप निकालोगे उसको, मशीन को जब पानी में से निकालते हो तो कुछ वहीं पे फैल जाएगी, तो उसकी वजह से भी जो है वो क्या होगा कि जो क्रूड जो कच्चा तेल था वो फैल गया, पानी के अंदर मिक्स हो गया, तो आपका जो पानी है वो क्या हो गया, दूषित हो गया। या ग्राउंड वाटर का मिसयूज करना, ये सब जो है वो क्या है, वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। अब आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो, तो सीवेज वाटर को प्रॉपरली जो है वो क्या करें, ट्रीट करें, इंडस्ट्रियल वेस्ट को जो है उसको पहले फिल्टर करें रिमूव करने से पहले, वाटर को रिसाइकल करना चाहिए, रेन वाटर को हार्वेस्ट करो, और जो ऑयल स्पिल्स हैं उनको कंट्रोल करें बाय द डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। तीसरे तरह का जो पोल्यूशन है डेट इज अ सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन होता है जब प्रेजेंस होता है कोई अनडिजायरेबल एलिमेंट किसके अंदर, मिट्टी में अगर आ जाए तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, सॉइल पोल्यूशन। ये आपके सॉइल की फर्टिलिटी को जो है वो क्या कर देगा, खत्म कर देता है। सॉइल कैन ऑल्सो पोल्यूट बाय यूज ऑफ द पोल्यूटेड वाटर, और कई बार क्या होता है कि जब आप पोल्यूटेड वाटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी सोइल पोल्यूशन जो है वो क्रिएट हो जाता है। दिस सोर्स है सोइल पोल्यूशन के, वो क्या, सबसे पहले फर्टिलाइजर्स हो गया, पेस्टिसाइड जिसका हम यूज करें खेती के अंदर, या प्लास्टिक वेस्ट हो गया, या कंटेमिनेट वाटर हो गया, फ्लाई ऐश, केमिकल रेसिड्यू लाइक डाइज, एसिड्स, मेटेलिक वेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री, नॉन बायोडिग्रेडेबल लैंडफिल्स, ये सब जो है, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम भरत कर रहे हैं मान लो, ठीक है, तो जो कूड़ा कचरा है वो उसको भर देते हैं, तो जमीन की भराई कर दी, तो उसकी वजह से भी सोइल पोल्यूशन क्रिएट होता है। आप कंट्रोल करना है तो क्या करो, वेस्ट प्रोडक्ट को प्रॉपरली रिसाइकल करो, प्लास्टिक का जो है उसके यूज पे रोक लगाओ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स जो है आपको बनाने चाहिए, आगे सीवेज वेस्ट को जो है वो ट्रीट करो बिफोर यूज एज फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में इस्तेमाल करने से पहले उसको थोड़ा सा जो है वो आप क्या करो, जो उसमें अगर कोई मान लो कंटेमिनेट प्रोडक्ट है उसको आप निकालने का काम करो। बायोमेडिकल वेस्ट है उसको प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए। हार्श केमिकल फर्टिलाइजर उसको आप यूज मत करें। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है या मैन्योर शुड बी यूज, खाद कूद का इस्तेमाल करें, और क्लीन वाटर शुड बी यूज टू प्रोटेक्ट दी सोयल। फिर आएगा आपका क्या, नॉइस पोल्यूशन। चौथे नंबर पे नॉइस पोल्यूशन जो है वो क्या, नॉइस क्या है, पहली बात, इट इज अ अनवांटेड साउंड, कोई भी एक ऐसा अनवांटेड साउंड। नॉइस पोल्यूशन कैन बी कॉज ड्यू टू स्टोन कटिंग, क्रशिंग, स्टील फोर्जिंग, लाउड स्पीकर, शाउटिंग बाय द होकर्स, मूवमेंट ऑफ द हैवी व्हीकल्स सच एज द ट्रक, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इनकी वजह से जो आपका पोल्यूशन क्रिएट होता है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन की वजह से जो है एक तो आपका लॉस ऑफ हियरिंग होती है, मतलब सुनाई कम देगा, ऊपर से जो है वो क्या, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होता है, बढ़ सकता है, लॉस ऑफ टेंपर हो सकता है, एंड रिडक्शन इन द वर्क एफिशिएंसी। जनरली जो नॉर्मल जो नॉइस लेवल है वो कितना है, 45 dB, इसको डेसिबल से जो है हम क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं। तो एक जो नॉइस की, नॉइस अगर आपने कंप्यूट करने तो कैसे करें, विद हेल्प ऑफ द डेसिबल। तो 45 dB से 35 dB, दिन में 45 dB तक होना चाहिए जो आपका नॉइस लेवल है, और जो आपका रात में वो कितना, 35 dB तक का होना चाहिए, ठीक है। पोल्यूटेंट सोर्स है वो इंडोर नॉइस पोल्यूशन भी हो सकता है, और कौन सा, आउटडोर भी। इंडोर के अंदर बेसिकली जैसे नॉइस अगर राइज हो रही है रेडियो से, टीवी से, जनरेटर से, ये सब। आउटडोर के अंदर जैसे लाउड स्पीकर चल रहा है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से आपको जो
ये जो पोल्यूशन क्रिएट हुआ, अनवांटेड साउंड जो आपको आ रहा है उसको बोलते हैं आउटडोर नॉइस पोल्यूशन। प्रिवेंट कैसे कर सकते हो? सबसे पहला व्हीकल प्रॉपरली ऐसे हो जो उसको आप मैनेज करो। जैसे कई बार तो ना कि कुछ बॉयज आपने देखा होगा बाइक चला रहे हैं फटफट फट करते जा रही है, या बुलेट जो है आजकल जो है वो क्या करते उसकी बात से निकलवाते तो वो पटाखे मारते चलती है, तो उसको आपको जो है वो क्या करना है मैनेज करना है। अवेयरनेस करो लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पे क्या करना चाहिए, अवेयरनेस करना चाहिए। ग्रीन बेल्ट जो है उसको क्या करो इंक्रीज करो, और फिर नॉइस प्रोड्यूसिंग अप्लायंसेस शुड बी रिपेयर एज सून एज पॉसिबल। फिर आएगा आपका रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। अगर रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की बात करें तो ये क्या, जब रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है वो आपका आ जाए किसमें एनवायरमेंट में, ठीक है, जैसे एमिशन ऑफ द अल्फा बीटा एंड द गामा रेज, ठीक है, या जो हजार से लाइफ के लिए जो लाइफ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है उनकी वजह से जब वो आपके एटमोसफेयर में प्रेजेंट हो जाए तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। ये किसकी वजह से फैलता है, जैसे जब हम रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को, ठीक है, रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में, या न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करना, या रेडियो आइसोटोप्स को वाटर बॉडीज में हम रिलीज कर दें, या रेडियो एक्टिव केमिकल स्पिल्स, या रिलीज करते हैं रेडियो एक्टिव पार्टिकल इनटू द एनवायरनमेंट, या कॉस्मिक रेज जब आपके एंटर करते हैं अर्थ के एटमोसफेयर में, तो उसकी वजह से आपका जनरेट होता है क्या रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। कैसे कंट्रोल कर सकते हो कि आप न्यूक्लियर टेस्ट के ऊपर जो है वो क्या लगा दो, बैन लगा दो। रेडियो एक्टिव मटीरियल को शुड बी प्रॉपरली लेबल्ड हो, और ये जो मटीरियल है उसको रिसाइकिल करें इंस्टेड ऑफ डंपिंग इनटू द गार्बेज पाइल। फिर आएगा वेस्ट। वेस्ट वो है जिसकी वजह से जो है वो क्या होता है पोल्यूशन क्रिएट होता है। ये आपका सॉलिड लिक्विड बायोमेडिकल हजार्ड्स एंड इलेक्ट्रिक ये सब तरीका हो सकता है। सबसे पहला आपका हाउसहोल्ड वेस्ट अगर हम कैटेगरी अगर हम बनाएं, ठीक है, तो वो तो हो गया जैसे जब वेस्ट जनरेट होता है ड्यूरिंग द फूड प्रिपरेशन और द एम्प्टी रैपर्स कार्टून्स पॉलिथिन बैग ब्रोकन आर्टिकल, इसी वजह से जो वेस्ट जनरेट हुआ उसको बोलते हैं आप लोग क्या हाउस होल्ड वेस्ट। कमर्शियल वेस्ट के अंदर जैसे पेपर प्लास्टिक कार्डबोर्ड ये वाला हो गया। इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से जो वेस्ट होगा। इफ्लुएंट वेस्ट के अंदर जैसे आपका जो रिवर्स को या सी को पोल्यूट कर दे। सिटी वेस्ट के अंदर जैसे सूखे पत्ते हो गए हैं, एनिमल वेस्ट हो गया, डेड बॉडीज ऑफ द स्मॉल एनिमल एक्सेट्रा जनरेट ऑन द रोड पार्क स्टेडियम सब। अब सॉलिड वेस्ट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट को आप कैसे, सॉलिड वेस्ट पहली बात तो उसमें क्या क्या है, जैसे क्रैप मेटल हो गया, फर्नीचर हो गया, या टॉयज हो गया जो पूरी तरह से खराब हो चुके थे, तो उसको वो वेस्ट में लोगों ने उसको फेंक दिया। अब आप इसको जो है वो क्या करेंगे, इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे बाय लैंडफिलिंग, या ट्रीट करेंगे केमिकली, रिसाइकल करेंगे, यूज करेंगे और मेकिंग द कंपोस्ट। ये बात ध्यान रखना। तो आप ये इनमें से कोई भी काम कर सकते हैं। इनके रिगार्डिंग लेजिस्लेशन ये पास किए हैं सॉलिड वेस्ट के रिगार्डिंग। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, कंस्ट्रक्शन एंड द डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2018। लिक्विड वेस्ट है वो क्या, ये जनरेट करता है, हाउस होल्ड भी जनरेट कर सकता है, इंडस्ट्री भी, और आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटी एंड सो ऑन। लिक्विड वेस्ट है जनरली ओपन क्या होता है, इसको रिलीज करते हैं हम कहाँ पे, नियर बाय फ्रेश वाटर में, जिसकी वजह से जो है वो क्या होता है आपका वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है। फिर बायोमेडिकल वेस्ट, बेसिकली जो हॉस्पिटल से जो वेस्ट निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या बायोमेडिकल वेस्ट। जैसे नीडल्स हो गई हैं, दवाई हो गई है, प्लास्टर्स हो गया, वो सब किसके अंदर आएगा आपके बायोमेडिकल वेस्ट। दिस इंक्लूड मोस्टली ऑर्गेनिक वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द हॉस्पिटल सच एज द ह्यूमन टिश्यू एंड द एनिमल वेस्ट एंड द सॉलिड वेस्ट सच एज द हाइपोडर्मिक नीडल्स, स्प्रिंगर सिरिंज हो गई है, स्केल्पल्स हो गया, या ब्रोकन ग्लासेस हो गया, ये सब किसका पार्ट है आपके बायोमेडिकल वेस्ट का। बायोमेडिकल वेस्ट को जो है वो यहाँ पे चार कैटेगरी के अंदर, अच्छा एक हजार्ड्स वेस्ट भी है, पहले वो एक बार देख लो, जो सब्सटेंशियल और पोटेंशियल थ्रेट है किसको, पब्लिक हेल्थ को, जिसका पब्लिक हेल्थ के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा बैड इंपैक्ट पड़ेगा उसको बोलते हैं हजार्ड्स। अब बायोमेडिकल वेस्ट की जो चार कैटेगरी है, एक है येलो कैटेगरी, एक रेड, एक ब्लू और एक कौन सा व्हाइट। येलो कैटेगरी का जो वेस्ट है उसको आप लोग जो है वो डिस्ट्रॉय करेंगे हम कैसे, प्लास्टिक बैग में या कंटेनर में डाल के, ठीक है जी। इसके बाद में इनको दबा के भी आप कर सकते हो, डीप ब्रूअल ब्यूरियल कर सकते हो। फिर रेड कैटेगरी वाला जो है इसको भी प्लास्टिक बैग या कंटेनर्स में डाल के करेंगे। ब्लू कैटेगरी वाले को हम क्या करेंगे, ब्लू कलर के मार्किंग का जो है वो क्या होगा, बेसिकली कार्डबोर्ड बॉक्स होगा, उसके अंदर उसको पैक करके उसको जो है वो क्या करो रिसाइकिल करोगे, पहले उसमें से इन्फेक्शन को हटा दोगे, तो उसको डिसइन्फेक्टिंग करेंगे, देन उसको रिसाइकिल करेंगे। जो व्हाइट कैटेगरी का जो वेस्ट है, जैसे नीडल्स हो गया, सिरिंज हो गया, इनको आप लोग जो है वो क्या करेंगे, पंचर प्रूफ बनाएंगे, लीक प्रूफ करेंगे, टेम्पर प्रूफ कंटेनर जो होंगे, मतलब जिसमें बिल्कुल भी हवा बाहर ना निकले उसके अंदर आप डालेंगे, और इसको पहले ऑटोक्लेविंग करेंगे और इसको क्या करेंगे श्रेड करने का काम करेंगे। तो ये बायोमेडिकल वेस्ट है, येलो कैटेगरी का, रेड, ब्लू और व्हाइट, इनको इसी तरीके से आप लोग जो है वो क्या करोगे ट्रीट करोगे। अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, अगर बात करूंगा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का, तो ये क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं बेसिकली, मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से जो वेस्ट हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गया, मशीन हो गया, इन ये जिसको हम यूज करके और फिर क्या करें थ्रो कर रहे हैं, तो वो जो वेस्ट जो अराइज हुआ उसको बोलते हैं हम लोग क्या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। गैजेट्स आर यूज बाय एवरीवन, बी इट द हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, डॉक्टर, इंजीनियर, शेफ और एंड सो ऑन, दीज हैव चेंज आवर लाइफ टू द ग्रेट एक्सटेंट, बट द मेजर प्रॉब्लम रिगार्डिंग दीज डिवाइस इज देयर डिस्पोजल। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या है, इनके डिस्पोजल का, व्हेन दे बिकम इनऑपरेटिव।
एवरी ईयर मिलियन टन ऑफ द ई वेस्ट जनरेट ई वेस्ट और द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इंक्लूड द ओल्ड एंड द इन ऑपरेटिव अप्लायंसेज एंड द गैजेट। तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, ई वेस्ट, जो आपके लार्ज हाउस होल्ड अप्लायंसेज है या कंज्यूमर इक्विपमेंट है या फिर जो आपका आई टी एंड टेलीकॉम इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकल गया है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ओके जी सर, लो जी ये हो गया जी आपका चैप्टर नंबर 4। अब आएंगे चैप्टर नंबर 1 पे। चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो रिलेटेड है आपका किसके, यूएन के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। इसके अंदर दोनों तरह के गोल आएंगे, एक आपके एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भी आएंगे और एक आपका आएगा कौन सा, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखो पहली बात तो ये एमडीजी एसडीजी के लिए ना मैंने आपको नोटिंग करवाई थी और दोनों का, एमडीजी का भी और एसडीजी दोनों का मैंने आपको निमोनिक्स लिखवाया था, जिसके अंदर मैंने आपको जो है वो आपको कैसे एमडीजी लर्न करने, कैसे एसडी लर्न करने वो सब बताया था। चलो पहले एक बार देख लेते हैं, एमडीजी जिसको बोलते हैं सहस्राब्दी विकास लक्ष्य बोलते हैं और एसडीजी को बोलते हैं हम लोग क्या, संधारणीय विकास लक्ष्य। तो पहले तो एमडीजी की बात करेंगे, एमडीजी सन 2000 से लेकर और 2015 तक जो है वो रहे, ठीक है, टोटल मिला के इसके अंदर जो है वो 8 एमडीजी थे, मिलियन डेवलपमेंट के गोल थे जिसके 18 टारगेट थे और 48 इंडिकेटर। देखिए अलग अलग जगह पे आपको अलग देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको 8 गोल 21 टारगेट और 60 इंडिकेटर देखने मिलेगा, लेकिन जनरली आप यूएन की साइट पे जाओगे, यूएनडीपी यूनियन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके साइट पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको यही सब बेसिकली देखने को मिलेगा, जहां पे लिखा हुआ है 8 गोल है, 21 टारगेट है और 60 इंडिकेटर है। हालांकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर जो है वो 8 की जगह पे कितने हो गए, 17 हो गए, ठीक है। इसके अंदर जो आने वाले जो आपके गोल हैं, इनका जो मेन फोकस था एमडीजी का वो किसके ऊपर था, डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर था। ये जो 8 गोल थे 15 साल में इनको अचीव करना था और मेन फोकस डेवलपिंग कंट्री डेवलपिंग कंट्री के ऊपर था। 189 जो आपके मेंबर कंट्री थे उन्होंने जो है इस यूएन की मिलेनियम समिट को जो है वो क्या किया, इसको उन्होंने इस समिट में पहुंचे और वहां पे जो है ये एग्री हुए कि हम 8 स्पेसिफिक और मेजरेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो हम लेके आएंगे, जिनको बोलेंगे हम लोग क्या, एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। सन 2000 में ये जो है वो लेके आए थे, तो 8 एमडीजी 6 से लेके 8 सितंबर के बीच में, सन 2000 के अंदर 6 से 8 सितंबर के बीच में जो है वो मीटिंग हुई, उस समिट के अंदर जो है वो डिसाइड किया गया कि हम जो है वो 8 मिलियन डेवलपमेंट गोल को जो हम लेकर आने वाले हैं। और ये लेकिन ये जो 8 आपके गोल थे ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव गोल जो है वो नहीं थे और इंडिकेटर भी दिए ताकि हम चेक भी कर पाएं इसमें कि हमने कितना कुछ जो है वो क्या कर लिया, अचीव कर लिया। और दूसरा ये क्या थे, टाइम बाउंड थे, इनमें टाइम पीरियड था भाई इतने समय के अंदर अपने को ये गोल्स जो है वो क्या करने हैं, अचीव करने हैं। बस ये बात ध्यान रखना, एमडीजी डेवलपिंग जो डेवलपिंग कंट्री है उनके ऊपर फोकस करते थे लेकिन ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नेचर के नहीं थे, ठीक है जी। अब एमडीजी की अगर हम बात करते हैं तो पहली बात तो ये एमडीजी का 8 गोल है कौन कौन से, तो उसके लिए मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी और कहानी जो है वो कुछ इस तरीके की थी कि एक लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की, सबसे पहला इट बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली एंड हंगरी, वो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो क्या है, भूखी है। तो सबसे पहला गोल जो है वो क्या था आपका, इरेडिकेटिंग एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी। दूसरा, शी इज नॉट एजुकेटेड, वो पढ़ी लिखी भी नहीं है। तो दूसरा गोल आ गया क्या, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। तीसरा, ड्यू टू विच, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है इसकी वजह से उसको कोई जॉब भी नहीं मिली। तो तीसरा गोल जो है वो क्या था, प्रमोट करेंगे जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर दी वुमेन। फिर शी गोट मैरिड एंड शी हैज फर्स्ट चाइल्ड, उसकी शादी हो गई, उसका पहला लड़का, पहला बच्चा हुआ। तो चौथा जो है वो क्या, रिड्यूस द चाइल्ड मोर्टेलिटी। फिर था जी आपका, दिस अकर बिकॉज ऑफ पुअर मैटरनल केयर, और पहला बच्चा उसका डाइड हो गया था तो उसकी वजह से क्या, वो क्यों हुआ, क्योंकि पुअर मैटरनल केयर की वजह से। तो पांचवा गोल क्या था कि हम इंप्रूव करेंगे किसको, मैटरनल हेल्थ को। फिर शी गॉट वेरियस डिसीज, उसको बहुत सारी डिसीज हो गई लाइक मलेरिया एक्सेट्रा, ये डिसीज हो गई। तो छठा हमारा क्या था, हम कॉम्बैट करेंगे, दूर करेंगे किसको, HIV एड्स मलेरिया एंड द अदर डिसीज। फिर उसके बाद है, इन शॉर्ट शी लिव्स इन पुअर एनवायरमेंटल सराउंडिंग। फिर सातवां जो था वो क्या था, एनश्योर करेंगे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। और लास्ट में क्या था, एंड हर पार्टनर इज नॉट कोऑपरेटिव। तो यहां पे हमने देखा, हम डेवलप करेंगे एक ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द डेवलपमेंट। तो टोटल मिला के 8 गोल थे। तो ये आपको मैंने निमोनिक जो है मैंने आपको बनवाया था, इस निमोनिक को कीजिए, पूरे के पूरे आपको जो है ये रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो ये थे आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बाद में जो है वो आए जी आपके कौन से, सस्टेनेबल। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं पहली बार, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब आए, 2015 के अंदर। तो 2015 से 2030 का जो है वो इनका टेन्योर था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का।
तो ये तो पहले मिलेनियम का मैंने यहाँ पे सब बता रखा है, 8 तरह के गोल थे और ये इनके इंडिकेटर, ठीक है। तो गोल्स आपको याद करके जाने हैं और सीक्वेंस के अंदर ही आपको जो है वो पढ़ के जाने हैं। इसके बाद आए जी कौन से आपके सस्टेनेबल। अगर बात करें सस्टेनेबल का, तो 25 सितंबर 2015 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो है वो अडॉप्ट किया किसको, एक न्यू डेवलपमेंट एजेंडा, ठीक है, जिसका नाम जो है वो क्या रखा गया, ट्रांसफॉर्मिंग ए वर्ल्ड 2030 एजेंडा जो नाम रखा गया फॉर डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। और 1 जनवरी 2016 से ये जो है वो क्या हो गया आपके एप्लीकेबल हो गए, ठीक है। टोटल लगे कितने थे, 17 एमडीजी थे, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे। और ये क्या था कि सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हम काम करेंगे, मतलब हमारे गोल कुछ इस तरीके से रहेंगे कि हम प्रेजेंट रिसोर्स को इस तरीके से यूज करेंगे कि खुद भी खाएं और फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है उसके लिए भी हम क्या करें, बचाकर रखें, ठीक है। 17 गोल थे, 169 टारगेट थे और टोटल मिला के 304 जो है वो इसके क्या थे, इंडिकेटर। लेकिन ग्लोबल इंडिकेटर टोटल मिला के आज कितने, 247, ठीक है जी। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो इंडिया ने भी इसका इसको जो है वो क्या किया, अडॉप्ट किया, ये बात ध्यान रखना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो है इंडिया ने भी इसको जो है वो क्या किया था, अडॉप्ट किया। तो 25 सितंबर 2015 को पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था किसको, न्यू डेवलपमेंट एजेंडा को, ठीक है। नाम क्या रखा गया, ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर एमडीजी जो है वो एंड हुए, एंड ऑफ देयर टर्म जो है वो क्या था, दिसंबर 2015, और दिसंबर 2015 के बाद में जो है वो एसडीजी को जो है वो हमने क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। एसडीजी जो थे वो 2030 एजेंडा था, वो आए कब से, 1 जनवरी 2016 से। दिस न्यू डेवलपमेंट एजेंडा, ये जो नया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो एजेंडा था, इसके तीन डायमेंशन थी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक था इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, दूसरा सोशल इंक्लूजन करेंगे और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो तीन हो गया, इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल। एसडीजी जो है वो 6 एलिमेंट के ऊपर जो है वो बेस्ड है, जिनमें 5P है और 1 डिग्निटी है। 5P के अंदर जो है एक पीपल, उस पर 3 डेवलपमेंट गोल जो है वो आपके बेस्ड है। प्लेनेट, इसके अंदर टोटल मिला के 6 डेवलपमेंट गोल बेस्ड है। पार्टनरशिप 1, प्रोस्पेरिटी का 1, और पीस एंड जस्टिस के अंदर टोटल मिला के कितने, 4, और 2 है आपके किसके, डिग्निटी के। तो टोटल मिला के 17 जो है वो क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल है, और 169 जो है वो क्या थे, इसके टारगेट थे। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया, और मेन बात जो है वो क्या थी इसका, लीव नो वन बिहाइंड। मतलब हम यहाँ पे ये बोला गया कि अगर सस्टेनेबल आपको डेवलपमेंट करनी है तो आपको सबको जो है वो एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर पहली बात तो करता कौन है, यूएन, यूनाइटेड नेशन जो है उसका एक प्रोग्राम है, यूएनडीपी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके अंतर्गत जो है ये गोल्स लिए थे और पूरे वर्ल्ड को हम लोग जो है वो ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, एसडीजी ऑल्सो नोन एज द ग्लोबल गोल, एसडीजी को बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लोबल गोल, वर एडॉप्ट बाय द यूएन मेंबर स्टेट इन 2015 एज ए यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन टू। हमने यहां पे सोचा कि हम क्या करें, एंड करेंगे पॉवर्टी, प्रोटेक्ट करेंगे हमारे प्लेनेट को और एंश्योर करेंगे दैट ऑल द पीपल एंजॉय पीस एंड प्रोस्पेरिटी। ये जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे ये सब इंटीग्रेट थे, दैट इज दे रिकॉग्नाइज दैट एक्शंस इन वन एरिया विल अफेक्ट द आउटकम इन द अदर एंड दैट डेवलपमेंट मस्ट बैलेंस द सोशल, इकोनॉमिक एंड द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। थ्रू द प्लेज टू लीव नो वन बिहाइंड, हमने यहाँ पे जो है वो कसम खाई कि हम जो है वो किसी को भी जो है वो नहीं छोड़ेंगे, बोले तो हम सबको साथ में लेके चलेंगे। कंट्री हैव कमिट टू फास्ट टेक द प्रोग्रेस फॉर दोस फॉर फर्दर्स बिहाइंड फर्स्ट, डेट इज वाई द एसडीजी आर डिजाइन टू ब्रिंग द वर्ल्ड टू सेवरल लाइफ चेंजिंग जीरो। मतलब हम जो है वो क्या करें, जीरो पॉवर्टी करेंगे, जीरो हंगर करेंगे, जीरो एड्स एंड द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन एंड गर्ल, उनको भी क्या करेंगे, जीरो करेंगे। एवरी वन इज नीड टू रीच दिस एम्बिशियस गो टारगेट, हर एक को जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि वो टारगेट को क्या करें, अचीव करे। द क्रिएटिविटी, नो हाउ, टेक्नोलॉजी एंड द फाइनेंशियल रिसोर्स फ्रॉम ऑल ऑफ सोसाइटी इज नेसेसरी टू अचीव द एसडीजी इन एवरी कॉन्टेक्स्ट। इसके लिए यूएनडीपी का जो है वो क्या बहुत बड़ा रोल है, यूएनडीपी इसे वेल प्लेस्ड टू हेल्प इंप्लीमेंट इन गोल्स को इंप्लीमेंट करने में जो है वो अपना काम कर रहा है। 170 नेशंस के अंदर जो है यूएनडीपी क्या कर रहा है, वर्किंग कर रहा है, और उसका मेन गोल एक ही है कि 2030 तक जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल है 17 गोल, इनको अपने को क्या करना है, टारगेट को अचीव करना है, ठीक है जी। इसके बाद बैकग्राउंड जो है वो वही था, सस्टेनेबल वाला जो मिलेन डेवलपमेंट गोल थे उनका ही इसका जो है वो क्या था, बैकग्राउंड था। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टोटल 169 टारगेट है और 17 इसके जो है वो क्या है, गोल है, और गोल क्या क्या थे, तो इसका भी मैंने आपको निमोनिक बना के जो है वो दिया हुआ था। तो निमोनिक की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने बताया था कि 17 एसडीजी, एक लिटिल बॉय हु इज वेरी पुअर, तो वेरी पुअर मतलब फर्स्ट हो गया कौन सा, नो पॉवर्टी। दूसरा नो फूड इन हाउस, उसके घर में खाने के भी कुछ नहीं था, तो दूसरा क्या हो गया, जीरो हंगर। तीसरा नो वन इन द फैमिली वेल, फैमिली में कोई भी ठीक नहीं था, तो मतलब क्या हो गया, गुड हेल्थ और गुड हेल्थ एंड वेलबींग कंडीशन। फिर नो वन एजुकेट, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या हो गया, क्वालिटी आपका एजुकेशन। सिस्टर जो है उसकी पर्दा करती थी, तो वो क्या हो गया, जेंडर इक्वलिटी की बात करेंगे। फिर वाइल गोइंग आउट टू द फ्रेश वाटर, जब उसकी सिस्टर पानी लेने जाती थी तो छठे पे हो गया पानी का, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन।
हर सिस्टर कुक फूड ऑन चूल्हा, उसकी सिस्टर जो है वो चूल्हे पे खाना बनाती थी, तो सातवें नंबर पे क्या हो गया, हम अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी का यूज करेंगे। फिर देन ही डिसाइड, तो उसने डिसाइड किया कि वो डिसेंट वर्क करेगा, तो आठवें पे क्या हो गया, डिसेंट वर्क एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर उसने क्रिएट किया एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, तो उसके नाम पे जो है वो कहा गया इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। उसने दोनों को रखा, मेल और फीमेल दोनों मेंबर्स को उसके अंदर जो है जॉब पे रखा, तो फिर क्या गया, रिड्यूस द इनइक्वालिटी। फिर ग्यारहवें पे तक उसने क्रिएट किया सस्टेनेबल एनवायरमेंट स्टाफ के लिए, तो फिर क्या गया, सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी। उसने वीट को प्रोड्यूस किया, ठीक है, मतलब यहाँ पे बेसिकली जो है वो क्या, रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आ गया। उसके बाद में जो है उसने कोई, उसने बोला कि मैं कोई भी वर्क पोल्यूशन नहीं क्रिएट करूंगा, तो क्लाइमेट एक्शन हो गया। इसके बाद में था नो हार्म टू द एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल को कोई भी हार्म नहीं होगा, तो इसका था लाइफ बिलो द वाटर, मतलब पानी के अंदर रहने वाले। फिर था जी गुड लाइफ देंगे लैंड पे भी, तो वो क्या हो गया, लाइफ ऑन द लैंड। फिर पीस रखेंगे एट होम भी, मतलब घर में भी शांति, तो बोलता पीस एंड जस्टिस अमंग द स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। और लास्ट जो था पार्टनरशिप विद द पुअर, तो इसके अंदर क्या गया, पार्टनरशिप टू अचीव द गोल। तो टोटल मिला के जो है वो क्या था, इसमें ये 17 गोल थे, इसका निमोनिक आपको बना के दिया था, पूरी कहानी आपको समझाई थी, इस तरीके से आप कीजिए। ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने जो है वो क्या किए, ऑप्ट किए और सभी कंट्रीज को बोला कि आप सारे जो है वो कोशिश करें कि अपने को 2030 तक ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को क्या करना है, अचीव करना है। ओके, तो ये था आपके चैप्टर नंबर 1 में, जिसके अंदर था आपका एमडीजी का और आपका कौन सा, एसडीजी। आइए अब हम जो है वो स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसके अंदर हम टोटल मिला के 9 तरह के जो है वो एनर्जी रिसोर्स की जो है वो बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए क्या है कि एक नेचुरल रिसोर्स क्या है। नेचुरल रिसोर्स के अंदर आएगा बेसिकली आपका लाइट हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सब जो है वो पार्ट है किसका, आपके नेचुरल रिसोर्स का। लोगों को नेचुरल रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि उनको जो है वो क्या रहना है, जिंदा। तो जिंदा रहने के लिए हमको जो है वो नेचुरल रिसोर्स की जो है वो क्या है, रिक्वायरमेंट है। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज से अपने को मिलती है क्या, एनर्जी। तो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू द वर्क, काम करने की जो कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली क्या, एनर्जी। ठीक है जी, तो इंसान को अगर मान लो क्या करना है, लिवलीहुड कमाना है या फिर जीना है, तो जीने के लिए जो है उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और एनर्जी कहां से मिलेगी, नेचुरल रिसोर्स से मिलती है बेसिकली। ठीक है जी, अब यहां पे अगर हम बात करते हैं एनर्जी का, तो एनर्जी के अलग-अलग फॉर्म है। एक होता है आपका सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी होती है बाय वर्चू ऑफ द मोशन। ओके, और उसके बाद अगर सॉरी पोजीशन की वजह से, तो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं मैकेनिकल। जब वो पोजीशन वाली एनर्जी जो है वो जब आपकी मोशन में आती है, कुछ मूवमेंट होनी शुरू हो जाए, तो फिर आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर, आपके काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एनर्जी है विच इज पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। ठीक है जी, अब यहां पे एक न्यूक्लियर एनर्जी भी होती है, ध्यान रखना। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो क्या है, जब मासेस को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, न्यूक्लियर एनर्जी। अब इंडिया के अंदर जो है वो एनर्जी को कंजर्व करने के लिए जो कुछ लॉ जो है वो भी पास किए गए थे। ठीक है जी, अब इंडिया का जो एनर्जी कैपेसिटी है वो ये बता रखा है आपको, डेटा जो है दे रखा है, इसको थोड़ा लर्न कर लेना। अब आएगा प्राइमरी एनर्जी और दूसरा कौन सा, सेकेंडरी। सबसे पहले बात करूंगा मैं किसका, प्राइमरी एनर्जी का। तो प्राइमरी एनर्जी फॉर्म इज डायरेक्टली फ्रॉम फाउंड इन नेचर, डायरेक्टली जो नेचर से अपने को एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइमरी एनर्जी। इसके अंदर जैसे आपका कोल हो गया, जैसे सनलाइट हो गया, वहां से जो हम लोगों को एनर्जी रिसीव होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइमरी एनर्जी। जब प्राइमरी एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं किसी अदर फॉर्म में और वहां से जो अपने को एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेकेंडरी एनर्जी। व्हेन प्राइमरी एनर्जी फॉर्म इज कन्वर्टेड into some convenient form of energy, then it is known as the secondary energy। ठीक है जी, अब यहाँ पे आएगा जी सबसे पहले ये कि renewable resource है वो कौन से और non renewable कौन से। renewable resource वो है जो कभी भी exhaust बोले तो खत्म नहीं होंगे। renewable resource which cannot be exhausted even after continued utilization are termed as a renewable resource। तो renewable resource कोई भी कैसे resource है जिनको आप चाहे लगातार उनका जो है वो क्या करते रहे, utilization करते रहे, तो भी वो जो है वो exhaust नहीं होंगे। like sun हो गया, like wind हो गया, like ये tidal energy हो गया, ये सब जो है वो क्या है, आपके renewable source of energy है। ठीक है जी, non renewable कौन से होते हैं, non renewable वो है जो renewable nature के नहीं है, मतलब ये जो है वो क्या होंगे, exhaust हो जाएंगे अगर अपने continue जो है वो क्या करेंगे, consumption करेंगे। example जैसे coal हो गया, petroleum हो गया, natural gas हो गया, ये सब आपके जो है जो भी आपके fossil fuels है वो सब किसका पार्ट, आपके non renewable source of energy। अब दोनों के अंदर difference क्या है, सबसे पहले वो पढ़ते हैं, depletion के base पर देखते हैं। renewable जो है वो ऐसे जो cannot be depleted, वो कभी भी deplete नहीं होंगे over the time, लेकिन non renewable जो है वो एक वक्त के बाद में क्या हो जाएंगे, deplete। आगे source, जो आपके रिन्यूएबल जो एनर्जी होती है उसका जो सोर्स है वो क्या है, सनलाइट हो गया, वाटर, विंड एंड जियोथर्मल सोर्स, ये सब जो है वो सोर्स है आपके किसका, रिन्यूएबल का। और नॉन रिन्यूएबल के अंदर जैसे आपके फॉसिल फ्यूल है, ये सब पार्ट है किसका, आपके नॉन रिन्यूएबल का। एनवायरमेंट इंपैक्ट, जो आपके नॉन रिन्यूएबल जो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है उनका एनवायरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट है, वो लो कार्बन एमिशन करते हैं, तो एनवायरमेंट पे उनका पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। जबकि वही अगर बात करेंगे किसका, नॉन रिन्यूएबल का, तो उनका
वो जो है वो क्या करते हैं, हायर कार्बन फुटप्रिंट्स होते हैं और हायर जो है वो CO2 को जनरेट करते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो एनवायरनमेंट पे उसका बैड इंपैक्ट पड़ता है। आगे कोस्ट, अगर बात करेंगे अपफ्रंट कोस्ट का, अगर हम बात करते हैं तो इनके जो है वो रिन्यूएबल की जो है वो क्या होती है, हाई होती है। वही अगर नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो उसकी जो अपफ्रंट जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है जी, आपकी रिन्यूएबल के मुकाबले में कम होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट, अगर हम रिन्यूएबल की बात करते हैं तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, एक्सपेंसिव है और वो ईजिली जो है वो असेसेबल भी नहीं होता है। लेकिन अगर बात करेंगे किसका, नॉन रिन्यूएबल का, तो वो थोड़ा सा क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव है लेकिन फिर वो क्या करेगा, पोल्यूशन भी ज्यादा क्रिएट करता है। आगे एरिया रिक्वायर्ड, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो है वो आपको जो है वो लार्ज एरिया की जो है वो क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल की अगर बात करें तो वहां पे कंपैरेटिवली लोअर एरिया की आपको क्या है, रिक्वायरमेंट है। तो ये डिफरेंस है दोनों का, किस किस का, रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी का और नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल जिसको आप ओवर द टाइम अगर आप यूज करते रहेंगे लेकिन ये फिर भी जो है वो डिप्लीट नहीं होंगे, लेकिन नॉन रिन्यूएबल ऐसे होते हैं जो ओवर द टाइम अगर आप उनका कंटिन्यू कंजम्पशन करेंगे तो वो एक वक्त के बाद में क्या हो जाएंगे, डिप्लीट हो जाएंगे। चलो जी आगे अब आएगा रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स में सबसे पहला जो आता है हमारे पास में, डेट इज अ सोलर एनर्जी। इससे पहले आपको कुछ ये बता रखा है, देखो कि प्राइमरी सोर्स जो है रिन्यूएबल एनर्जी का सोलर विंड जियोथर्मल, और सेकेंडरी जो सोर्स हैं वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटेड थ्रू द कन्वर्जन ऑफ द कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। गवर्नमेंट ने जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का जो है वो टारगेट स्केल अप किया था 175 गीगावाट 2022 है, तो गवर्नमेंट ने जो है वो 2022 तक का जो है वो टारगेट सेट किया 175 गीगावाट का, ये बात ध्यान रखना, जिसमें 100 गीगावाट तो हम कहाँ से लेंगे, सोलर से, मतलब सोलर एनर्जी हम लोग जो है वो कंज्यूम करेंगे कितना, 100 गीगावाट का, 60 गीगावाट से विंड से, 10 गीगावाट बायोपावर से और 5 गीगावाट कहाँ से, स्मॉल हाइड्रो पावर से, ठीक है जी। अब आएगा सबसे पहले आता है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो है वो है क्या, बेसिकली इंडिया कुछ फ्यू कंट्री में से एक है जो ब्लेस्ड है लॉन्ग डेज से एंड प्लेंटी ऑफ सनशाइन, मतलब इंडिया जो है सोलर एनर्जी के अंदर बहुत ही रिच कंट्री के अंदर आता है, क्योंकि टोटल मिला के 5 ऐसी कंट्री जो 80% ऑफ द सोलर एनर्जी को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, और इंडिया उन 5 में से एक कंट्री है। अब सोलर एनर्जी क्या होता है, जो सन की जो आपकी रेस आती है, जो सूर्य की किरणें जो है, तो उनसे हम लोग जो है वो क्या करते हैं, उससे एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो है वो दो तरीके से होती है, एक होता है आपका फोटोवोल्टिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है कौन सा, सोलर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले फोटोवोल्टिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं सोलर पैनल, जो एल्युमिनियम बेस्ड आपका स्ट्रक्चर बनता है उसके ऊपर पैनल लग जाते हैं, सूर्य की किरणें उनके ऊपर पड़ती हैं और फिर वहां से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, फोटोवोल्टिक इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा जो है वो है कौन सा, सोलर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। अगर बात करूंगा सोलर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का, तो यहां पे क्या है, यहां पे एक सोलर कलेक्टर का यूज करते हैं, एक मिरर सरफेस एरिया रहेगा, ठीक है, वहां पे सनलाइट जो है रिफ्लेक्ट होगी और वहां पे एक रिसीवर होगा जो क्या होगा, हीट अप होगा, जब वो हीट करेगा तो वहां जो लिक्विड होगा, जो पानी होगा, उससे क्या बनेगी, स्टीम, और स्टीम से जो है वो बॉयलर जो आपका टर्बाइन जो है वो चलेगा और चलने के बाद में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो ये दो तरीके हैं, इन दो तरीकों से हम लोग जो है वो सोलर एनर्जी को जो है वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद में कुछ खास बातें, तो पहला तो आपको पैनल वाला था और दूसरा जो आपको मैंने बताया ये आपको बता दिया, देखो पहले तो फोटोवोल्टिक इलेक्ट्रिसिटी, ये तो हो गया सोलर पैनल जो आजकल आपने देखा होगा घरों की छत पे भी लगते हैं, ठीक है। तो सोलर पैनल अटैच द एल्युमिनियम माउंटिंग सिस्टम, एल्युमिनियम माउंटिंग सिस्टम रहेगा उसके ऊपर सोलर पैनल अटैच हो जाएंगे, ठीक है, और वहां पे पीवी सेल्स होते हैं, उसको बोलते हैं फोटोवोल्टिक सेल। ये मेड अप ऑफ टू एटलीस्ट कम से कम 2 सेमीकंडक्टर लेयर से जो है मिलके ये बनेगा बेसिकली, ठीक है। फिर इनके ऊपर जो है वो क्या पड़ेगा, डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी और वहां से ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। दूसरा तरीका है कंसंट्रेटेड सोलर पावर या सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, ये यूटिलाइज फोकस सनलाइट को, जो सनलाइट पड़ रही है उसको कन्वर्ट करेगा हाई टेंपरेचर हीट में, और जब हाई टेंपरेचर हीट होगी ये हीट से चैनलाइज किया जाएगा कन्वेंशनल जनरेटर से, जो प्रोड्यूस करेंगे किसको, इलेक्ट्रिक, क्योंकि ये जो हीट होगी ना तो लिक्विड जो है वो क्या होगा, गर्म होगा, तो उससे क्या बनेगा, स्टीम। स्टीम की वजह से जो है वो आपका जो जनरेटर है वो क्या होगा, स्टार्ट होगा और फिर वहां से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो दो तरीके होते हैं आपके बेसिकली सोलर एनर्जी को क्या करने के, प्रोड्यूस करने के। तो दोनों का बस नाम आप याद करके जाना, एक तो पीवी सेल्स हो गया, फोटोवोल्टिक सेल जो बेसिकली एल्युमिनियम बेस्ड स्ट्रक्चर, और दूसरा जो है वो क्या, सीएसपी बोले तो कंसंट्रेटेड सोलर पावर, ठीक है जी। अब अगर बात है पोटेंशियल, पोटेंशियल के नाम पे हम यहां पे ये बोलते हैं, इंडिया के पास है पोटेंशियल है कि वो 35 मेगावाट जो है
35 मेगावाट जो है वो सोलर एनर्जी को जो है वो क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है बेसिकली इन दोनों तरीकों से जो है। ठीक है जी। अब स्टेट विच इज अ वेरी हाई सोलर रेडिएशन, जो सबसे हाई सोलर रेडिएशन वाले जो इंडिया की जो स्टेट है उनके अंदर आती है बेसिकली कौन कौन सा, एक तो आएगा राजस्थान, एक आएगा नॉर्दर्न गुजरात एंड द पार्ट ऑफ द लद्दाख रीजन, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये बात ध्यान रखना। अब जो मेन मिशन है इंडिया के अंदर जो है वो सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो एक मिशन जो है वो पास किया था जिसका बोलता है नेशनल सोलर मिशन। ठीक है। और इसका जो शुरुआत में जो इसका जो टारगेट था वो कम था, लेकिन अब जो है इसका टारगेट जो है वो कितना, 100 मेगावाट जो है सन 2022 तक हम लोग जो है वो 100 मेगावाट जो है सोलर एनर्जी को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। और इसके बाद में इसके ऊपर जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो भी हुआ था सन 2015 में। इसको बाकी आगे पढ़ाऊंगा मैं जब हम NAPCC पढ़ेंगे और उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस चैप्टर नंबर 7 में पढ़ाता हूं अभी। लेकिन अभी बस ये ध्यान रखना कि पीएम मोदी ने फ्रांस के पीएम के साथ में मिलकर के जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो है वो क्या करी, शुरुआत करी। तो कुछ कंट्रीज को सूर्य पुत्र का जो है वो बात बोली गई और ये बोला गया ये सूर्य पुत्र है, इसका मतलब इनको जो है सूर्य की किरणों से ब्लेस्ड है और जब डायरेक्टली इनके ऊपर जो है वो सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वहां पे जो है वो सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के चांसेस हमारे पार्ट पे ज्यादा रहते हैं। ठीक है जी। तो अभी आगे पढ़ेंगे बाकी इसको। अब आएगा जी एडवांटेज क्या है सोलर एनर्जी का। एडवांटेज आपको मालूम है, रेडिली अवेलेबल है, इनएग्जॉस्टेबल है, कभी भी खत्म नहीं होगी, क्लीन नेचर की है, अनइंटरप्टेड है, कंटिन्यू सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है। लिमिटेशन भी काफी है इसकी। सबसे पहला ये प्रोड्यूस होगा ओनली कहां पे, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में। ठीक है। दूसरा, टेक्नोलॉजी थोड़ी सी क्या होती है, एक्सपेंसिव है और इसको जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है थोड़ी सी क्या होती है, ज्यादा। आगे इसका स्टोर करना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है एंड इट रन द हैवी मशीन। और सिलिकॉन जो यूज किया जाएगा वो क्या है, एक पोल्यूटेंट के तौर पे, तो क्योंकि उसको बाद में डिस्पोज करना पड़ेगा तो वो भी एक हमारे पोल्यूटेंट के तौर पे है और जो पोल्यूशन क्रिएट करेगा और हमारे एनवायरनमेंट पे उसका बैड इंपैक्ट पड़ सकता है। इसके बाद जो दूसरी एनर्जी आएगा दैट इज अ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी एक काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली जो है वो क्या होता है, जब एटमोस्फेरिक जो विंड होती है जब वो क्या करती है आपके रोटेट करती है, उनमें मूवमेंट होती है, तो उनके मूवमेंट की वजह से जो है टर्बाइन जो है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं किसको, एनर्जी को इन द विंड। जो विंड के अंदर जो एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी के अंदर वो क्या करते हैं, मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करते हैं। फिर मैकेनिकल पावर की वजह से जो है वो टरबाइन जो है वो क्या होंगे, रोटेट होंगे और उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है। तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, विंड एनर्जी। विंड फार्म दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका ऑनशोर, जमीन के ऊपर आपने जो विंड फार्म बना दिया उसको बोलते हैं ऑनशोर, और जो पानी के ऊपर जो विंड फार्म होता है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, ऑफशोर। आपने कई बार जो है वो देखा होगा कुछ ब्लेड्स, तीन ब्लेड्स आपने देखे होंगे, एक पोल होगा उसके ऊपर तीन ब्लेड्स जो है वो पवन चक्की जिसको हिंदी के अंदर हम लोग बोलते हैं, तो आपने ओपन एरिया के अंदर ये देखी होंगी। तो उसमें कहता है जब विंड चलती है वो पवन चक्की जो है उसके तीन ब्लेड होते हैं, ठीक है, और वो घूमते हैं। जब वो रोटेट होते हैं उनके रोटेट होने पर जो है वो क्या होता है, नीचे हमने अल्टरनेटर लगा रखा होता है, तो एक जनरेटर जो है वो क्या रोटेट होता है, वो आपका चार्ज होगा, फिर उसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है। जैसे राजस्थान के अंदर जो है एक जगह है क्या बोलते हैं उसको, हर्षनाथ महादेव, तो वहां पे जो है जब आप वहां मंदिर में विजिट करोगे तो वहां देखना पवन चक्की लगा रखी है, क्योंकि वो थोड़ी सी हाइट पे और वहां पे हवा थोड़ी ज्यादा चलती है, तो जब हवा चलती है तो वो जो जो बेसिकली ब्लेड्स हैं वो क्या होते हैं, रोटेट होते हैं। ओके। रोटेट होने पर जो है नीचे जनरेटर लगा होता है, फिर वो जो है वो चलता है, उसकी जब जनरेटर चलेगा टर्बाइन चलेंगे इधर, उसके बाद में जो है वो क्या क्या करेगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। बट स्टिल आपको इतने डेप्थ में जाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सीधा समझो विंड एनर्जी जो है वो क्या, विंड एनर्जी है एक काइनेटिक एनर्जी जो जुड़ी हुई है के साथ में मूवमेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक विंड के साथ में। यहां पे जो है हम क्या करते हैं, जब हवा की वजह से टरबाइन जो है वो क्या होंगे, रोटेट होंगे, टरबाइन चलेंगे, और जिसकी वजह से जो है वो क्या होगा, विंड को हम कन्वर्ट कर देंगे मैकेनिकल पावर में, और उसके उसके थ्रू हम लोग जो है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम करेंगे। विंड फार्म दो तरह के, पानी के अंदर जो है उसको बोलेंगे ऑफशोर, जो जमीन पे उसको बोलते हैं ऑनशोर। ठीक है जी। अब जो मेन वेरिएबल है विंड एनर्जी में वो तीन होते हैं, ये बात ध्यान रखना, एक है विंड की स्पीड, एक है ब्लेड का रेडियस और एक कौन सा, एयर डेंसिटी। विंड की स्पीड, स्ट्रोंगर द विंड, जितनी ज्यादा हवा चलेगी उतना ही ज्यादा जो है एनर्जी प्रोड्यूस होगी। दूसरा, ब्लेड का रेडियस, जितना ब्लेड जो है वो क्या होंगे, लार्जेस्ट होंगे, द लार्जर द रेडियस ऑफ द ब्लेड उतनी ही एनर्जी वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। और तीसरा, एयर डेंसिटी। एयर डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो जितनी हैवियर एयर होगी वो एग्जर्ट करेगी मोर लिफ्ट ऑन ए रोटर, ये बात ध्यान रखना। अब दो के जो है वो विंड टरबाइन होते हैं, एक तो आपने देखा होगा ऐसे पोल लगा होगा और तीन यहां पे ब्लेड होंगे और वो ऐसे ऐसे घूमेंगे, और एक होता है जिसको बोलते हैं वर्टिकल, उसमें क्या होगा, पोल होगा, पोल के ऊपर जो है एक ऐसे चक्री होगी और फिर वो घूमेगी। ठीक है।
तो एक तो जैसे मान लो आपका पंखा हो गया, पंखा जो है अपना ऐसे लगता है, ये मान लो पंखा लगा हुआ है और यहाँ पे तीन जो है वो क्या है आपके पास में उसके पंखे पंखड़ियाँ हैं, तो वो ऐसे ऐसे घूमती हैं, एक तो ये हो गया। और अगर पंखे को इस तरीके से कर दें, जब हम कई बार आपने पुराने पीवीआर के अंदर देखा होगा तो इस तरीके से लगा होता है, तो एक ये सिस्टम होता है। तो यहाँ पे एक तो हॉरिजॉन्टल ब्लेड है जिसमें तीन ब्लेड होंगे जो स्पिन करेंगे अपविंड ऑफ द टावर, और जो वर्टिकल है उसके अंदर जो है वो क्या होगा, वर्टिकल एक्सिस टर्बाइन हैज अ वर्टिकल ब्लेड होते हैं जो रोटेट करेंगे इन और आउट ऑफ द विंड, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। खैर क्लासेस में आपको बताया था मैंने। अब पोटेंशियल जो है वो क्या है, अपना टारगेट 2022 तक का जो है वो कितना है, 200 गीगावाट जो है हम लोग जो है वो विंड एनर्जी जो है वो क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। और इंस्टॉल कैपेसिटी अलग अलग उसकी स्टेट्स की बता रखी है। इसके लिए जो है अपने इंडिया के अंदर जो है वो नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी 2015 भी जो है वो क्या करी, गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, जिसका मेन उद्देश्य एक है कि हम लोग जो है वो क्या करेंगे, विंड की मदद से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम करेंगे। एडवांटेज जो है वो क्या है, इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है विंड एनर्जी। दूसरा, नो पॉल्यूशन एंड टाइमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तीसरा, पॉसिबिलिटी है लार्ज स्केल लेवल पे प्रोडक्शन हो सकता है और डायरेक्ट यूज आप कर सकते हो मैकेनिक एनर्जी का, एंड लैंड अराउंड द विंड टर्बाइन उसको जो है अदर पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इसका जो लिमिटेशन है, पहला स्टोरेज जो है वो थोड़ी सी क्या है, इसके लिए एक्सपेंसिव होती है। दूसरा, विंड जो है वो क्या अनसर्टेन है, कभी चलेगी कभी नहीं, तो अपना काम रुक जाएगा। तीसरा, विजुअल एस्थेटिक इंपैक्ट इज नॉट गुड, जब आप उन टर्बाइन को देखोगे आपको चक्कर आ जाएंगे, ये टर्बाइन बोलो जो ब्लेड्स होते हैं, तो जब आप उनको कंटिन्यू देखोगे तो जब आप विजुअली उनको देखते हो तो आपको चक्कर आना शुरू हो जाएगा। आगे, लार्ज ओपन एरिया रिक्वायर्ड फॉर सेटअप द विंड फार्म। नॉइस पोल्यूशन होता है क्योंकि जब वो घूमती है तो नॉइस पोल्यूशन होता है, और पॉसिबल थ्रेट है वाइल्ड लाइफ को भी, एंड हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। इसके बाद आएगा जी हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर की अगर हम बात करते हैं, हाइड्रो पावर क्या, जब पानी की मदद से हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम करें उसको बोलते हैं हम लोग क्या, हाइड्रो पावर। तो हाइड्रोलिक पावर कैन बी कैप्चर व्हेन वाटर फ्लो, जब वाटर का फ्लो जो है वो डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड फ्लो में हाई है, जब ऊपर के लेवल से नीचे हम पानी को गेरेंगे वो पानी पड़ेगा टर्बाइन पे, टर्बाइन से रोटेट होंगी और रोटेट होने पर जो है इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, हाइड्रो पावर। तो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक पावर कैन बी कैप्चर व्हेन वाटर का फ्लो होता है डाउनवर्ड फ्रॉम राइट हाइयर लेवल से लोअर लेवल, विच इज देन यूज टू टर्न द टर्बाइन, देयर बाय कन्वर्टिंग द काइनेटिक एनर्जी जो है वाटर की उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उसकी वजह से जो है वो जनरेटर ड्राइव करता है। ठीक है, टाइप ऑफ हाइड्रो पावर जो है वो तीन तरीके, एक तो है इंपाउंडमेंट। इंपाउंडमेंट जो है वो क्या होता है, हम लोग इंपाउंड कर लेंगे पानी को एक जगह पे, बहुत सारे पानी को स्टोर कर लेंगे, जैसे डैम के अंदर आपने देखा होगा, तो उसको बोलते हैं इंपाउंडमेंट। डैम बना के भी जो है वो पानी से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। दूसरा है डाइवर्जन, जैसे मान लीजिए क्या है कि आपकी नहर आ रही है तो हम उसका जो वे है वो डाइवर्ट कर देंगे, जब वे डाइवर्ट होगा तो उसका फ्लो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब फ्लो बढ़ेगा तो उससे वो एकदम पानी जो है वो टर्बाइन के ऊपर पड़ेगा, तो टर्बाइन उसमें रोटेट होना शुरू हो जाएंगे और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और तीसरा और है, वो है वो क्या है, पम्प्ड स्टोरेज। तो आपको मैंने बताया था इसके अंदर जो है वो क्या करते हैं, पहले पानी नीचे गिरेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और अगर मान लो अपने को उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम लोग उसी पानी को ऊपर चढ़ाएंगे, ताकि जब अपने को रिक्वायरमेंट होगी तो पानी को दोबारा नीचे गिर के टर्बाइन को चला के और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाए। पूरा मैकेनिज्म क्लासरूम के अंदर आपको मैंने चार्ट दिखा के करवाया था, बट स्टिल अभी ये बात ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोलिक पावर, हाइड्रोलिक एनर्जी के अंदर बेसिकली तीन तरीके से हम इस मैकेनिज्म को देखते हैं, एक है आपका इंपाउंडमेंट, सेकंड इज द डाइवर्जन, एंड थर्ड इज द पम्प्ड स्टोरेज। इसके अलावा स्मॉल हाइड्रो पावर जो है ये भी लगी हुई है, तो इनका जो मैक्सिमम जो कैपेसिटी है और इंस्टॉल कैपेसिटी वो लगभग 25 मेगावाट की होती है, बाकी इसमें ज़्यादा मत्था मारने का रिक्वायरमेंट नहीं। अब आएगा जी आपका ओशियन, ओशियन थर्मल एनर्जी की बात करें तो ये बेसिकली सोलर एनर्जी, देखो लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी जो है वो स्टोर होती है कहाँ पे, ओशियन और सीज के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली जो है वो दो तरीके से हम एनर्जी को जो है वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, एक तो होता है वेव एनर्जी, ठीक है, लहरों की वजह से, और एक होता है कौन सा, टाइडल एनर्जी। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने इसमें कुछ आपको नोटिंग जो है वो भी करवाई थी, जस्ट ए मोमेंट। ये रहा, अब देखो इसके अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो क्या करते हैं, समझो एक बात, बोलता है लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी जो है वो स्टोर होती है कहाँ पे, ओशियन और सीज के अंदर, क्योंकि आपका जो सोलर की जो रेज है वो सीधा डायरेक्टली जो हो जाती है कहाँ पे, ओशियंस में। ऑन एन एवरेज 60 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द ट्रॉपिकल सीज एब्जॉर्ब करता है सोलर रेडिएशन को, इक्विवेलेंट टू द हीट कंटेंट ऑफ 245 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। द प्रोसेस ऑफ हार्नेस दिस एनर्जी, इस एनर्जी को क्या करना, हार्नेस करना, निकालना, उस प्रोसेस को बोलता है OTEC, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। इट यूज द टेम्परेचर, ये क्या करता है, टेम्परेचर डिफरेंस को इस्तेमाल करता है बिटवीन द सर्फेस ऑफ द ओशियन एंड द डेप्थ
ऑफ अबाउट 1000 मीटर टू ऑपरेट ए हीट इंजन। हीट इंजन को क्या करने के लिए? ऑपरेट करने के लिए, जो प्रोड्यूस करता है बाद में किसको? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक पावर को। तो बस आप ये बात ध्यान रखिए, ओशन थर्मल एनर्जी के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, ओशंस को, ओशंस से एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो है वो क्या करेंगे, काम करेंगे। वो दो तरीके से होगा, एक तो होगा विंड एनर्जी, आपका वेव एनर्जी, ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या है, टाइडल एनर्जी, ठीक है। तो वेव तो आपका लहरें होगी, ठीक है, उनकी वजह से भी, उनकी मदद से हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम करेंगे। और दूसरा जो है वो टाइडल, जो ज्वार भाटा होता है उसकी वजह से भी जो है हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। इसके बाद आएगा जी बायोमास। बायोमास सिंपल सी बात है, बस बायोमास जो है वो क्या, बायोमास से हम लोग जो है वो बायोगैस को क्या करते हैं, कन्वर्ट करने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग। तो केमिकल जो प्रोसेस है वो तीन तरीके का होता है यहाँ पे, एक तो होता है आपका गैसिफिकेशन का, एक होता है कंबशन का, और एक होता है कौन सा, पायरोलिसिस का। तो ये तीनों बातें जो है इसके लिए आप थोड़ा ध्यान करके जाना। तो बेसिकली क्या था कि बायोमास के लिए हम लोग काउ डंग को और वाटर को जो है वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं एक जगह पे, और फिर वहाँ पे जो है वो एक कंड्यूट जो है वो कर देंगे, तो फिर वहाँ से गैस निकलनी, एक तरफ से जो है आपका पानी निकलना शुरू हो जाएगा, एक तरफ से गैस निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ से जो है हम लोग क्या करते हैं, बायोमास को यूज़ कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, आपकी बायो गैस के अंदर। ये बात थोड़ा ध्यान रखना। तो तीन वे है, तीनों का बस नाम नाम पढ़ के जाना, क्योंकि पेपर में अगर आएगा तो नाम आएगा। तीन है कौन कौन से, एक है गैसिफिकेशन के थ्रू हम लोग जो है वो बायोगैस को कन्वर्ट निकालने का काम करते हैं, एक है कंबशन, और एक कौन सा है, पायरोलिसिस। बायोमास के बाद में अगला जो आएगा डेट इज द न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली जो है वो क्या है, देखो आपको मालूम है एनर्जी को हम डिनोट करते हैं ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ऐसा करते हैं हम लोग। एम जो है वो क्या होता है, मास है, ठीक है। सी जो है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है जी। अब यहां पे न्यूक्लियर एनर्जी में हम लोग जो है वो क्या करते हैं, सोर्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस, जो आपका न्यूक्लियस है उसका जो मास है वो बेसिकली जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी का जो है वो क्या है, सोर्स है। एंड एनर्जी जनरेटेड ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर रिएक्शन इज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ मास इनटू द एनर्जी। जब मास को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में, तो वहां से जो है इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है। दो तरीके हैं न्यूक्लियर एनर्जी को निकालने के, एक तो होता है आपका न्यूक्लियर फिजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन में हम लोग जो है वो क्या करते हैं, एक बड़े यूरेनियम या ये प्लूटोनियम या थोरियम को हम स्प्लिट अप करते हैं इनको स्मॉलर पार्ट में, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, न्यूक्लियर फिजन। एक बात याद करके जाना, न्यूक्लियर फिजन के अंदर जो है आपकी जो एनर्जी है उसका क्या होता है, लॉस होता है। क्योंकि जब 1000 मान लो एग्जांपल के तौर पे 1 किलो का मान लो यूरेनियम है, उसको जब मैं स्प्लिट करूंगा 400 ग्राम में जब वो आएगा, तो 200 ग्राम जो है वो क्या हो जाएगा, आपका वेस्ट हो जाएगा। तो न्यूक्लियर फिजन के अंदर जो है हम लोग क्या करते हैं, एक हैवी रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होता है उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं छोटे 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 आपके स्मॉल न्यूक्ली के अंदर, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो क्या होता है, ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्यूजन ऑफ टू लाइट एलिमेंट, दो अलग अलग लाइट एलिमेंट को जब हम कंबाइन करते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। दोनों की मदद से हम लोग जो है वो क्या करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इसको बनाना थोड़ा सा जो है वो ये क्लीन तरह की है, लेकिन इसको बनाना जो है वो थोड़ा सा क्या होता है, इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर कई बार आ जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद में आएगा जी आपका कोजनरेशन। कोजनरेशन का मतलब क्या होता है, जब एक फ्यूल से दो तरह की एनर्जी को हम जनरेट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोजनरेशन। तो कोजनरेशन इज प्रोड्यूसिंग टू फॉर्म ऑफ एनर्जी, दो तरह की एनर्जी को प्रोड्यूस करना फ्रॉम वन फ्यूल, एक फ्यूल से। ऐसा नहीं है कि दो फ्यूल मिलाकर के एक एनर्जी प्रोड्यूस करना, ना, एक ही फ्यूल से दो तरह की एनर्जी प्रोड्यूस करना इज नोन एज अ कोजनरेशन। लेकिन यह बात ध्यान रखना, एक तरह का जो होगा वो हमेशा क्या होगी, हीट होगी। वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द एनर्जी मस्ट बी ऑलवेज बी हीट एंड द अदर में भी, और दूसरी कोई भी हो सकती है लाइक इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिकल एनर्जी एक्सेट्रा। इन ए कन्वेंशनल पावर प्लांट फ्यूल जो है वो बर्न होता है, फ्यूल जो है उसको बर्न करेंगे बॉयलर के अंदर, जो जनरेट करेगा हाई प्रेशर स्टीम। ये स्टीम को हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्या करने में, टर्बाइन को रोटेट करने में, विच इन टर्न ड्राइव ए अल्टरनेटर, और जिसकी वजह से जो है वो अल्टरनेटर जो है, अल्टरनेटर वो क्या होगा, ड्राइव करेगा थ्रू ए स्टीम टर्बाइन टू प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रिक पावर। जो एग्जॉस्ट स्टीम होती है इज जनरली कंडेंस्ड टू वाटर विच गोज बैक टू द बॉयलर, और जो एग्जॉस्ट स्टीम है वो दोबारा से बॉयलर में चली, ठंडी होगी दोबारा से बॉयलर में चल जाएगी, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, को जनरेशन। तो को जनरेशन इज द बेसिकली क्या है, को जनरेशन इज प्रोड्यूसिंग द टू फॉर्म ऑफ एनर्जी, दो तरह की एनर्जी को प्रोड्यूस करना एक सिंगल फ्यूल से। लेकिन ये याद रहे कि एक तरह की एनर्जी हमेशा जो है वो जनरली क्या होगी, हीट होगी, उसको बोलते हैं को जनरेशन। को जनरेशन के बाद में है जियोथर्मल। आ जाओ जी जियोथर्मल, कहाँ गया अबे, ये रहा जियोथर्मल। बेसिकली जो है वो क्या है, जियोथर्मल एनर्जी जो है इसका मतलब है जब हम हार्नेस करते हैं जियोथर्मल एनर्जी और द वास्ट रिजर्वायर ऑफ द हीट स्टोर्ड इन द अर्थ की इनर कोर, जो अर्थ की इनर कोर है वो गर्म हो जाती है,
क्योंकि जो हमारा जो कोर से ऊपर अपनी क्या होता है मेंटल होता है ओके, जैसे कि सबसे ऊपर बाहरी परत तो क्रस्ट हो गया, क्रस्ट के अंदर मेंटल और मेंटल के अंदर जो है वो क्या होती है कोर होती है सबसे इनर कोर। अब वो कोर जो है वो गर्म कैसे कि आपका जैसे ये यूरेनियम है थोरियम है तो ये क्या होता है पिघलना ये मेंटल ये लावा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे ओके। तो इसकी वजह से कोर जो है जो आपकी कोर है वो क्या हो जाएगी गर्म हो जाएगी ठीक है, और वहां पर जो पानी होगा वो स्टीम में कन्वर्ट होना फिर क्या हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा। जैसे देखते हैं जियोथर्मल एनर्जी ठीक है, इट रेफर टू हार्नेस करना जियोथर्मल एनर्जी को या वास्ट रिजर्वायर को ऑफ द हीट स्टोर्ड इन द अर्थ इनर कोर बिलो द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के नीचे देयर इज अ लेयर ऑफ हॉट एंड मोल्टन लावा जिसको बोलते हैं मैग्मा लावा बोलते हैं उसको, हीट इज कंटिन्यू प्रोड्यूस देयर और वहां से हीट लगातार प्रोड्यूस होती है एंड मोस्टली फ्रॉम द डीके ऑफ द नेचुरल रेडियोएक्टिव मटीरियल सच एज यूरेनियम और पोटेशियम। जो मोस्ट करंट वे है कैप्चर करने का एनर्जी को फ्रॉम द जियोथर्मल सोर्स इज टू ट्रैप द नेचुरली अकरिंग हाइड्रोथर्मल कन्वेक्शन सिस्टम जहां पे कूलर वाटर सीव्स इनटू द एयर अर्थ क्रस्ट, जो कूलर वाटर ठंडा पानी जो है वो अर्थ क्रस्ट में आपका जाएगा और वहां पे क्या हो जाएगा गर्म हो जाएगा। जब वो गर्म होगा तो सर्फेस को पूरा क्या करता है गर्म कर देगा। वेन जब हीटेड वाटर को सर्फेस पे लेके आएंगे तो वहां पे उस स्टीम को कैप्चर करना थोड़ा सा हमारे लिए ईजी हो जाएगा और उस स्टीम से जो है वो क्या होगा आपका जो जनरेटर है वो रन होंगे और जनरेटर रन होने पर जो है वो क्या होगा बोलो सर, अगर जनरेटर रन होंगे तो फिर हमारा जो है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने का काम हो जाएगा। तो एक तरीका होता है कौन सा आपका जियोथर्मल ठीक है, बस इसकी जनरेशन कॉस्ट थोड़ी सी जो है वो क्या होती है हमारे लिए हाई होती है ये ध्यान रखना। तो ग्राउंड वाटर होता है बेसिकली जैसे जो हॉट मैग्मा है उसकी वजह से जो है वो क्या होगा जो आपका ग्राउंड वाटर है वो गर्म हो जाएगा। जब ग्राउंड वाटर गर्म होगा तो स्टीम जो है निकलनी शुरू होगी, जो स्टीम निकलेगी उसकी वजह से हम स्टीम को चैनलाइज कर देंगे और स्टीम को जब हम चैनलाइज करते हैं तो उसकी वजह से बेसिकली जो है आपके जनरेटर रन होगा, जनरेटर रन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी प्रोड्यूस होती है ठीक है जी। और इसके बाद में जो लास्ट तरह का है, अब इसके कुछ जो हमारे ड्रॉबैक्स थे वो एक बार देख लो। सबसे पहला जो ड्रॉबैक था वो तो ये है जनरेशन कॉस्ट बहुत ही क्या है इसकी हाई होती है, दूसरा ड्रिलिंग कॉस्ट जब हम खड्डा करेंगे स्टीम निकालने के लिए वो भी थोड़ी हाई होती है, तीसरा ट्रांसमिशन बैरियर वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा फिर उसको एक जगह दूसरी जगह पे भेजना है वो एक बैरियर्स है, और फिर असेसिबिलिटी जो है सम एरिया कुछ ऐसा होता है जहाँ पे हॉट रॉक्स होते हैं तो वहाँ पे इसको निकालना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि उनको तोड़ना फिर वो थोड़ा सा क्रिटिकल काम हो जाएगा, एंड एग्जीक्यूशन जो है वो भी क्या है इसका थोड़ा सा चैलेंजेस है ठीक है। फिर है जी आपका फ्यूल सेल, लास्ट जो है वो डेट इज अ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल बेसिकली जैसे आपका H2 हो गया ठीक है, ये आपका CH4 हो गया, मीथेन हो गया, तो फ्यूल सेल आपके क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रोड्स होती हैं, दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच में आपका फ्यूल सेल पाया जाएगा बेसिकली, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इलेक्ट्रोड्स की मदद से ठीक है। तो ये बेसिकली है क्या, देखो फ्यूल सेल आर द इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस, फ्यूल सेल जो है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है किसको केमिकल एनर्जी, फ्यूल के अंदर जो केमिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करेगा डायरेक्टली एंड वेरी इफेक्टिवली इनटू द इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट दस डूइंग अवे द कंबशन। आगे वेरी सुटेबल फ्यूल फॉर जो है इसके लिए वो क्या है हाइड्रोजन और ए मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग द हाइड्रोजन। आगे फ्यूल सेल कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सैंडविच, फ्यूल सेल में क्या होगा एक इलेक्ट्रोलाइट सैंडविच होगी बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स होगी उसके बीच में क्या होगा जैसे सैंडविच होती है ना ऊपर भी ब्रेड नीचे भी ब्रेड, उसी तरीके से दो इलेक्ट्रोड्स होंगी उसके बीच में क्या होगा फ्यूल सेल होगा। ऑक्सीजन जो है वो पास होगी ओवर वन इलेक्ट्रोड एंड हाइड्रोजन जो होगा एक इलेक्ट्रोड से ऑक्सीजन जाएगा दूसरे से क्या जाएगा हाइड्रोजन जाएगा और वो आपस में क्या करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकली रिएक्ट करेंगे टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड द हीट। तो इसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग क्या फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल के अंदर बेसिकली हम ये अल्कनाइन जो फ्यूल सेल होता है इसको भी हम लोग जो है वो यूज करते हैं, बस एक बात ध्यान रखना जो भी फ्यूल सेल होगा उसके अंदर जो है हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। तो एक इलेक्ट्रोड से आप हाइड्रोजन डालोगे और दूसरे इलेक्ट्रोड्स के अंदर जो है बेसिकली कोई दूसरा जो फ्यूल आपका जो केमिकल है वो क्या होगा रोटेट होगा फिर उसकी वजह से जो है वो क्या होगा केमिकली आप इनका कंबशन करेंगे और फिर वहां से जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। आप गवर्नमेंट का 2022 का जो बजट है जो टारगेट है वो थोड़ा सा देख लो एक बार, रिन्यूएबल कैपेसिटी पावर कैपेसिटी का जो टारगेट है विंड पावर का है आपका 60 मेगावाट का, दूसरा सोलर पावर का 100 मेगावाट का, बायोमास का 10 और स्मॉल हाइड्रो पावर का कितना 5। तो अभी ये याद करके जाना कि गवर्नमेंट का 2022 का जो टारगेट है वो कितना है 175 मेगावाट का
लो जी, ये तो हो गया जी आपका क्या एनर्जी वाला। अब आएगा चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर मिटिगेशन स्ट्रेटजी। सबसे पहले तो ये हजार्ड्स क्या होता है, हजार्ड होता है कोई भी जोखिम, और हजार्ड्स की वजह से जो है वो क्या आएगा, डिजास्टर आएगा। ठीक है जी, तो डिजास्टर क्या, एक सीरियस डिस्ट्रप्शन होता है ऑफ द फंक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिससे सोसाइटी की जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। वाइड स्प्रेड ह्यूमन मटेरियल और द एनवायरमेंटल लॉस होगा जो विच एक्सीड द एबिलिटी ऑफ द अफेक्टेड सोसाइटी टू कोप अप यूजिंग इट्स ओन रिसोर्स। ठीक है जी, अब ये बस बात ध्यान रखना कि हजार्ड और डिजास्टर के अंदर जो है डिफरेंस क्या है, हजार्ड एक थ्रेट है और डिजास्टर जो है मतलब जबकि डिजास्टर जो है वो क्या है, एक इवेंट है। तो बेसिकली जो हजार्ड है वो कंसीक्वेंस है, हजार्ड का जो कंसीक्वेंस है वो क्या होगा जी, आपका डिजास्टर होगा। अब हजार्ड कितने तरह के हैं, तीन तरह के, एक होता है नेचुरल, ये होता है नेचर की वजह से, तो दीज आर कोज बाय द फोर्सेज ऑफ द नेचर, तो नेचर की वजह से जो डिजास्टर्स आ गया उसका बोलते हैं नेचुरल हजार्ड, जैसे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड, ड्रोट, ये सब। एक होता है मैन मेड, जो अनडिजायरेबल एक्टिविटी ऑफ मैन की वजह से आता है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, मैन मेड, जैसे एक्सप्लोजन कर दिया मान लो पहाड़ को, वहां पे डायनामिट लगा के उड़ा दिया, ठीक है, या टॉक्सिक वेस्ट जो है वो क्या हो गया, लीक हो गया, या पोल्यूशन हो गया एयर वाटर, तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, मैन मेड। और तीसरा जो है वो क्या है, सोशियो नेचुरल हजार्ड्स, ये दोनों की वजह से है, इसमें कंबाइंड इफेक्ट आएगा नेचुरल फोर्सेस का भी और किसका, मिसलीड ऑफ द मैन का भी, तो इसको बोलते हैं आप क्या, सोशियो नेचुरल हजार्ड। जैसे मान लो हम लोगों ने जो है वो क्या किया, डैम बना लिया, ठीक है, और ऊपर से बरसात भी तेज आ गई तो वो डैम टूट गया, अब दोनों की वजह से हुआ वो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, सोशियो नेचुरल हजार्ड्स। एक एक करके पढ़ेंगे, सबसे पहले आएगा जी आपका अर्थक्वेक। देखो आप लोगों को मालूम है अर्थ की जो सबसे ऊपर की जो प्लेट होती, अर्थ के सबसे ऊपर की जो परत है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, आपका क्रस्ट। क्रस्ट के अंदर होगा मेंटल, और मेंटल के अंदर जो है वो क्या होता है जी, आपका कोर होता है, ओके। अब जो अर्थ की जो ऊपरी परत है वो कई सारी टेक्टोनिक प्लेट्स को मिला करके बनी होती है, वो टेक्टोनिक प्लेट्स कुछ इस तरीके से, जब उनका डिसअरेंजमेंट हो जाता है, जब वो आपस में टकरा जाए या उनका डिसअरेंजमेंट होता है, तो उसकी वजह से जो है क्या होगा, अर्थ को झटके आएंगे, ठीक है, उसको ट्रिमर्स बोलते हैं, और वो ट्रिमर्स को ही बेसिकली जो है हम लोग बोलते हैं क्या, अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक जो है वो क्या, एक वायलेंट ट्रिमर है इन द अर्थ में, अर्थ क्रस्ट सेंडिंग आउट ए सीरीज ऑफ द शॉक वेव्स इन ऑल द डायरेक्शन फ्रॉम इट्स फोकस और द प्लेस ऑफ ओरिजिन, ओके। अब ये जो है वो क्या है, बेसिकली इन अदर वर्ड्स अर्थक्वेक जो है वो झटके हैं विच आर प्रोड्यूस बाय द पैसेज ऑफ वाइब्रेटरी वेव्स थ्रू द रॉक ऑफ द अर्थ। इफ यू थ्रो ए स्टोन, अगर आप जो है एक स्टिल वाटर है मान लो, ठीक है, तालाब के अंदर पानी, अगर आप वहां पे जो है वो क्या करो, पत्थर मारोगे, तो उस जब पत्थर जहां पे गिरेगा ना, तो वहां से उसकी जो वेव है वो हर जगह चारों तरफ जो है वो क्या होगी, फैल जाएंगी। तो यही बोलते हैं कि इफ यू थ्रो ए स्टोन इन द पोंड ऑफ स्टिल वाटर, ए सीरीज ऑफ कंसेंट्रिक वेव आर प्रोड्यूस ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, दीज वेव स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन, ये जो वेव है वो चारों डायरेक्शन में जो है स्प्रेड आउट हो जाएंगी फ्रॉम द पॉइंट वेयर द स्टोन स्ट्राइक द वाटर। सिमिलरली एनी सडन डिस्टर्बेंस, इसी तरीके से अगर कोई भी सडन डिस्टर्बेंस होती अर्थ क्रस्ट में, तो उसकी वजह से वाइब्रेशन आएगी किसमें, क्रस्ट में, जो ट्रेवल करेगी सभी डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, और जो प्लेस ऑफ ओरिजिन होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फोकस, ठीक है। जो वेव जनरेट होती है अर्थक्वेक की उसको बोलते हैं सेस्मिक वेव्स, ये बात थोड़ा ध्यान रखना, और इसको हम लोग नापते हैं विद द हेल्प ऑफ द सिस्मोग्राफ की मदद से, ठीक है जी। अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है उसको नापने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ, ठीक है, और वो उसका एक स्केल दिया गया 0 से लेकर 9 का, और उस स्केल को देने वाले जो थे वो पर्सन कौन था, चार्ल्स फ्रांसिस रिचर, और इसने इसके जो स्केल को बोलते हैं हम लोग क्या, रिचर स्केल, थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद है ये बता रखा है कि कौन कौन सा कैसे कैसे है। अब अर्थ का क्यों आएगा, तो उसके पीछे जो है वो चार रीजन, सबसे पहला वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का विस्फोट होगा। अगर मान लो जैसे कई बार क्या होता है कि आपकी अर्थ क्रस्ट जो है बेसिक जो मेंटल है जो वो गर्म हो जाएगी, तो वो कोर को चीर के और जो है वो क्या होगा, जो गैसेस जो है वो निकलनी शुरू हो जाएंगी बहुत जोर से जो है, और वहां पे एक होल बन जाएगा, तो वो जो गैसेस इरप्शन होती है तो उसकी वजह से जो है वो क्या होगा, प्लेट्स हिल जाती हैं और उसकी वजह से अर्थक्वेक आ जाता है। तो एक तो है जी आपका वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है, दूसरा फोल्टिंग, कई बार क्या होगा जो अर्थ क्रस्ट है उसमें फ्रैक्चर हो जाए, वो टूट जाएंगी, अब जब क्रस्ट टूट जाएंगी तो नेचुरल मतलब डिसअरेंजमेंट होगा, उसकी वजह से भी जो है वो क्या हो जाएगा, भूकंप आ जाता है। तीसरा जो है वो प्लेट टेक्टोनिक्स, तो जो प्लेट्स हैं वो मूव होती रहती हैं और जब मूव होंगी तो डिसअरेंजमेंट होगा, वो भी एक कारण है। और चौथा जो है वो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, इसकी वजह से भी कई बार होता है, जैसे हम लोग लगातार माइनिंग कर रहे हैं, जब माइनिंग कर रहे हैं तो हम वहां पे मान लो हमने खदान में जाके और कोई बम बूम से जो है उसको उड़ा दिया, तो उसकी वजह से भी कई बार एक्सप्लोजन की वजह से भी जो है वो क्या होता है, प्लेट्स में डिसअरेंजमेंट होता है और उस एरिया के अंदर जो है भूकंप आ सकता है। अब एनवायरमेंटल इफेक्ट तो सिंपल था, पैनिक हो जाएगा पहले तो चारों तरफ, दूसरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है पूरी तरह से ठप हो जाएगा, लोग मर भी सकते हैं, कैजुअलिटी हो सकती है, पब्लिक हेल्थ पर बैड इंपैक्ट पड़ेगा, सिविक सर्विसेज आपकी सारी की सारी बंद हो जाएंगी, फिजिकल डैमेज हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी
कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो पूरी तरह से ठप हो जाएंगी। मिटिगेशन की स्ट्रेटजी आपको बता रखा है, आप रिलीफ और रेस्क्यू आप कर सकते हैं, अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर बनाए ताकि अगर भूकंप आता भी है तो आपके ऊपर बैड इंपैक्ट ना पड़े। बिल्डिंग बायलॉज आपको बनाना चाहिए और सारी बिल्डिंग जो है वो उन्हीं कानून को जो है वो क्या करे, फॉलो भी करे, और पब्लिक अवेयरनेस भी आप लोग जो है वो फैलाएंगे। इसके बाद आएगा सुनामी। सुनामी की अगर बात करते हैं, देखो सुनामी की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में टकराएंगी तो भूकंप तो हर जगह आएगा, समुद्र के अंदर भी आएगा, और जब समुद्र के अंदर भी आएगा भूकंप तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे पानी का डिसअरेंजमेंट होगा। अब जैसे मैं एक बार ये देखो, आप ये देख रहे हो फर्स्ट के अंदर, आप देखो ये अर्थक्वेक हुआ, जब ये क्रस्ट थी ऐसे जुड़ी हुई थी, जब ये टूट गई तो ऐसे ऊपर नीचे हो गया, तो पानी जो है वो क्या होगा, डिसअरेंज हो जाएगा, और जब पानी डिसअरेंज होगा तो ऐसे भिड़ेगा, भिड़ेगा तो वो पानी ऊपर जाएगा। अब जब पानी ऊपर जाएगा अब होगा क्या, मतलब वो वर्टिकल जा रहा है लेकिन ग्रेविटी उसको क्या करेगी, खींचती है। अब पानी जो ऊपर जा रहा था ग्रेविटी ने उसको खींचा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो वो पानी नीचे आएगा, और जब वो फोर्स से नीचे आएगा तो वो फैल जाएगा, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी लहरें जनरेट होंगी और फिर क्या आ जाएगी, सुनामी आ जाएगी। अपने इंडिया में तो हम लोग जो है वो इसको क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं जनरली, लेकिन बाहर और भी इसके जो है वो नाम है, लेकिन जनरली पे चलो हम तो यहीं की बात कर रहे हैं। पहले एक बार सुनामी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मैंने बताया भी है, ये देखो जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में क्या होती है, टकराती है तो भूकंप आता है, तो ये लहरें जो है वो क्या, वर्टिकल जाएंगी, जब ये लहरें वर्टिकल जाएंगी लेकिन ग्रेविटी इनको नीचे खींचेगी, और तो ये जो है वो क्या होंगे, फैल जाएंगी, और जिसकी वजह से जो है वो क्या आ जाएगा, सुनामी आ जाएगा। सुनामी बेसिकली दो वर्ड से बना, एक है सू और एक है नामे। सू का मतलब क्या है, हार्बर जो बंदर का, और नामे का मतलब क्या है, वेव। तो सुनामी एक ओशन वेव है बेसिकली, ठीक है, सुनामी क्या है, एक ओशन वेव है, एक लहर है जो प्रोड्यूस होती है बाय द इवेंट ऑफ द एट द सी, सी के अंदर जो है वो प्रोड्यूस हुई, लाइक एन अर्थक्वेक, आगे लैंडस्लाइड और वोल्केनिक इरप्शन। फॉर्मेशन जो है सुनामी का तीन वे है, पहला तो अर्थक्वेक, आपको बता दिया जब भूकंप आएगा तो भूकंप के कारण क्या होगा, भूकंप के कारण बेसिकली जो है प्लेट्स हिलेंगी तो पानी ऊपर जाएगा लेकिन ग्रेविटी नीचे खींचेगी तो लहरें बन जाएंगी और उसकी वजह से आसपास का सारा एरिया वो क्या कर देंगी, खत्म कर देंगी। दूसरा जो है वो क्या है जी, एक रीजन आपका लैंडस्लाइड, कई बार लैंडस्लाइड होता है तो जब लैंडस्लाइड होती है तो भी आपका जो है पानी का जो अरेंजमेंट है वो क्या, डिसअरेंज हो जाएगा, तो पहाड़ मान लो एकदम से जो है वो पूरा का पूरा जो है वो गिर गया, गिरने पे वो जो है उछाल करेगा तो उससे भी वेव जनरेट होगी और आपका सुनामी आ सकता है। और तीसरा जो है वो क्या, वोल्केनिक इरप्शन, जैसे जो आपका लावा निकलेगा बेसिकली ज्वालामुखी होगा, तो समुद्र के पास में मान लो वो मोल्टन लावा जब निकला तो वो होल बना देगा, ठीक है, होल बनाएगा तो पानी वहाँ पे डिसरेंज होगा, फिर वहाँ से निकलता है, जब निकलेगा तो वो वेव जनरेट हो जाएंगी। और एक है मीटियोरॉइड्स, कई बार क्या होता है उल्कापिंड जिसको हम बोलते हैं उल्कापिंड, उल्कापिंड क्या होता है कि मान लो ऊपर से जो है स्पेस से बेसिकली समुद्र के अंदर जो है वो उल्कापिंड गिरे, जैसे मान लो एक पहाड़ कोई रॉक है बहुत बड़ा वो समुद्र के अंदर जैसे वो गिरा, गिरने पर जो है वो क्या होगा कि वेव्स वो जनरेट होंगी, उससे भी जो है सुनामी आ सकता है। तो ये चार वे हैं जिसकी तरह से, जिन वजह से जो है वो सुनामी जो है वो जनरेट हो सकता है, ठीक है, आप ये याद करके जाना कि किस किस वजह से होता है। फिर अगर सुनामी आ गया तो डिजास्टर को मैनेज आप कैसे करेंगे, तो डिजास्टर को मैनेज करने का सबसे पहले तो ये है, बीचेस पे जो भी हैं मतलब तट पे जो भी लोग बैठे हैं उनको सबसे पहले तो भगाओ वहाँ से कि बताओ यहाँ सुनामी आने वाला है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। दूसरा जो है उनको रिवर्स है उनके आसपास से उनको निकाल दो वहाँ से। तीसरा जब तक जो है रास्ता पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए तब तक जो है आपको पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जो है रोकना चाहिए। फिर आएगा जी वोल्केनो, वोल्केनो बोलते ज्वालामुखी, इसकी भी कहानी आपको मैंने थोड़ी सी बताई है। सबसे इनर जो क्रस्ट है डेट इज अ कोर, उसके ऊपर होता है मेंटल और उसके ऊपर क्या होता है क्रस्ट होता है, ओके। अब क्या होता है जो आपका कोर है, ये जितने भी आपके पेड़ पूड़ हैं और ये सब जो है वो लगते हैं कहां पे, कोर पे लगते हैं, ओके। अब ये बेसिकली इसके अंदर जो है वो होगा क्या, इस बात को आप थोड़ा सा समझना, जो मेंटल होते हैं ना यहाँ पे बेसिकली आपको सिलिकन मैग्नीशियम जो है ये देखने को मिलेगा। अब मेंटल जो है वो क्या होती है, वो गर्म होती है, वो वहाँ पे वो गर्म, और जब वो गर्म होगा तो वो क्रस्ट को भी जो है वो कोर को भी क्या कर देगा, गर्म कर देगा, और जब वो कोर को गर्म करेगा तो कोर फट जाएगी क्योंकि यहाँ से जो मोल्टन लावा जो होता है तो वो निकलेगा या गैसेज बनती हैं, वो गैसेज अब निकलना तो है उनको, तो ये मेंटल जो सेकेंड जो आपकी जो लेयर है वहाँ पे वो इतनी गर्म हो जाएगी कि वो 70 किलोमीटर तक की जो है वो कोर जो उसको चीर के जो है वो निकल जाएगा, ओके। और जब वो उसको चीर के जब निकलेगा तो वहाँ पे एक होल बन जाएगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ज्वालामुखी, ठीक है। तो जो वो होल बनेगा उसमें से जो है आपका मोल्टन लावा गैसेस डस्ट स्मोक ये सब जो है वो निकलना शुरू होता है। तो वोल्केनो जो है ज्वालामुखी जो है वो क्या है, सडन अचानक से एंड ऑफन वायलेंट एक्सप्लोजन, एकदम से धमाका होता है इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ थ्रू विच, जिसमें से मैग्मा गैस डस्ट स्मोक एंड द सॉलिड मटेरियल जो है वो क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं। वोल्केनो कैन बी डिफाइंड एज अ ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट, जब अर्थ
अर्थ की क्रस्ट क्या होती है? ओपन होती है, थ्रू विच जिनमें से मोल्टन लावा, रॉक्स, एशेस, स्टीम एक्सेट्रा जो है वो क्या होती है, इजेक्ट होती है, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, वोल्केनो। ऑल सॉर्ट ऑफ मटेरियल इंक्लूड द लिक्विड गैसेस एंड द सॉलिड आर इजेक्टेड ड्यूरिंग ए वोल्केनो इरप्शन। ठीक है जी, तो ये बता रखे इवेंट, वेंट बन जाएगा, वेंट एकदम, वेंट से जो है ये सब चीजें जो है वो क्या होंगी, निकलेंगे आपकी, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद आएगा जी अगला ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन हम यहां पे इंडिया के अंदर ट्रॉपिकल साइक्लोन को हम लोग बोलते हैं क्या, चक्रवात बोलते हैं, लेकिन ये ट्रॉपिकल साइक्लोन आपने बोल दिया, अमेरिका के अंदर इसको हरिकेन भी बोलते हैं, और चाइना की अगर बात करें तो वहां पे इसको टाइफून भी बोलते हैं। ओके, अब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो होता है आपका वाटर बॉडीज पे, जैसे मान लो समुद्र के ऊपर बन जाएगा। अब कहता है कि ये लेट समर में बनता है, गर्मी आएंगी तो समुद्र का पानी जो है वो क्या होगा, गर्म होगा, और लेट समर तक पहुंचते पहुंचते समुद्र का पानी बहुत ज्यादा क्या होगा, गर्म हो जाएगा। जब समुद्र का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो फिर वहां से जो है वो हीट क्या होगी, इवेपोरेट होगा। ठीक है, तो इवेपोरेशन स्टार्ट होगा और एयर जो है वो क्या होगी, राइज अप होगी, ऊपर उठने लगेगी, और वहां पे जो है लो प्रेशर सिस्टम जो है वो बन जाएगा, जिसकी वजह से जो है वहां पे बहुत सारा मॉइस्चर क्रिएट हो जाएगा, और वहां पे फिर क्लाउड बनेंगे, उन क्लाउड को हम बोलते हैं क्या, क्यूमुलोनिम्बस, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बोलते हैं उसको, और उसकी वजह से जो है वो क्या होगा, आपके हवाएं चलेंगी अलग अलग डिफरेंट आपके डायरेक्शंस में, और फिर वहां पे क्या आ जाएगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखना, ये हमेशा बनेगा कहाँ पे, वाटर बॉडीज के ऊपर जो है वो बनता है, इसकी वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए आसपास के सारे एरिया को जो है वो कवर कर लेगा। तो ये जनरली इसका नुकसान उन्हीं को है जो समुद्र के या जो वाटर बॉडीज है उनके आसपास के जो लोग हैं उनको जो है ये नुकसान पहुंचा सकता है, हम लोग जैसे प्लेन्स में रहते हैं तो हमको इसका कोई भी नुकसान नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, और ये लो प्रेशर जोन पे बनता है, ये बात देख लेना। इसके बाद साइक्लोन के बाद आपका जो नेक्स्ट आता है वो है फ्लड। दो चीजें, एक है फ्लड, ये सारी चीजें पढ़ा रखी हैं तो इनको रीडिंग कर लेना। तो आज वाली क्लास में मेन मोटिव यही है कि ऊपर ऊपर से एक बार सारा बताने का। ठीक है ना, अब फ्लड की अगर बात करते हैं, फ्लड जो है वो क्या है, बाढ़। देखो दो एक्सट्रीम पॉइंट है, एक तो है फ्लड और एक है ड्रोट। ड्रोट का मतलब सूखा पड़ना और फ्लड का मतलब बाढ़ आ जाना। ओके, तो फ्लड इट इज द स्टेट ऑफ द हाई वाटर लेवल अलोंग ए रिवर चैनल और द कोस्ट दैट लेड टू द इंडेंटेशन ऑफ द लैंड विच इज नॉर्मली समर्ज। पूरी तरह से जो है जलमग्न हो जाएगी लैंड आपकी, उसका बोलते हैं आप लोग फ्लड। फ्लड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का। ठीक है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ड्रोट और फ्लड जो है वो दो एक्सट्रीम एंड होते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का। अगर बहुत ज्यादा बरसात हुई है तो फ्लड आ जाएगा, बिल्कुल कम बरसात हुई है सूखा पड़ जाएगा। व्हाइल ड्रोट अकर ड्यू टू द फेलियर ऑफ रेनफॉल, जबकि फ्लड अकर होता है इवेंट ऑफ द एक्सेसिव रेनफॉल। फ्लड जो है एक नेचुरल हजार्ड है विच अकर इन रिस्पॉन्स टू हैवी रेनफॉल एंड इट बिकम ए डिजास्टर। और फ्लड जो है वो क्या बन जाएगा, डिजास्टर बन जाएगा व्हेन इट इन्फ्लिक्ट हैवी लॉस टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है जी, कॉजेज जो है फ्लड के आने के वो आपके तीन तरह के हैं। एक तो है जी आपका मीटरोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, जैसे हैवी रेनफॉल हो गया या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन आ गया या क्लाउड बस्ट हो गया, बादल फट गया, इसकी वजह से। एक फिजिकल फैक्टर, आपने लार्ज कैचमेंट एरिया बना रखा था, आपने बांध बना रखा था, बांध टूट गया, उसकी वजह से भी जो है वो बाढ़ आ सकती है। दूसरा इनएडिक्वेट ड्रेनेज अरेंजमेंट आपके पास में था। तीसरा ह्यूमन फैक्टर, जैसे डिफोरेस्टेशन कर दिया, अब जब डिफोरेस्टेशन होगा आप जो है वो क्या करोगे, जमीन को एकदम साफ कर दोगे तो पानी का बहाव बहुत ही तेज हो जाएगा। जब जंगल होते हैं तो पानी रुक जाता है, पेड़ पौधे जो वहीं पर अटक जाएगा, लेकिन डिफोरेस्टेशन कर दिया पूरा, आपने जंगल की कटाई कर दी तो वहां पर पानी का बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा और वो जो है वो शहरों में आ जाएगा और सारा का सारा यहां का जो एरिया उसको बहा के ले जाएगा। तो ये इसके जो है वो क्या है, तीनों इफेक्ट है। ठीक है, अब एनवायरनमेंट के ऊपर इसके इंपैक्ट क्या क्या, सबसे पहला फिजिकल डैमेज हो जाएगा, दूसरा कैजुअल्टी, लोग मर भी सकते हैं और पब्लिक हेल्थ के ऊपर बैड इंपैक्ट पड़ेगा, फिर वाटर सप्लाई जो है वो आपकी रुक सकती है, फिर क्रॉप और पानी जो है वो सारा का सारा उससे क्या हो जाएगा, कंटेमिनेटेड हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, तो वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज द क्रॉप एंड फूड सप्लाई, इसके ऊपर भी क्या लग जाएगी, रोक लग जाएगी। मिटिगेशन स्ट्रेटजी बता रखिए कैसे रोक सकते हो, तो आप कंसल्ट करो, इंजीनियर स्ट्रक्चर बनाओ। दूसरा फ्लड कंट्रोल के लिए आपको मैकेनिज्म जो है यूज करना चाहिए, फिर फ्लड को रिडक्शन करने का जो है वो काम करें, डाइवर्ट करें उसको, और फ्लड प्रूफिंग, ये तरीके थे। फिर आएगा जी आपका ड्रोट। अगर बात करता हूं ड्रोट का, तो ड्रोट क्या है, ये टेम्परेरी रिडक्शन द वाटर और द मॉइस्चर अवेलेबिलिटी सिग्निफिकेंटली बिलो द नॉर्मल। जब नॉर्मल लेवल से जो है वो पानी का जो पानी का रिडक्शन नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो जाए, मतलब पानी लगातार पानी का स्तर गिरते जा रहा है आपका, रेनफॉल जितना होना था उससे बहुत ही क्या हो गया, डाउन हो गया, जितना होना चाहिए उससे बहुत ही कम हुआ, तो उसकी वजह से जो है वो क्या आ जाएगा, ड्रोट आ जाएगा। ठीक है, अब ड्रोट के बारे में पहले तो ये है क्या, ये अगर बात करते हैं तो ड्रोट जो है वो एक टेम्परेरी रिडक्शन है, ठीक है, वाटर का। अच्छा, एनी लैक ऑफ वाटर टू सेटिस्फाई द नॉर्मल नीड्स ऑफ द एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, इंडस्ट्री या ह्यूमन पॉपुलेशन, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ड्रोट। मतलब कोई भी नॉर्मल नीड थी इंसान की,
कोई भी नॉर्मल नीड थी, चाहे एग्रीकल्चर की रिगार्डिंग, चाहे लाइफ स्टॉक की रिगार्डिंग, चाहे इंडस्ट्री, चाहे ह्यूमन पॉपुलेशन की रिगार्डिंग, अगर उस नीड की भी भरपाई नहीं हो पा रही है, उस पानी की मतलब जो उस नीड जो थी पानी की उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ड्रोट। ठीक है जी। अब ड्रोट के जो है वो रीजन उतर के, एक मीटरोलॉजिकल ड्रोट होता है, ठीक है, तो एक एक करके इसको पढ़ लो। सबसे पहला चार तरह का जो है वो होता है आपका, एक होता है मीटरोलॉजिकल, एक होता है एग्रीकल्चर ड्रोट, एक है हाइड्रोलॉजिकल और एक कौन सा, इकोलॉजिकल। सबसे पहले बात करेंगे मीटरोलॉजिकल का, तो ये तो मौसमी, ठीक है, ये सिचुएशन है व्हेन देयर इज ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ इनएडिक्युएट रेनफॉल, जब लंबे समय से जो है वो इनएडिक्युएट बारिश होती है, बरसात होती है, मार्क विद द माल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेम, मतलब ओवर द टाइम एंड द स्पेस, इट अकर व्हेन द एवरेज, ये बात ध्यान करके जानी है, मीटरोलॉजिकल ड्रोट वो है जहां पे एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है, जो हुई है वो 25% लेस है देन द नॉर्मल, जितनी होनी चाहिए थी उसे 25% कम हुई है, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, मीटरोलॉजिकल ड्रोट। एग्रीकल्चर ड्रोट वो है अगर जो रेनफॉल है वो आपकी और भी क्या हो जाए, कम हो जाए, जब इरिगेशन के लिए भी आपको पानी ना मिले, तो उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर ड्रोट। हाइड्रोलॉजिकल ड्रोट जो है वो क्या, इज वन व्हेन द वॉटर लेवल जो है, जो जमीनी पानी का जो लेवल है, जब वो कम हो जाए उसको बोलते हैं आप लोग क्या, हाइड्रोलॉजिकल। देखो मीटरोलॉजिकल का मतलब जब पीने पुने के लिए अगर पानी चाहिए उसकी कमी होगी, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए पानी की रिक्वायरमेंट थी वो नहीं मिला, हाइड्रोलॉजिकल के अंदर जब जमीनी का पानी जो है वो क्या हो गया, उसका लेवल जो है वो डाउन हो गया, और इकोलॉजिकल के अंदर क्या, जब नेचुरली अवेलेबल वाटर सप्लाई जो है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, ड्रोट बोलते हैं, बोलते सूखा पड़ जाना, जैसे मान लो आपकी नहरें नदियां ये सूख जाए मान लो, ठीक है, इसको बोलते हैं। और ड्रोट प्रोन एरिया कौन सा था, ड्रोट प्रोन एरिया डिफाइंड एज वन इन विच द प्रोबेबिलिटी, जहां पे ड्रोट ईयर होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 20% से ज्यादा होती है। और ड्रोट ईयर क्या होता है, ड्रोट ईयर अकर व्हेन लेस देन 75% ऑफ द नॉर्मल रेनफॉल इज रिसीव, जब आपकी नॉर्मल रेनफॉल का 75% या उससे भी कम आपको अगर रिसीव होता है, तो उस साल को बोलते हैं हम लोग क्या, ड्रोट ईयर। ठीक है जी। इसके बाद अब सूखे की वजह से आपको मालूम है क्या क्या होगा, तो स्कार्सिटी हो जाएगा फूड ग्रेन का, और अकाल जिसको अकाल बोलते हैं, ठीक है, वाटर का जो है स्कार्सिटी हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, जलकाल बोलते हैं, फूडर का स्कार्सिटी हो जाएगा, फूडर बोलते हो चारे के स्कार्सिटी हो जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं, तिनकाल बोलते हैं। ठीक है, ये है। रेड्यूस कैसे कर सकते हैं वो बता रखा है, इमीडिएट स्टेप आपको उठाना चाहिए, जल्दी से जल्दी सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है आप लोग क्या करो, प्रोवाइड करो, इंटरबेसिन ट्रांसफर करना चाहिए आप लोगों, जो रेन वाटर है उसके हार्वेस्टिंग के ऊपर जो है वो काम करना चाहिए, ये सब। फिर आएगा जी आपका लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड को बोलते हैं हम लोग क्या, भूसंकलन। इसको अभी हम आगे देखते हैं एक बार ना, इसका पूरा टॉपिक आगे था आपका। फिर है अवलांचे। अवलांचे को बोलते हैं हम लोग क्या, हिमसंकलन। पहाड़ों से जो पहाड़ है, पहाड़ों की ढलान से जब तेजी से ढहने वाली बर्फ, मतलब पहाड़ की ढलान थी ऊपर से जो है, जब बर्फ जो है लगातार तेजी से क्या हो रही है, नीचे आ रही है, तो बर्फ की वो जो धारा होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अवलांचे। ठीक है, तो अवलांचे बेसिकली जो है वो क्या होता है कि जो बर्फ के पहाड़ है जब वो क्या आपके ढहने शुरू हो जाते हैं, कई बार मूवीज के अंदर भी आपने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि बर्फ है, बर्फ का पहाड़ था, लोग उस पर स्कीइंग कर रहे थे, और स्कीइंग करते करते जो है बर्फ का पहाड़ भी साथ में नीचे आ गया, तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, अवलांचे। तो अवलांचे जो है वो क्या, द टर्म अवलांचे जनरली डिनोट द डिसेंट इवोल्यूशन ऑफ द मटेरियल डाउन ए माउंटेन स्लोप, बट स्पेशली मीनिंग द हर्टलिंग डाउन ए माउंटेन स्लोप ऑफ द मासेस ऑफ स्नो कंपाउंडेड विद द आइस एंड स्लोप, और जब वो बर्फ नीचे आएगी तो उसके साथ में जो है वो पहाड़ या फिर उसका जो पत्थर पुत्थर है वो भी नीचे आना शुरू हो जाए, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, अवलांचे। विंटर में अवलांचे आर कॉज्ड व्हेन द फ्रेश स्नो फॉल, जब फ्रेश स्नो गिरना शुरू हो जाती है, एंड स्लिप ऑफ द स्नो सरफेस, और जो स्नो का जो सरफेस है वो क्या हो जाए, स्लिप ऑफ हो जाए। इन स्प्रिंग देर आर प्रोड्यूस वेन पार्टली थ्वार्टेड, और स्प्रिंग्स में क्या होते हैं, गर्मियों के दौरान बेसिकली जो है पार्टली पिघली हुई बर्फ जो है वो पिघल के और वो जो है वो क्या हो गई, फिसल गई, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, अवलांचे। अवलांचे का डैमेज बता रखे हैं, रोड जो है वो डैमेज हो जाएंगे स्नो के कारण, दूसरा ट्रैफिक आपका ब्लॉक हो सकता है, तीसरा रोड स्ट्रक्चर जो है सच एज द रिटेनिंग वेल्स आर ओवरटर्न हो जाएंगे, चौथा स्ट्रक्चर कमिंग इन द वे ऑफ द अवलांचे उसको वो क्या करता जाएगा, डैमेज करता जाएगा, जो भी इसके रस्ते में आएगा उसको डैमेज कर देगा। ठीक है, प्रिवेंशन में बता रखे हैं, एफोरेस्टेशन करो, मतलब जो है वो आप वो लगाना शुरू करो, क्या बोलते हैं, जंगल जंगल उगाना शुरू करो। ठीक है, ट्रैप करें अवलांचे को बाय द कंट्रोल मेथड, डिस्पोज करें अवलांचे पोटेंशियल स्नो पैक्स बाय आर्टिफिशियल ट्रिगरिंग करके, और प्रिडिक्ट करें अकरेंस कब हो सकता है, और पहले से जो है वार्निंग आप प्रोवाइड करें, और वहाँ के जो रेसिडेंट है उनको गाइड करें अबाउट द इमरजेंसी शेल्टर्स, और वहाँ पर इमरजेंसी शेल्टर जो आप बना दो ताकि वहाँ से लोगों को पहले ही निकाल लें। अवलांचे के बाद में आखिरी जो है डेट इज अ लैंडस्लाइड। अब लैंडस्लाइड जो है वो क्या है, लैंडस्लाइड का मतलब है जब कोलैप्स हो जाता है, क्या होता है, कोलैप्स,
बोले तो विनाशा टूट जाती है क्या, मासेस ऑफ अर्थ, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, लैंडस्लाइड। बेसिकली कोलैप्स के अंदर हम ये बोलते हैं कि जब रैपिड स्लाइडिंग होती है ऑफ द लार्ज मास ऑफ द बेडरॉक, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लैंडस्लाइड। मतलब सिंपल सी भाषा में जमीन का फिसलना, जब जमीन आपकी क्या हो जाए, फिसल जाए, उसको बोलते हैं लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड एक सिचुएशन है जिसमें कोलैप्स होता है ऑफ द मास ऑफ अर्थ और द रॉक फ्रॉम ए माउंटेन और द क्लिफ, चट्टान का टूट जाना या रॉक जो माउंटेन्स हैं पहाड़ जो उनका टूट जाना। एट द टाइम ऑफ लैंडस्लाइड द माउंटेन कोलैप्स, जब लैंडस्लाइड होते हैं माउंटेन आपस में कोलैप्स हो जाते हैं, टूट जाते हैं, एंड रॉक स्टार्ट फॉलिंग डाउन, और जो पत्थर है वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। इट कैन बी वेरी डेंजरस, बहुत ही डेंजरस है। और अभी देखा आपने 9 लोग जो है वो स्पीति के अंदर बेचारे मारे गए, वो घूमने गए हुए थे, बेचारे टूरिस्ट थे और दिल्ली से आए थे, और उनकी कार जा रही थी और एकदम लैंडस्लाइड हुआ और ऊपर से पत्थर जो है उनकी गाड़ी के ऊपर गिरा। एक जो ड्राइवर है वो पता नहीं कैसे बच गया, वो कूद गया था वहां से, और 9 लोग जो है उस गाड़ी के अंदर मारे गए, और जो पुल था स्पीति का जो काजर से वो जा रहा था वो पुल भी आपका टूट गया। तो लैंडस्लाइड का ये सबसे बड़ा एक जो है वो क्या, इमीडिएट हो गया, और पता नहीं चलेगा आप जा रहे हो और पत्थर बड़े बड़े जो है वो पहाड़ों से ऊपर से आएंगे, पूरी वेलोसिटी होती है, पूरी स्पीड होती है, और वो जो है पूरा का पूरा क्या कर देगा, तबाही मचा देगा। तो लैंडस्लाइड जो है वो क्या, कोलैप्स ऑफ द मासेस ऑफ अर्थ, उसको बोलते हैं लैंडस्लाइड। माउंटेन कोलैप्स होता है और रॉक जो है पत्थर जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा। इट कैन बी वेरी डेंजरस, द अमाउंट ऑफ द लॉस डिपेंड करता है रेट पे एंड द ड्यूरेशन ऑफ द लैंडस्लाइड। रोड्स कैन गेट ब्लॉक बाय रॉक फॉलिंग फ्रॉम द माउंटेन। आप मिटिगेट कैसे करोगे, लैंडस्लाइड होने से पहले लोगों को अपडेट कर दो, वार्निंग प्रोवाइड कर दो, ड्यूरिंग में लोगों को बोलो भाई घर में ही रहना, ठीक है। अगर आप बाहर हो तो किसी हैवी फर्नीचर के, अगर आप किसी बिल्डिंग के अंदर हो तो आप जो है वो क्या करो, हैवी फर्नीचर के नीचे जो है वो बैठ जाओ। अगर बाहर हो तो आप किसी हाई ग्राउंड में चले जाओ, जहाँ से अगर मान लो कोई चीज़ गिरे भी, ठीक है, तो आपको दूर से दिख जाए तो आप बच सको उससे, ठीक है। और जब हो जाए, लैंडस्लाइड हो गया, तो जो इंजर्ड पर्सन है उसकी मदद करो, फॉलो द रेडियो अपडेट्स, स्टे केयरफुल अबाउट द फ्लड, ये सब काम आपको जो है वो करना चाहिए। तो टोटल मिला के चैप्टर नंबर 6 की अगर बात करते हैं, तो इसके अंदर था आपका नेचुरल डिजास्टर, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिक पॉइंट आपको जो है बता दिए। खैर, हमने डेप्थ के अंदर इसको पढ़ा था, 4-5 लेक्चर हमने इसके ऊपर लगाए थे, आप तसल्ली से इसको जो है वो निपटा लेना। अब आते हैं हमारे चैप्टर नंबर 7 पे, जो लास्ट चैप्टर है हमारा, डेट इज द चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 की अगर हम बात करते हैं, तो चैप्टर 7 जो है वो है आपका इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट। बहुत तरह के जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो एग्रीमेंट्स हुए, जिनका मेन उद्देश्य जो है वो ये है कि एनवायरमेंट को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। कोई भी वजह है जिसकी वजह से एनवायरमेंट के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उस वजह को, उसके लिए जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे बनाए गए। देखो, नेशनल लेवल पे हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी पास किया हुआ है, उसके अलावा कई सारे एक्ट पास किए हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रीटी होती है तो वो सभी देशों, अगर आप वहां पे जाके उसको रेटिफाई करते हो, मतलब उसके ऊपर अगर सिग्नेचर करते हो, तो आपको माननी पड़ती है और फिर आपको उसके रिगार्डिंग काम भी करना पड़ता है। तो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट में सबसे पहले तो अपने इंडिया का है NAPCC, जिसको बोलते हैं नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। NAPCC जो है वो आपका 30 जून 2008 को आया। ये बेसिकली क्या था, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का मतलब बोलो पहले तो सर, क्लाइमेट चेंज का मतलब जो है आपने बताया था चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि अर्थ का या ग्लोबल टेम्परेचर लगातार क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। नॉर्मल से 2% से बढ़ गया ग्लोबल टेम्परेचर, तो ये जो ग्लोबल टेम्परेचर लगातार बढ़ता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कि क्लाइमेट चेंज, जिसका एनवायरमेंट के ऊपर बैड इंपैक्ट है। अब उसको रोकने के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो है अपने इंडिया के अंदर जो है सन 2008 में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, जिसको बोलते हैं NAPCC नेशनल एक्शन प्लान। हमने जो है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या लिया, एक्शन प्लान लिया, हमने एक एक्शन प्लान बनाया टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज। उसके अंदर टोटल मिला के जो है वो 8 हम लोगों ने जो है उसके सब प्लान बनाए थे, ठीक है, NAPCC के अंदर। तो उनको ऊपर ऊपर से आपको पढ़ना है, प्लस कौन सा प्लान किस रिगार्डिंग था वो अपने को देखना है, प्लस में 4 सप्लीमेंट्री प्लान भी थे, एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया का जो पहला एक्शन प्लान जो था क्लाइमेट चेंज का, वो था NAPCC, जिसको रिलीज किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इस प्लान के अंदर टोटल मिला के 8 प्लान को आइडेंटिफाई जो है वो किया गया था, एंड द कंसर्न मिनिस्ट्री जो है उसको ये जरूरी कर दिया कि वो जो है वो क्या करें, डिटेल प्लान को क्या करेंगे, शो करेंगे। तो टोटल मिला के वैसे 8 थे, लेकिन 4 सप्लीमेंट्री और थे, टोटल मिला के 12 जो है वो टोटल मिशन इसके अंदर आए थे। सबसे पहला जो था वो था नेशनल सोलर मिशन, 11 जनवरी 2010 को जो है इसको लॉन्च किया गया। इसको पहले जो है नाम तो था नेशनल सोलर मिशन, बाद में इसको जो रीनेम किया गया और जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन जो है इसका नाम रखा गया। इसका मेन जो मोटिव था वो ये था कि हम लोग जो है वो सोलर एनर्जी से के मदद से हम लोग जो है वो क्या करेंगे, पावर जनरेशन का काम करेंगे, ठीक है। इस प्लान में क्या क्या था, ये था स्पेसिफिक गोल होंगे कि हम इंक्रीज करेंगे यूज ऑफ द सोलर थर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी इन द अर्बन एरिया इंडस्ट्री एंड द कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। गोल को इंक्रीज किया गया कि हम प्रोडक्शन जो है फोटोवोल्टिक का वो हम लोग जो है वो क्या करेंगे 2013 तक बढ़ाएंगे, ठीक है। गोल में ये बोला गया कि हम डिप्लॉय करेंगे एटलीस्ट 1000 मेगावाट ऑफ द सोलर थर्मल पावर जनरेशन।
इसके अलावा कुछ और बातें थी। तो ओरिजिनल जो टारगेट था शुरुआत के अंदर ये बोला गया कि 2022 तक हम लोग जो है वो 20 गीगावाट का टारगेट जो है बनाया गया था, लेकिन बाद में इसको जो है जून 2015 के अंदर रिवाइज किया गया और टारगेट को 20 की जगह जो है वो कितना कर दिया, 100 गीगावाट कर दिया गया। ये अचीवमेंट से इसको मत पढ़ना आप। दूसरा जो आया वो है नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी। तो एनर्जी एफिशिएंसी को क्या करने के लिए और भी एनहांस करने के लिए जो है वो एक मिशन आया 2001 के अंदर बेसिकली। तो एनर्जी कंजर्वेशन जो एक्ट था 2001 उसके अंदर ये बोला गया कि आप ऐसे अप्लायंसेस को जो है वो इस्तेमाल करें जिनमें एनर्जी का कंजम्पशन कम से कम हो और एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा। तो ये बोलते हैं सबसे पहला मैंडेट किया स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन डिक्रीज करेंगे इन लार्ज एनर्जी कंजम्पशन इंडस्ट्री विद अ सिस्टम फॉर कंपनी टू ट्रेड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट एनर्जी इंसेंटिव इंक्लूडिंग द रिलैक्स टैक्स। अगर आप जो है वो ऐसे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जो एनर्जी को कम से कम इस्तेमाल करते यूज करते हैं तो आपको जो है वो क्या होगा, आपके टैक्स में भी हम लोग जो है वो रिडक्शन कर देंगे। गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि वो क्या करेंगे, मैंडेटरी कर देगी सभी अप्लायंसेस के लिए इंडिया के अंदर कि आपको जो है वो क्या ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से पहले क्या करवाना पड़ेगा, रेटिंग करवाना पड़ेगा। ठीक है जी। NMEEE नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी में 4 स्पेसिफिक एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट स्टार्ट करे। दीज एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी मेजर आर एम एड फैसिलिट द एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री। वो चार क्या क्या थे, सबसे पहला पैट बोलते हैं परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, तीसरा MTEE मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, फिर WEFP एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म, और लास्ट जो था वो था FEEED फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने ये इस प्लान के अंदर NMEEE के अंदर जो है ये 4 स्पेसिफिक एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम जो है वो क्या करे, लॉन्च करे। इन सबका मेन एम यही था कि हम लोग जो है वो एनर्जी के को क्या करना चाहते हैं, एनहांस करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं। तीसरा इसके बाद तीसरा जो आया वो है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। सस्टेनेबल हैबिटेट का मतलब हम लोग जो है वो क्या, हैबिटेट आपको मालूम है आवास, और सस्टेनेबल नेचर का बनाना इसका मतलब ये है कि इसमें हम क्या करें, ग्रीन बिल्डिंग बनाएंगे या एनवायरमेंटल प्लानिंग करेंगे। इस तरीके से हम जो है बिल्डिंग का निर्माण करेंगे कि पोल्यूशन जो है वो क्या हो, कम से कम हो, और अगर पोल्यूशन मान लो बिल्डिंग में होता भी है तो वो इजीली जो है उसका क्या हो, वो बाहर भी निकल जाए। मेन फोकस इसका जो इस प्लान का था वो ये था, जून 2010 में जो प्लान आया तो उस टाइम इसका जो मेन फोकस था वो ये था कि हम प्रमोट करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइमेट चेंज, उसका अडेप्शन, उसका मिटिगेशन, एनर्जी एफिशिएंसी एंड नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन। ठीक है जी। अब इसकी कुछ ये रिकमेंडेशन थी सबसे पहला एक्सटेंड करो एग्जिस्टिंग एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को, मतलब हम क्या करेंगे न्यू और लार्ज कमर्शियल बिल्डिंग बनाएंगे ऑप्टिमाइज करने के लिए एनर्जी डिमांड को। ठीक है। अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, एनफोर्समेंट ऑफ द ऑटोमोटिव फ्यूल इकोनॉमी स्टैंडर्ड्स को हम लोग जो है वो क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, और इंसेंटिव देंगे फॉर द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को। ठीक है जी। अचीवमेंट एक बार रीडिंग कर लेना। इसके अंदर 4 फ्लैगशिप मिशन जो है या प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने जो है वो चलाए थे। सबसे पहला स्वच्छ भारत मिशन, दूसरा स्मार्ट सिटी मिशन, फिर अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम, और फिर अटल रिजुविनेशन ऑफ द अर्बन ट्रांसफॉर्मर। तो ये जो है ये टोटल मिला के 4 फ्लैगशिप मिशन जो है इस प्लान के अंदर जो है वो चलाए गए। इसके बाद अगला जो था इसमें 8 में से एक था नेशनल वोटर मिशन। नेशनल वोटर मिशन जो है इसको लेके आया गया एंश्योर करने के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को, मतलब पानी को हम लोग जो है वो प्रॉपरली क्या मैनेज करेंगे ताकि हेल्प कर सकें तो कंजर्व वाटर, हम पानी को बचाएं भी के मिनिमाइज करेंगे उसकी वेस्टेज को, एंश्योर करेंगे मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ अक्रॉस एंड विद इन द स्टेट, कि सभी लोगों को जो है वो इक्वल पानी जो है वो पहुंचे, उसके लिए जो है वो नेशनल मिशन वाटर मिशन जो है वो क्या किया गया, लाया गया। और ये बोला गया जो एग्जिस्टिंग एफिशिएंसी 2010 में उसे 20% इसको क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। इसके 5 गोल थे, एक बार देख लीजिएगा। अचीवमेंट ये है कि रिवाइज नेशनल वाटर पॉलिसी जो है उसको गवर्नमेंट ने क्या किया, अडॉप्ट किया है बाय द नेशनल वाटर काउंसिल, और मॉनिटरिंग वेल जो है नए न्यू ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग वेल जो है 1082 के अंदर जो है बनाए गए हैं, एंड सेवरल कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट इसके अंदर चलाए हैं। इसके बाद अगला जो आया डेट इज द 5th नंबर पे नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। जो हिमालयन इकोसिस्टम है तो उसको अपने को क्या करना है, सस्टेन करना है। लोग जो है वो वहाँ पे मान लो वहाँ पे जो डाइवर्सिटी है बायोडाइवर्सिटी जो है तो उसको नुकसान पहुंच रहा है, तो उसको बचाने के लिए जो है एक सिस्टम आया। टोटल कॉर्पस मनी इसके अंदर 550 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने जो है वो क्या किया, इसके ऊपर खर्च किया। द NMSHE नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम वुड अटेम्प्ट टू एड्रेस ए वैरायटी ऑफ द इंपॉर्टेंट इशू इंक्लूडिंग स्टडिंग द हिमालयन ग्लेशियर, इसके अंदर जो है वो देखा गया हिमालयन ग्लेशियर एंड एसोसिएटेड हाइड्रोलॉजिकल कंसीक्वेंस, और उसका जो है वो क्या हमारे ऊपर जो है वो कंसीक्वेंस पड़ रहा है, एंड प्रिडिक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल हजार्ड्स। और हम लोग जो क्या करेंगे, जैसे अभी वो क्या हुआ ग्लेशियर टूट गया तो उसकी वजह से जो है वो क्या हो गया, बांध बूंद टूट गए थे, तो हम लोग पहले से ही जो है वो क्या कर लेंगे, उसके ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी।
ये जो नेशनल मिशन था ऑफ टू ये कवर करता है 12 हिमालयन स्टेट्स को, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और वेस्ट बंगाल को, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद अगला जो था वो था नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, फरवरी 2014 के अंदर जो है वो इसको लेके आए थे। तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, इट इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चर करेंगे और स्टोर करेंगे एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को, ये मेथड है जिसमें हम रिड्यूस करेंगे अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर विद द गोल ऑफ रिड्यूस द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, क्योंकि हमको ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है तो वो किस लिए मेजर जो रीजन है वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया जो है वो लेके आया गया। और इसमें क्या था कि फीचर इंक्रीज करेंगे क्वालिटी ऑफ आवर फॉरेस्ट कवर, जो हमारा फॉरेस्ट कवर है उसको बढ़ाएंगे, मतलब जंगल को जो है वो क्या करें बढ़ाने का काम करेंगे, होलिस्टिक व्यू लेंगे फॉरेस्ट्री का एंड नोट मेनली फोकस ऑन प्लांटेशन, आगे फोकस करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन एंड इन्वॉल्व द एग्जिस्टिंग लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन, इसके ऊपर हम क्या करेंगे फोकस करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद अगला जो आया वो था जी आपका नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, अगर 2010 के अंदर ये लेके आए, इसका मेन उद्देश्य क्या था कि हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को थोड़ा सा क्या करेंगे चेंज करेंगे और ये क्रूशियल रोल प्ले करेगा मिटिगेट करने में क्लाइमेट चेंज इफेक्ट को, दिस मिशन ट्राई टू कॉम्प्रिहेंसिवली रिवैम्प द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ये मिशन जो है वो क्या करेगा कॉम्प्रिहेंसिवली पूरी तरह से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को जो है वो क्या करेगा रिवैम्प करेगा, सो दैट ताकि जो हमारे NDC के जो ऑब्जेक्टिव हैं डिजायर्ड जो ऑब्जेक्टिव हैं हमारे नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन के उनको अचीव किया जा सके, तो हम हमारी जो एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज है उनको पूरी तरह से क्या कर देंगे चेंज कर देंगे। तो दिस मिशन एम टू सपोर्ट द क्लाइमेट अडेप्शन इन द क्लाइमेट अडेप्शन करेंगे एग्रीकल्चर में थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ द क्लाइमेट रेसिलियंट क्रॉप, तो ऐसी क्रॉप्स का हम लोग जो है वो इस्तेमाल करेंगे जब जमीन खाली पड़ी तो वहां पर भी हम लोग जो है उसमें कुछ ना कुछ उगा के जो है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन जो है वो कर सकें। अब रेसिलियंट क्रॉप इंटरक्रॉपिंग सिस्टम लेके आएंगे, ये क्या करेगा अगर मान लो मानसून जो है वो क्या हो गया डिले हो गया तो उसकी जगह हम ऐसी अल्टरनेट क्रॉप को लगाते हैं जहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट क्या है कम है, दूसरा एफिशिएंट वाटर यूज़ करेंगे, फिर क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, एक ही क्रॉप को लगातार ना उगा के अलग उसमें चेंज करते रहेंगे, अर्बन एग्रीकल्चर को उसको बढ़ावा देंगे एंड जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हम करेंगे। इसके बाद जो अगला था वो था नेशनल मिशन ओन स्ट्रेटजिक नॉलेज फॉर द क्लाइमेट चेंज, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये था कि हम बिल्ड करेंगे डायनेमिक और एक वाइब्रेंट नॉलेज सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम हम जो है वो क्या करेंगे बिल्डअप करेंगे जो इन्फॉर्म करेगा और सपोर्ट करेगा नेशनल पॉलिसीज को एंड एक्शन लेंगे फॉर रिस्पॉन्डिंग इफेक्टिवली टू क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस वाइल नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द नेशन ग्रोथ गोल, इसका मतलब ये एक ऐसा रोबस्ट सिस्टम बनाएंगे, एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम मेंटेन करेंगे कि अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो गवर्नमेंट आपको वो जानकारी प्रोवाइड करवा देगी, ठीक है जी। इसके बाद न्यूली एडेड मिशन जो इसके अंदर चार नए जोड़े गए, एक था विंड मिशन, ठीक है, एक था आपका हेल्थ मिशन, एक था जी आपका मिशन ऑन कोस्टल एरिया और एक था वेस्ट टू एनर्जी मिशन, टोटल में लगे चार जो मिशन साथ में जोड़े गए, तो आठ तो पहले हो गए NEPCC में और चार आपके सपोर्टिव मिशन जो है वो भी जोड़े गए, ठीक है जी, ये अदर इनिशिएटिव वो देख लेना। इसके बाद आया जी आपका नेक्स्ट जिसका नाम है इंटरनेशनल एग्रीमेंट, सबसे पहला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लेकर आने के पीछे मेन मोटिव ये था कि जो ओजोन लेयर है वो हमारी लगातार क्या होती जा रही है डिप्लीट हो रही है, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनकी वजह से जो है वो क्या हो रही है ओजोन लेयर आपकी डिप्लीट हो रही है, तो अब ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के ऊपर क्या लगानी है रोक लगानी है, उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो एक ट्रीटी जो है वो किया गया 1987 के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और ये बोला गया कि हम ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन हो रहा है उसके ऊपर हम क्या करेंगे जो ODS है ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं जो आपके एनवायरमेंट में आपको देखने को मिलेंगे जिसके अंदर बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस आती हैं, तो उनके एमिशन पे हम क्या लगाएंगे रोक लगाएंगे। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो बेसिकली किसके लिए ऊपर था, वो था डिप्लीट द ओजोन लेयर इन द लैंडमार्क मल्टी लेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट था जो रेगुलेट करेगा किसको प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन ऑफ नियरली 100 मैनमेड केमिकल रेफर टू एज द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस व्हेन रिलीज टू द एटमॉस्फेयर, जब ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस एटमॉस्फेयर में जाते हैं जो दोस केमिकल डैमेज, तो ये आपके स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर जो है उसको क्या करते हैं डैमेज करते हैं, अर्थ की जो प्रोटेक्टिव शील्ड होती है जो प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन को और एनवायरमेंट को फ्रॉम द हार्मफुल लेवल ऑफ द यूवी रेस, जो यूवी रेस सन से आ रही हैं तो उनको रोकने के लिए उसको अपने जो अर्थ के जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर है, तो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं ये सब्सटेंस, तो उनके उन सब्सटेंस के एमिशन पे रोक लगाने के लिए जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किया गया, तो इसको अडॉप्ट किया था 15 सितंबर 1987 को, ठीक है, और रेटिफाई हो गया 198 UN मेंबर कंट्री ने इसके ऊपर जो है वो क्या किया साइन किया था, ठीक है। अब थोड़ी सी इसकी मैं बात कर लेता हूं एक्स्ट्रा भी, एक तो ये है ये प्रोविजन याद कर लेना एक बार इसमें,
ठीक है। मॉन्टल फंड टोटल मिला के जो है वो क्या है कि पैसा प्रोवाइड करने के लिए, टेक्निकल फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो एक फंड भी बनाया गया, ठीक है। तो मल्टीलेटरल फंड फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्टल प्रोटोकॉल एस्टैब्लिश किया गया 1981 में, ठीक है। फंड का ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रोवाइड करेगा कंट्रीज को, जो इसके मेंबर कंट्री उनको पैसा प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस देगा टू डेवलप करने के लिए कंट्री पार्टी टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है जी। इसके बाद में फेज आउट करेंगे हम किसको, HCFC को, ये बात ध्यान रखना। मेन जो गैस इसके अंदर आती है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में वो थी आपकी HCFC, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैस है जो वर्ल्ड वाइड यूज होती है रेफ्रिजरेटर में, AC के अंदर और फोम एप्लीकेशंस के अंदर, बट दे आर बीइंग फेज आउट। इनको आपको जो है वो क्या करना था, फेज आउट करना था। तो टोटल मिला के इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या दिया गया था, डेवलपिंग कंट्री को बोला, डेवलपिंग जो डेवलप कंट्री है उनको 2020 तक इसको पूरी तरह से फेज आउट करना है, और जो डेवलपिंग कंट्री है उनको जो है वो क्या था, 2030 तक इसको पूरी तरह से जो है वो फेज आउट करना था, ठीक है जी। इसके बाद में फिर इसके अंदर जो कुछ अमेंडमेंट की अमेंडमेंट जो है वो भी किया गया। बेसिकली ये आया कब था, 1987 के अंदर आया, और फिर 1990 के अंदर लंडन अमेंडमेंट जो है वो किया गया, जिसके अंदर जो है ये बोला गया कि सन 2000 तक ही आप लोग, पहले तो 2030 और 2020 का टाइम पीरियड दिया गया शुरुआत में, लेकिन बाद में इसको जो है वो टाइम पीरियड को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, और बोला गया डेवलप कंट्री तो सन 2000 तक पूरी तरह से इसको खत्म करो, क्योंकि इसकी वजह से ओजोन लेयर बहुत जल्दी जल्दी डिप्लीट हो रही है और उसका बैड इंपैक्ट पड़ेगा, और डेवलपिंग कंट्री तुम 2010 तक इसको जो है पूरी तरह से क्या कर लेना, खत्म कर लेना, ठीक है जी। उसके फिर कोपेनहेगन जो है वो अमेंडमेंट हुआ, कोपेनहेगन अमेंडमेंट के अंदर जो है HCFC के फेज आउट पे और भी जो है वो रोक लगाएगी, और ये बोला गया कि आप लोग जो है वो क्या करेंगे, इसको फेज आउट करेंगे बेसिकली 1996 तक, डेवलप कंट्री 1996 तक जो है उसको क्या कर लेंगे, पूरी तरह से फेज आउट करें। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो मॉन्ट्रियल अमेंडमेंट जो है वो हुआ, तो इसके अंदर जो है मिथाइल ब्रोमाइड को भी इसके अंदर जो है वो क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया, ये बात थोड़ा सा देख लेना। फिर बीजिंग अमेंडमेंट हुआ, और फिर लास्ट में वो कौन सा, किगाली, किगाली अमेंडमेंट जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ता है, क्योंकि किगाली अमेंडमेंट के अंदर जो है वो HFC को भी इसके अंदर जो है वो क्या किया, इंक्लूड किया, और बोला कि इसको भी आप क्या करेंगे, रिड्यूस। ये ओजोन लेयर को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है, जो HFC होती है आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये वो गैस है जो आपके ओजोन लेयर को तो डिप्लीट नहीं करती, पर उसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो भी तो एक नुकसान है। तो इसको भी इसके अंदर जो है वो इंक्लूड किया गया आपके किगाली अमेंडमेंट के अंदर, HFC को भी, मतलब इसको बोला गया ये भी एक सब्सटेंस है, इसको भी अपने को क्या करना है, इसके एमिशन के ऊपर रोक लगानी है, ठीक है। सक्सेस अचीव ये है, ये ऐसा था जिसको सभी लोगों ने जो है वो रेटिफाई किया, और कुछ इसके अंदर खास नहीं है, बस। इसके बाद पहला हो गया मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल था किसके लिए, ओजोन डिप्लीशन के ऊपर। दूसरा जो आपका आया प्रोटोकॉल, डेट इज द रियो समिट, रियो समिट जो है वो बेसिकली किया गया, एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां पे जो है अलग अलग जो ग्लोबल इश्यूज हैं तो उनके ऊपर जो है हम लोग यहां पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो रियो समिट के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो पहली बात तो ये है आपका कि UN कॉन्फ्रेंस हुआ था, ऑन द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ऑल्सो जिसको बोलते हैं रियो डी जेनेरियो, अर्थ समिट भी बोलते हैं, रियो समिट भी बोलते हैं, रियो कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, और उसको अर्थ समिट भी बोलते हैं। ये मेजर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस था जो हेल्ड हुआ रियो डी जेनेरियो में, कब हुआ, 3-14 जून को हुआ 1992 में। अर्थ समिट को क्रिएट किया गया एज ए रिस्पॉन्स फॉर द मेंबर स्टेट कि हम कोऑपरेट करेंगे, सभी मेंबर स्टेट वहां पे मिलेंगे और मिलके क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे इंटरनेशनली ऑन द किसके ऊपर, डेवलपमेंट इश्यूज के ऊपर, आफ्टर द कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर के बाद जो डेवलपमेंट इश्यूज आए तो उनके ऊपर हम यहां पे क्या करें, चर्चा करेंगे। ड्यू टू इश्यू रिलेटिंग टू सस्टेनेबिलिटी बीइंग टू बिग फॉर इंडिविजुअल मेंबर स्टेट टू हैंडल, अर्थ समिट वाज हेल्ड एज ए प्लेटफॉर्म फॉर अदर मेंबर स्टेट टू, कि वो वहां पे क्या करें, कोलैबोरेट करें। सिंस द क्रिएशन, जब से क्रिएट हुआ, मेनी अदर्स, बहुत सारे और चीजें इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबिलिटी शो ए सिमिलर डेवलपमेंट टू द इश्यू डिस्कस इन दीज कॉन्फ्रेंस इंक्लूडिंग द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो आपका इशू था, इसके अंदर ये सब बातें जो है वो एड्रेस किया गया। एक तो सबसे मेन तो अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो हम निकालेंगे, जो रिप्लेस करेगा किसको, फॉसिल फ्यूल को, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के ऊपर हम लोग जो है वो क्या होंगे, बेस्ड होंगे, और ग्रो द ग्रोइंग यूसेज एंड द लिमिटिंग सप्लाई ऑफ द वाटर, ये भी एक इशू इसके अंदर जो है वो डाला गया। इसमें ना कई सारे इशू आपके आए थे, ये सब द अर्थ समिट रिजल्ट इन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, एक तो रियो डिक्लेरेशन ऑन द एनवायरमेंट डेवलपमेंट, एक एजेंडा 21, ये भी एक इसके अंदर जो है वो बाद मुद्दा उठा था, एक था फॉरेस्ट प्रिंसिपल, और इसके अलावा और भी हैं कुछ जिसके ऊपर जो सिग्नेचर के लिए ओपन था, कोई भी मेंबर कंट्री आगे इस पे सिग्नेचर कर देगा। एक था कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एक था फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, एक था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो ये ध्यान रखना कि इसके अंदर अर्थ समिट में ये 6 बातें जो है वो इंक्लूड होती हैं, इन मुद्दों के ऊपर, मतलब अर्थ समिट में क्या हुआ, एक प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करेंगे जहां पे आप इन 6 मुद्दों के ऊपर जो है वो चर्चा कर सकते हो, और इनके रिगार्डिंग आप रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हो। इसके बाद में रियो डी जेनेरियो ब्राजील 2000
12, तो ये इसको रियो प्लस 20 बोलते हैं। रियो प्लस 20 इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो 92 के अंदर हुआ, फिर 20 साल और जोड़ दो क्या हो गया 2012। द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रियो प्लस 20 टू प्लेस हुआ रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर 20 से 22 जून 2012 में। इट रिजल्ट इन द फोकस पॉलिटिकल आउटकम डॉक्यूमेंट विच कंटेन क्लियर एंड प्रैक्टिकल मेजर फॉर इंप्लीमेंटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना, उसके लिए जो है इसके ऊपर इस मीटिंग में जो है वो चर्चा की गई थी। जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आए फर्स्ट चैप्टर में जो हमने पढ़े थे एमडीजी के बाद में, तो उनको इंप्लीमेंट करना है, उसके लिए जो है उसका जो बेस है वो यहां पे बनाया गया था। ठीक है जी, इसके बाद है थर्ड कन्वेंशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखिए जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की अगर बात करते हैं तो आपको मैंने बताया कि अर्थ के ऊपर जो है वो अलग अलग तरह के जो है जीव जंतु प्लांट्स ये सब आपको जो है वो देखने को मिलेंगे, तो उनको जो है वो क्या थ्रेट हो रहा था, जो बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है डिफरेंट डिफरेंट उसको थ्रेट था। उस थ्रेट को क्या करेंगे, रोकने के लिए, मतलब उनको नुकसान ना पहुंचे और वो जीवित रहें, ठीक है, जो मतलब अलग अलग डाइवर्सिटी है, मान लो पक्षी हो गए हैं, कोई जानवर हो गया, तो उनको बचाव के लिए बेसिकली जो है एक कन्वेंशन किया गया, जिसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो अर्थ बायोलॉजिकल रिसोर्स आर वाइटल है, अर्थ के जो बायोलॉजिकल रिसोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमैनिटी की इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए। एज ए रिजल्ट देर इज ए ग्रोइंग रिकॉग्निशन डेट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ए ग्लोबल असेट है फॉर द ट्रिमेंडस वैल्यू ऑफ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन। एट द सेम टाइम द थ्रेट टू द स्पीसीज एंड द इकोसिस्टम हैज नेवर बीन सो ग्रेट एज इट इज टूडे। स्पीसीज एक्सटिंक्शन, जो स्पीसीज लगातार क्या हो रही है, एक्सटिंक्शन हो रहा है उनका, कॉज बाय द ह्यूमन एक्टिविटी कंटिन्यू एट एन अलार्मिंग रेट। इन रिस्पॉन्स, इसके लिए जो है मतलब जो स्पीसीज एक्सटिंक्शन जो हो रहा था, जो हमारी स्पीसीज है वो खत्म हो रही थी, तो उनके रिस्पॉन्स के लिए जो है वो क्या हुआ, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है उसने एक एडहॉक वर्किंग ग्रुप बनाया एक्सपर्ट्स का, और किसके ऊपर, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, कब बनाया, नवंबर 1988 में, कि हम एक्सप्लोर करेंगे नीड फॉर एन इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसके बाद में मई 1989 के अंदर जो है एक एडहॉक वर्किंग ग्रुप बन गया था, और बनने के बाद उसने जो है अपनी रिपोर्ट्स जो है वो क्या करी, सबमिट करी, और उसके बेस पर फरवरी 1991 के अंदर जो ये जो ग्रुप था इसको क्या बना दिया, एक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी बना दिया। इसका वर्क जो है वो स्टार्ट हुआ 22 मई 1992 से, ठीक है, नैरोबी कॉन्फ्रेंस ने पहली बार जो है वो किया। ये कन्वेंशन ओपन हो गया था सिग्नेचर के लिए 5 जून 1992 से, ठीक है, और इसके बाद में ये आपके फोर्स में आ गया था कब से, 29 दिसंबर 1993 से। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बेसिकली ये क्या था, जो कन्वेंशन जो हुआ था ये किस लिए था, द कन्वेंशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज अ इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट था फॉर द कंजर्व करेंगे, ये बेसिकली इसलिए था कि हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और कंजर्व करेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, द सस्टेनिंग यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट एंड फेयर और इक्विटेबल शेयर करेंगे बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज। तो कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मेन एक ही रोल है, जो अलग अलग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जो अलग अलग तरह की जो स्पीसीज अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं, तो वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, इसका मतलब वो खत्म हो रही हैं, ठीक है, विलुप्त हो रही हैं, तो वो विलुप्त ना हो तो हम ऐसा कोई सिस्टम मेंटेन करेंगे कि वो जो है वो बनी रहें, जैसे मान लो चिड़िया या कोई भी मान लो अलग अलग तरह के जो है पक्षी हैं जो वो विलुप्त हो रहे हैं, जो प्रजातियां खत्म हो रही है, तो उनका वो खत्म ना हो ऐसा एनवायरनमेंट को हम लोग जो है वो क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, उसके लिए एक कन्वेंशन जो हुआ उसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कब हुआ ऊपर आपको मैंने बता दिया। इसके बाद है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था ग्रीन हाउस गैसेस के लिए, जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उसको रोकने के लिए जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही बेसिकली ओजोन लेयर जो है वो क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है, तो ओजोन लेयर डिप्लीशन को रोकना है तो क्या करो, ग्रीन हाउस गैसेस को ही रोक दो, तो उसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जिसको लिंक किया गया यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज विच कमिटेड इट्स पार्टी बाय सेट द कि हम सेट करेंगे इंटरनेशनली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस का जो आपका एमिशन हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, उसके लिए टारगेट बनाएंगे। क्योटो जो है वो सिटी है जापान में, तो वहां पर ये एग्रीमेंट किया गया, तो इसीलिए इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल पड़ा। तो इट वॉज अडोप्टेड इन क्योटो जापान, कब अडोप्ट किया, 11 दिसंबर 1997 को, और ये 16 फरवरी 2005 से जो आपके फोर्स के अंदर आ गया था। ये इसको ये बेसिकली जापान में एक सिटी है, जापान के अंदर आपका स्टेट है क्योटो, उसके अंदर एक सिटी है माराकेश, तो माराकेश में एग्रीमेंट हुआ, इसलिए इसको जो है माराकेश एकॉर्ड भी बोलते हैं। पहला कमिटमेंट पीरियड इसका था 2008 तक का, दूसरा कमिटमेंट पीरियड 2012 तक का। इसके अंदर टोटल मिला के 2008 से 2012 तक जो है वो 6 गैसेस को जो है वो ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में डाला गया, जिसके अंदर सबसे पहले तो था आपका कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये पल फ्लोरोकार्बन, और फिर हेक्साफ्लोराइड सल्फर, ये टोटल मिला के जो है वो 6 गैसेस को इस कैटेगरी में डाला गया, और इनके एमिशन के ऊपर अपने को क्या करना है, रोक लगानी थी। शुरुआत में बोला गया कम से कम 5% जो है इनका एमिशन जो है वो क्या बोला गया, 5% से
5% लेवल पे लेके आएंगे, लेकिन उसके बाद EU मेंबर स्टेट जो है उन्होंने प्लेज किया कि हम रिड्यूस करेंगे उनके एमिशन को बाय 8% से हम कम करेंगे, ठीक है। इसके बाद में नई नई कमिटमेंट जो है फिर हुआ पार्टीज का, और फिर सेकंड कमिटमेंट के अंदर जो है ये बोल दिया 18% से आप लोग जो है वो क्या करेंगे, पार्टी ने कमिट किया कि हम रिड्यूस करेंगे ग्रीन हाउस के एमिशन को 18% से कम कर लेंगे, ठीक है। और 8 साल का पीरियड था 2013 से 2020 तक का, इसके अंदर ये बोला गया। 3 मार्केट बेस मैकेनिज्म इसके अंदर जो है वो ऑप्ट किया गया। एक है इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग, जिसके अंदर बेसिकली जो है वो आपका कार्बन ट्रेडिंग जो है हम लोग बोलते हैं, तो कार्बन मार्केट एक बनाई जाएगी, वहाँ पे आप जो है वो क्या करोगे, जो आपके कार्बन क्रेडिट्स है उनको आप सेल कर सकते हो और वहाँ से आप जो है उसको मैच्योर भी करवा सकते हो। दूसरा था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और तीसरा जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, प्रॉपर इसका बता दिया था आप वहाँ से एक बार देख लेना। इसके बाद आपका ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन अदर गैसेस, इनको आपने को क्या करना था, हटाना था। फिर आया जी आपका पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट बेसिकली जो है वो क्या था, एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट था, किसके ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसको रोकने के लिए हम लोगों ने जो है वो क्या किया, पेरिस एग्रीमेंट किया। इसको 196 मेंबर कंट्री ने जो है वो क्या किया था, ऑप्ट किया था, ठीक है। हमारा जो मेन गोल था वो ये था, पहले बोला गया कि हम जो है वो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है लगातार जो है वो अर्थ का एनवायरमेंट 2% बढ़ेगा, इसको यहीं पर क्या करते हैं, रोक लगाएंगे। लेकिन बाद में बोला गया इसको रिड्यूस करेंगे 1.5% लेके आएंगे, ठीक है, पहले के मुकाबले में। तो टू अचीव दिस लॉन्ग टर्म टेम्परेचर गोल, कंट्री का एम था कि हम रीच करेंगे ग्लोबल पीकिंग ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशन एज सून एज पॉसिबल, जो ग्लोबल पीकिंग जो है उस पर हम लोग जो है पहुंचने का काम करेंगे और अचीव करेंगे क्लाइमेट न्यूट्रल वर्ल्ड को, ठीक है जी। इसके बाद आगे वाला रीडिंग कर लेना एक बार। फिर से आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर सिग्नेटरी कंट्री थी 89, मेंबर कंट्री जो है वो थी कितने, 79। तो बेसिकली 121 जो सोलर रिच कंट्री थी जो लाई करती है फुली या पार्टली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो लाई करती हैं, तो उनके लिए बेसिकली ये जो है वो एग्रीमेंट हुआ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और स्पेशल बात ये 2015 में जब ये एग्रीमेंट हुआ, इसको लेके आने वाले जो थे वो कौन थे, पीएम मोदी और फ्रांस के पीएम, इन्होंने इनकी शुरुआत पे जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो किया गया, जिसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, जो सोलर एनर्जी है उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है, एज एन एनर्जी सोर्स के तौर पे, ठीक है ना। तो ये क्या था, द विजन एंड द मिशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज टू प्रोवाइड अ डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म देंगे फॉर कोऑपरेशन अमंग द सोलर रिसोर्स रिच कंट्री वेयर द ग्लोबल कम्युनिटी इंक्लूडिंग द बायलेटरल एंड द मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेट्स या इंडस्ट्री एंड द अदर स्टेक होल्डर मेक ए पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन टू असिस्ट एंड हेल्प अचीव द कॉमन गोल ऑफ इंक्रीजिंग द यूज ऑफ, क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे यूज ऑफ द सोलर एनर्जी इन मीटिंग एनर्जी नीड, जो हमारी एनर्जी नीड्स है उसको मीट करने में सोलर एनर्जी का हम लोग जो है वो क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे इन सेफ कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल एंड इक्विटेबल मैनर के अंदर, ठीक है जी। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना। और इन कंट्रीज को जो है 121 जो सोलर रिसोर्स रिच कंट्री है जिनको बोलते हैं सनशाइन कंट्री है, इसको सूर्यपुत्र भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो मीटिंग थी इसको शुरुआत में करने वाले जो है वो कौन थे, 30 नवंबर 2015 को एक मीटिंग हुई, उसके जो शुरुआत करी वो नरेंद्र मोदी ने और जो हमारे फ्रांसिस होलैंड जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है कहाँ के फ्रांस के, इन्होंने जो इसकी क्या करी, शुरुआत करी। विजन जो था वो ये था, लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर, और जो मिशन था वो ये था कि चाहे कितना भी दूर घर हो हर घर में जो है हम लोग क्या करेंगे, लाइट पहुंचाने का काम करेंगे। बाकी तो इसका बैकग्राउंड है कुछ खास नहीं, बस इसके बाद आगे आ जाओ भाई। अब आएगा सोलर मिशन के बाद, ये इसके थे 6 प्रोग्राम जो है इसके अंदर चलाए थे। एक था सोलर एप्लीकेशन फॉर द एग्रीकल्चर यूज, अफोर्डेबल फाइनेंस एट स्केल, सोलर मिनी ग्रिड, सोलर रूफटॉप एंड द सोलर ई मोबिलिटी एंड स्टोरेज एंड सोलर पार्क, ये सब जो है हम लोग जो है वो क्या करेंगे, बनाने का काम करेंगे। तो ये सोलर एनर्जी के लिए जो है वो बेसिकली हुआ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सोलर एनर्जी को एज एनर्जी नीड के तौर पे हम लोग जो है वो क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसके लिए वैसे तो अपना जो NAPCC है उसके अंदर भी हमने इसके अंदर काम किया हुआ, ये बात ध्यान रखना थोड़ा सा। बस अब आया जी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अगर बात करूंगा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, तो पहले तो ये कि डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट को सेटअप किया गया 1980 के अंदर, एंश्योर करने के लिए कि वो क्या करेगा, हेल्दी एनवायरनमेंट देगा किसको, कंट्री को। बाद में इसको नाम जो है वो चेंज कर दिया 1985 में, और नाम क्या रखा इसका, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एक मिनट रुकना, मैं बुक में से जल्दी जल्दी करवा देता हूं आपको। लो जी, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया बेसिकली, ये आया कब आपका, 1985 में। अब इसके लिए जो है वो क्या था, पहले ध्यान से समझो, बोलते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वॉज नॉट मच एन इश्यू
1980 तक अपने यहाँ पे कोई इशू था ही नहीं, गवर्नमेंट इसके लिए तैयार भी नहीं थे। गवर्नमेंट बोली क्या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बनाना, अलग से कानून बनाना, पहले इतने जो है वो कंट्री के अंदर बहुत प्रॉब्लम है तो उनको हम जो है वो पहले डील करेंगे, एनवायरमेंट वाली बात को हम अभी नहीं करेंगे। लेकिन सीरियस नीड जो है वो महसूस हुई और बाद में इंटरनल बॉडीज जो है और एक्सटर्नल दोनों तरफ से प्रेशर आया। एक्सटर्नल तो ये है कि जो यूएन है उसने बोला कि आप अपनी कंट्री के अंदर एनवायरमेंट के रिगार्डिंग कोई एक्ट बना लो ताकि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि हम इंटरनेशनल आपके लिए, आप भी क्योंकि यूएन का एक हिस्सा हो तो इंटरनेशनल हम कुछ एग्रीमेंट लेके आएंगे तो वो आपको पूरे करने पड़ेंगे क्योंकि आप सिग्नेटरी बॉडी बन जाओगे, ठीक है। और दूसरा ये है कि अपने इंडिया के अंदर जो है वो क्या हो गया, भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गया 1984 के अंदर। जब ये ट्रेजेडी हो तो बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए, फिर गवर्नमेंट की आंखें खुली और गवर्नमेंट बोली हाँ यार हमको जो है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट जो है वो पास करना पड़ेगा। तो पास जो है वो कुछ ऐसा है कि द इंटरनेशनल इंपिटस जो है प्रेरणा अपने को मिली कहां से, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से 1972 में। इसके डिसीजन को फॉलो करने के लिए हम लोगों ने एक्ट को जो है वो क्या किया, बनाया, ठीक है। ऊपर से जब ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गया 1984 में, इट लीडिंग टू 1000 एंड द डेथ ऑफ द ओवरनाइट इन द गैस लीक दैट हैपेंड इन द भोपाल, लैक ऑफ लेजिस्लेशन, क्योंकि लेजिस्लेशन था, कोई कानून नहीं था, इस एक्सीडेंट वाज द रीजन द, पर जो अपराधी था वो और जो उसकी कंपनी थी आर स्कॉट फ्री, वो जो है वो अनपनिश रह गए। फिर इंडिया को लगा कि यार ये तो बहुत ही गलत हो गया तो अब इसके लिए अपने को एक्ट बनाना चाहिए। फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है वो क्या किया गया, पास किया गया, केम इनटू फोर्स फॉर ऑल इंडिया के लिए नवंबर 1986 में अंडर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये जो एक्ट है उसमें 26 सेक्शन और 4 जो है इसमें, इसके अंदर चैप्टर जो है वो डाले गए थे, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद में है आपका इसका मेन एम, तो फर्स्ट तो ये है इसका सोल एम जो है वो ये है कि ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा किसको, एनवायरनमेंट को, और ये प्रिवेंट भी करेगा और रिड्यूस भी करेगा एनवायरमेंटल पोल्यूशन को, प्रोवाइड करेगा अथॉरिटी टू टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट प्रिपरेटर्स। दूसरा ये क्या करेगा, ये एक्ट जो है वो जो प्रिसिडेंस है ओवर द अदर एक्ट, मतलब बाकी एक्ट में चाहे कुछ भी लिख रहेगा लेकिन इसके रूल्स चलेंगे। और तीसरा ये जो एक्ट है वो फोर्स करेगा कंट्री को कि वो क्या करे, टेक नोट ऑन द एनवायरमेंट पोल्यूशन इन ए सीरियस वे। साइलेंट फीचर जो है इसके ये थे कि एक्ट क्या करेगा, सभी तरह के पोल्यूशन को जो है इसने क्या किया, कवर किया है। ये प्रोवाइड करेगा सेफ स्टैंडर्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ द वेरियस पोल्यूटेंट, ये रोक लगाता है यूज ऑफ द हजार्ड्स मटेरियल अनलेस प्रायर परमिशन, जब तक परमिशन ना लो गवर्नमेंट से तब तक उस मटेरियल को आप यूज नहीं कर सकते। ये अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि वो असाइन करेगी अथॉरिटी इन वेरियस ज्यूरिसडिक्शन टू कैरी आउट द लॉज ऑफ द एक्ट। अब इस एक्ट के अंदर अगर आपके ऊपर कोई जो है वो क्या हुई, पेनल्टी लगाई गई, ठीक है, तो पेनल्टी के लिए आप लोग जो है अपील में जा सकते हैं। अपील के लिए जो है वो बनाई गई थी पहले नेशनल एनवायरमेंट एपलेट अथॉरिटी, लेकिन उसने प्रॉपरली काम नहीं किया, उसके बाद में इसको जो है वो खत्म कर दिया और उसकी जगह पे एक नई अथॉरिटी बनाई गई जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसको 2010 के अंदर जो है वो क्या किया, बनाया गया था। ये ट्रिब्यूनल के पास में जाकर के आप इसके रिगार्डिंग कोई भी मुद्दे हो तो उसकी सुनवाई करवा सकते हो। 2010 में बनाया गया, इफेक्टिव एंड एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ द केसेस रिलेटिंग टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है जी। अब इसके अंदर पेनल्टी जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पेनल्टी का अमाउंट पेपर के अंदर आ सकता है। 5 साल तक की सजा और 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना है, लेकिन अगर आपने सजा नहीं मानी तो 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा और लगना शुरू हो जाएगा और 7 साल तक की आपको सजा भी हो सकती है। अगर कोई कंपनी ने ऑफेंस किया तो उसके डायरेक्टर को जो है वो हम दोषी ठहराएंगे। गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने अड़कर कोई ऐसा वो कर दिया, कोई अपराध कर दिया, तो जो HOD होगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसको जो है वो क्या ऑफिसर माना जाएगा और उसके ऊपर जो है गिल्टी मान के उसको उसके ऊपर हम सजा लगा सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद में बस ये है कि बाकी एक्ट से ये थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक था, बाकी बहुत सारी बातें मैंने आपको पहले सारी की सारी ये लिखवाई थी तो ये आप देख लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद में है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 जो है वो आए अपने इंडिया के अंदर जो है। बेसिकली ये इनका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था कि ओल्ड एंड ऑफ लाइफ और डिस्कार्डेड जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है उनको कैसे डिस्पोज करना है, उसके लिए इंडिया में जो है वो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो है वो लेकर आए थे। अब तो 17,00,000 टन ई वेस्ट जो है वो जनरेट होता है हर साल, ठीक है, और एनुअल इंक्रीज लगातार 10% से वो क्या हो रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है। तो फर्स्ट टाइम रूल जो है वो लेके आए गए प्रोड्यूसर अंडर द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोंग विद द टारगेट, प्रोड्यूसर हैव बीन मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ ई वेस्ट एंड इट्स एक्शन। प्रोड्यूसर को बोला गया कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो कि तुमने जो सामान बेचा है उसको आप जो है लोगों से कलेक्ट करोगे और उसको डिस्पोज करने की तुम्हारी इसकी जिम्मेवारी है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके अंदर बनाई गई थी, बेसिकली ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी। तो फीचर के नाम पे
यहाँ पे मैन्युफैक्चर डीलर और ये रिफर्बिशर एंड द प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन इंट्रोड्यूस किया गया एज एन एडिशनल स्टेक होल्डर. एप्लीकेबिलिटी टू द रूल्स हैव बीन एक्सटेंड किया गया कंपोनेंट्स की पे के ऊपर भी. मतलब ऐसा नहीं कि जो फिनिश गुड्स है, अगर उसके कोई कंपोनेंट भी है, कंज्यूमेबल स्पेयर्स एंड पार्ट्स, इन सबको इस कैटेगरी के अंदर जो है वो क्या किया गया, डाला गया. CFL एंड अदर मर्करी कर्नी लैंप बोर्ड अंडर द प्रीव्यू ऑफ द रूल्स, ये भी इसी के अंदर जो हम लिखे हैं. कलेक्शन मैकेनिज्म जो है वो अप्रोच हैव बीन अडॉप्टेड टू इंक्लूड द कलेक्शन सेंटर, कलेक्शन पॉइंट, टेक बैक सिस्टम एक्सेट्रा फॉर कलेक्शन द ईवेस्ट. उसको कलेक्ट कैसे करेंगे तो वो सब यहाँ पे लेके आया गया. दूसरा ऑप्शन है बीइंग गिवन दिया गया कि हम PRO बनाएंगे, ईवेस्ट एक्सचेंज, ई रिटेलर, जो बेसिकली क्या करेंगे, एंशो करेंगे चैनलाइजेशन ऑफ द ई वेस्ट को. प्रोविजन बनाएंगे पैन इंडिया EPR ऑथराइजेशन बाय द CPRB, जो ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज इंट्रोड्यूस, रिप्लेस द स्टेट वाइज. तो स्टेट वाइज जो आपको पहले अप्रूवल लेनी पड़ती थी उसको हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया. और टारगेट हमने बना दिया कि आपको ऐसे ऐसे करके इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है. इसके बाद ई वेस्ट में तो जनरली इतना ही है. फिर अमेंडमेंट आया थोड़ा सा, ठीक है, ई वेस्ट के अंदर अमेंडमेंट आ गया और जो वेट है उसको 10% से क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया. और टारगेट 2023 तक कितना कर देंगे, 70% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जो है वो कर देंगे. खैर ये मैंने आपको सारा बता दिया था. फिर आपका NGT आपको बताया 2010 के अंदर इसको लेके आए थे NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को. उसके पीछे का मोटिव आपको बता दिया कि जो पुराने वाला एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के जो रूल्स थे, जो उसके रूल्स थे, उनको अगर आपने नहीं माना तो आपके ऊपर क्या होगा, केस होगा. अब वो केस की सुनवाई कौन करेगा, उसके लिए पहले हमने एक ट्रिब्यूनल बना रखी थी लेकिन वो अच्छे से काम नहीं करती. तो 2010 के अंदर एक नई ट्रिब्यूनल बनाई जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. तो ये NGT जो है ये बना दिया हमने. तो प्रीएम्बल जो था इस एक्ट का 2010 के अंदर ये एक्ट पास हुआ था, NGT एक्ट 2010, ठीक है. इसके शुरुआत में ये बोला गया, ये प्रोवाइड करेगा कि हम एस्टेब्लिश करेंगे एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फॉर एन इफेक्टिव एंड एक्सपीडियस डिस्पोजल. इफेक्टिवली और एक्सपीडियस मतलब तेजी से हम डिस्पोज करेंगे केसेस को विच आर रिलेटिंग टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड द अदर नेचुरल रिसोर्स इंक्लूडिंग द एनफोर्समेंट ऑफ एनी लीगल राइट रिलेटिंग टू द एनवायरमेंट एंड गिविंग रिलीफ, और रिलीफ देंगे और कंपनसेशन देंगे फॉर द डैमेजेस टू द पर्सन एंड द प्रॉपर्टी एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू. तो मतलब जो भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के जो केसेस हैं उन केसेस की सुनवाई के लिए जल्दी से सुनवाई हो, जल्दी से उसका जो है वो रिजल्ट निकल के आए, तो उसके लिए जो है NGT की हमने जो है वो क्या करी, रचना करी. जब से इसको एस्टेब्लिश किया इंडिया ने, ज्वाइन किया डिस्टिंग्विश्ड लीग ऑफ द कंट्री डेट हैव डेडिकेट एडजुडिकेटरी फोरम है. अब इंडिया के पास भी एक डेडिकेटेड एडजुडिकेटरी फोरम है, एक ऐसा कोर्ट है जहां पर सिर्फ एनवायरमेंटल मुद्दों की ही जो है वो क्या होगी, सुनवाई होगी. इंडिया थर्ड कंट्री है वर्ल्ड के अंदर जिसके पास फुल फ्लैज ग्रीन ट्रिब्यूनल है, फॉलो बाय द पहले नंबर पर न्यूजीलैंड है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया और तीसरे पे इंडिया. स्पेशलाइज आर्किटेक्चर जो है NGT का वो फैसिलिट करता है कि फास्ट ट्रैक पे हम क्या करेंगे, एनवायरमेंटल केसेस को रिजोल्व करेंगे और प्रोवाइड करेंगे बूस्ट टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेनी सस्टेनेबल. NGT इज मैंडेट टू डिस्पोज द केसेस विद इन 6 मंथ. जो भी मुद्दा आएगा, जो भी केस होगा, उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसकी सुनवाई करके उसका रिजल्ट हम डिक्लेयर कर देंगे. ओके जी सर. तो ऊपर से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 अपना कंप्लीट हो गया. ऊपर से हम लोगों ने 1 से लेके 7 चैप्टर जो है वो कंप्लीट किए. तो ये हमारे चैप्टर से सबसे पहला चैप्टर था आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का. इसके अंदर दोनों हमने पढ़ लिए, MDG भी पढ़ा, SDG भी पढ़ा. दूसरा ह्यूमन एनवायरमेंट का इंट्रैक्शन, 22 तरह के इसके टॉपिक्स थे. तीसरा एनवायरमेंटल इशू 3 लेवल पे, लोकल, रीजनल और ग्लोबल लेवल पे. फिर पोल्यूशन हमने पढ़ लिया 5-6 तरह का, वो पढ़ लिया, और पोल्यूटेंट्स क्या वो पढ़ लिए. नेचुरल एनर्जी रिसोर्स 9 तरह के हमने पढ़ लिए. नेचुरल हजार्ड्स 8 तरह के वो भी हमने पढ़ लिए. एनवायरमेंटल एग्रीमेंट बहुत सारे हुए वो देख लिया, और कुछ एक्स्ट्रा बातें वो भी कर ली. तो टोटल मिला के पूरा का पूरा जो हमारा टॉपिक था पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट का, वो हम लोगों ने आज की क्लास में रिवाइज किया. आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी. एग्जाम में जाने से पहले 2 बार ये लेक्चर जरूर लगा के जाइएगा. ओके, तो आपका थोड़ा सा जो टॉपिक है वो गो थ्रू हो जाएगा. अब इसके MCQs हम और करेंगे और फिर पूरा का पूरा जो पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट का जो टॉपिक है वो अपना पैक हो जाएगा, क्योंकि एक इसी के MCQs रह गए, बाकी सबकी हमने रैपिड फायर सीरीज जो वो चला दी थी, तो सबके MCQ आपको मैंने प्रोवाइड करवा दिया. एक लास्ट पीपल रह गया, तो इसके कल मैं इसके MCQs भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा. ओके जी सर. लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा. अगर अच्छा लगा तो अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा. और अगर आप लोग हमारा ऑनलाइन बैच परचेस करना चाहते हैं तो नीचे हमने नंबर दिया, इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं. दूसरा, हमारा जो ऑनलाइन बैच है उसके अंदर हम लोग जो है पेपर 1 प्लस में पेपर 2, किसी का कॉमर्स है और या मैनेजमेंट है तो दोनों के ही हम लोग जो है वो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. हमारे ऑनलाइन बैच में हम लोग जो है वो देते हैं पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर, हर यूनिट का, हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का आपके सेपरेट वीडियो लेक्चर मिलेंगे. प्लस में आपको मिलेगा सारा स्टडी मटेरियल बुक्स फॉर्म में, ठीक है. 20 किताबें, 10 पेपर 1 के, 10 पेपर 2 के आपके होम एड्रेस पे आएगा. प्लस में रिवीजन के लिए रिवीजन की वीडियो, जैसे ये रिवीजन वीडियो है. प्लस में प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के MCQ. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, नीचे हमने नंबर दिया, इसके ऊपर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं.
ओके जी सर, चलो इतना कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए, कल मिलेंगे नए लेक्चर में और करेंगे इसके सारे के सारे एमसीक्यूज को। ओके जी सर, चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।